अरे भाई पहली क्लास है, स्वागत नहीं करोगे हमारा? गुड आफ्टरनून भाई, ये होनी चाहिए एनर्जी क्लास की। बताओ तुम लोग ऐसे धीरे धीरे गुड आफ्टरनून सर, थक गए क्या पढ़ते पढ़ते? थक क्यों गए, फाउंडेशन में भी तो पढ़ते हो गए। कितना कितना जनरली टेन्योर रहता था फाउंडेशन का? 4 घंटे 5 घंटे? अरे ये तो यहाँ का तुम्हारा हाफ डे का स्केड्यूल रहने वाला है। कितने बच्चे सुबह से पढ़ रहे हैं? सुबह से मॉर्निंग से क्लास चल रही है? अरे क्या बात है, बढ़िया, तो मजा आने वाला है फिर इस क्लास में। तो वैसे लास्ट लेक्चर वैसे भी लॉक है, 3 घंटे का लेक्चर बस है ना सच। और क्या, 6 घंटे से तुम लोग पढ़ रहे हो, 3 घंटे का लॉक का लेक्चर है। एंड ये रूटीन अब चलने वाले कितने दिन चलेगा हफ्ते में? ज्यादा नहीं, 7 दिन, बाकी दिन छुट्टी रहेगी। और कितने महीने चलेगा स्केड्यूल? रेडी हो या डर लग रहा है? डरने की जरूरत नहीं, चिंता मत करो। ये समय कब निकल जाएगा, मतलब लॉ की क्लास के लिए मैं इतना कह सकता हूँ, ये 3 आवर्स का टाइम आपका कितनी जल्दी निकल जाएगा ट्रस्ट में आपको नहीं पता चलेगा। 3-4 लेक्चर्स के बाद आप खुद ये बात कहना स्टार्ट कर दोगे कि सर एक्चुअली में टाइम कहाँ निकल जाता है नहीं पता चलेगा। वेरी गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून निशार, अभिषेक, स्वैग, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलेगा, सबसे पहले कुछ नोट्स सबको मिल गए होंगे। बाई चांस अगर किसी को नोट्स नहीं मिले, चुपचाप एक बार जाकर पीछे तिवारी जी खड़े उनसे नोट्स ले लीजिएगा। ये नोट्स आज की क्लास में हमारी मदद करेंगे। एंड जितने भी हमारे लाइव एट होम या यूट्यूब या कहीं भी कनेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे एंड वहां पे आपको आज की इस क्लास के नोट्स मिल जाएंगे। तो आज की क्लास के लिए हम कुछ नोट्स रेफर करने वाले हैं। यूट्यूब स्टूडेंट्स यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको एक लिंक मिलेगा, डायरेक्टली आप उन नोट्स पे पहुंच जाएंगे। जो भी लाइव एट होम स्टूडेंट्स हैं मैं उनको टेलीग्राम चैनल का नाम बता रहा हूं। तो आप टेलीग्राम एक ऐप है उस पर जाएंगे, तो वहां पर आप लिखेंगे CA_law_harshgupta। वहां पर जस्ट अभी 10 मिनट पहले ही मैंने कुछ नोट्स अपलोड किए हैं, फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड दीज नोट्स। तो आज की क्लास में इन नोट्स की हमें मदद लेनी होगी, दीज विल बी हेल्पफुल। तो प्लीज आप ये नोट्स जरूर अपने पास हैंडी रखिएगा ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले तो दिस इज सी ए हर्ष गुप्ता एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस एट सी ए इंटरमीडिएट लेवल। तो मुझे इस पेपर की जिम्मेवारी दी गई है भाई, और आपके पेपर 2 की तैयारी मुझे करानी है। तो ये आपका पेपर 2 है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस का, पर क्योंकि आज पहली पहली क्लास है तो बहुत ज्यादा तो पढ़ाई हम लोग नहीं करेंगे। आज की क्लास के बड़े बेसिक से हम 2 टारगेट सेट करते हैं, क्योंकि वैसे ही पहली क्लास है, सुबह से वैसे ही आप लोग पढ़ रहे हो। कितने बजे उठे थे सुबह? 5 बजे। 5 बजे उठ के क्या गया था? कितने बच्चे 5 बजे उठे आज? अरे भाई घर से 6 बजे निकल गए थे, 5:30 उठे थे, 5:30 निकल गए थे, 5:30 घर से निकल गए थे। आज तो आपके पेरेंट्स ने भी आपको काफी रिस्पेक्ट से देखा होगा यार, आज मेरा बेटा कुछ करके दिखाएगा, आज कुछ लग रहा है। वरना भी पिछले 1.5 महीने तो शायद कहीं बच्चे 5:30 बजे सो रहे होंगे, ऐसा भी स्केड्यूल रहा होगा है ना। चलिए एनीवेज, आज की क्लास का बच्चों टारगेट क्या है? आज की क्लास का टारगेट बड़ा सिंपल है, सिर्फ 2 ही टारगेट आज की क्लास के हमारे हैं। सर क्या 2 टारगेट्स हैं ये भी बता दो। पहला टारगेट तो बच्चों आज की क्लास का क्या रहेगा? अपने पेपर के बारे में थोड़ा सा जानना। तो हमारा पेपर 2 है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, एग्जैक्टली ये है क्या, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हमारी जो 3-3.5 महीने की जर्नी रहेगी, क्या क्या टॉपिक्स हमें सीखने को मिलेंगे, और हमारा इंस्टीट्यूट हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। तो बस पहली चीज हमें ये जाननी है ताकि हम अपने पेपर के बारे में थोड़ा सा जान जाए। और जो दूसरा टारगेट आज की क्लास का रहने वाला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहां पर बेटा अब हम लॉ का पेपर पढ़ने वाले हैं, एंड क्या आप ऑलरेडी लॉ पढ़ चुके हो? ऑब्वियसली फाउंडेशन लेवल पर आपने लॉ पढ़ा हुआ है, तो जैसे ही आप 12th पास करते हो आप अपने जीवन में पहली बार लॉ पढ़ते हो फाउंडेशन लेवल पर। एंड एक बार एक सवाल का जवाब दीजिएगा, कितने बच्चों की लॉ की जर्नी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ऑफर एक्सेप्टेंस इन सब से स्टार्ट हो गई थी? यहां से आपने अपनी लॉ की जर्नी स्टार्ट करी, आई वुड से मे बी 80-90% ऑफ द क्लास। तो होता क्या है, जब आप 12th में होते हो और आपको पता होता है भाई हमें सीए करने वाला हूं, सीए में मुझे लॉ का पेपर पढ़ने को मिलेगा, तो आपकी एस्पिरेशंस बड़ी हाई होती है कि यार हमें सीखने को मिलेगा लॉ एग्जैक्टली है क्या, क्यों है, कैसे बनता है, क्या चीज एग्जैक्टली लॉ है, क्या लॉ बनाने का प्रोसीजर है, क्यों हम पढ़ते हैं, नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होगा। बट जब आप फाउंडेशन पर अपनी लॉ की जर्नी स्टार्ट करते हो, सीधे आप जनरली अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से स्टार्ट कर देते हो, वही ऑफर एक्सेप्टेंस प्रॉमिस एग्रीमेंट, उन सबके अंदर ही आप कहीं ना कहीं मर्ज हो जाते हो और आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। फिर आप भी सोचते हैं ठीक है यार यही सब तो पेपर में आना है, इन्हीं को पढ़ते रहते हैं, पर वो जो कुछ क्वेश्चन होते हैं माइंड में वो कहीं ना कहीं थोड़े से मिसिंग रह जाते हैं कि एग्जैक्टली लॉ होता क्या है, हमें क्यों ये लॉ पढ़ना पड़ता है, जब हम लॉ बोलते हैं तो लॉ का मतलब एग्जैक्टली है क्या, टू विच टर्म वी आर रेफरिंग। क्या लगता है बेटा लॉ का मतलब क्या होता होगा? वी आर टॉकिंग अबाउट एक्ट, और वी आर टॉकिंग अबाउट बिल, और वी आर टॉकिंग अबाउट रूल्स, और वी आर टॉकिंग अबाउट रेगुलेशंस, और एनी सर्कुलर और एनी नोटिफिकेशन, या ये सब एक ही चीज है, कोई डिफरेंस ही नहीं है, या कुछ अंतर होता होगा इनमें?
कुछ तो सर डिफरेंस होता होगा, अगर डिफरेंस नहीं होता तो इतनी वैरायटी की टर्मिनोलॉजीज या नॉमनक्लेचर्स हमें नहीं दिए जाते। अगर किसी चीज को एक्ट बोला जा रहा है, किसी को रूल बोला जा रहा है, किसी को रेगुलेशन बोला जा रहा है, तो डेफिनेटली एंड डेफिनेटली यहां पर आपका डिफरेंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये लॉ एग्जैक्टली है क्या? तो बेटा अब हम जब सीए इंटर लेवल पर लॉ पढ़ेंगे, हमारे पास दो अप्रोचेस रहती है लॉ पढ़ने की, और मैं हमेशा स्टूडेंट से ही पूछता हूं आप मुझे बताना किस अप्रोच से हम लॉ पढ़े। पहली अप्रोच तो बेटा ये हो सकती है कि मैं मान के चल सकता हूं अपने फाउंडेशन लेवल पर थोड़ा बहुत लॉ पढ़ रखा है, लॉ की एक बेसिक नॉलेज आपके पास है एंड बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजीज का आप ज्ञान रखते हो, और सीए इंटर में जितना सीए इंटर लेवल के स्टूडेंट को रिक्वायर्ड है हम सीधा वहां से अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी अप्रोच हम रख सकते हैं, मैं मान के चलूंगा आपने जस्ट अभी अपनी 12वीं पास करी है, आप 12th पास आउट स्टूडेंट हो और आपने अपने जीवन में कभी भी लॉ के बारे में सुना ही नहीं है कि लॉ एग्जैक्टली होता क्या है, और आज आपके जीवन की वो पहली क्लास है जहां पहली बार लॉ क्या है ये सीखने वाले हो, तो किस प्रिजम्पशन के साथ हम पढ़े बताइए, क्या लगता है कितने बच्चे पहली अप्रोच के साथ अच्छा कि नहीं सर बेसिक हमें आता है इतना मान सकते हैं? चलो बेसिक आता है कुछ बच्चे कह रहे हैं, एंड कितने कह रहे हैं नहीं सर सेकंड ईयर अप्रोच ठीक है, वैसे ही अब 1.5 महीना हो चुका फाउंडेशन का पढ़े हुए, यही ठीक लग रही है, 1.5 महीने के लगभग तो हो गया होगा फाउंडेशन पढ़े। चलो तो मैक्सिमम बच्चे सेकंड अप्रोच ही कह रहे हैं, यही सेकंड अप्रोच हम फॉलो भी करेंगे, और बाय द एंड ऑफ टुडेज क्लास आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये सेकंड अप्रोच ही हमारे लिए ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि अगर सेकंड अप्रोच के हिसाब से हमने नहीं पढ़ा तो सिलेबस में आगे हमें दिक्कतें आएंगी। तो आज की इस क्लास को बेटा मैं कहता हूं बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो हमारे लॉ के कुछ बेसिक्स को बिल्डअप करेगी एंड पूरे सिलेबस में आगे काम आएगी। एंड जैसी मैं कहता हूं आज की क्लास में हम जो भी पढ़ेंगे या जो भी सीखेंगे बेटा वो सब आपके पेपर में नहीं आएगा, मतलब आज हम जो भी सीखने वाले हैं तो आज की क्लास में जो भी हम डिस्कशन करेंगे वो आपके पेपर में आएगा ही नहीं, पहले से बता रहा हूं। पर जो आज की क्लास में सीखेंगे वो आपके सीए इंटर की हर क्लास में काम आएगा, सीए फाइनल में जब भी आप लॉ या लॉ से रिलेटेड कुछ भी पढ़ोगे जीवन में काम आएगा, सीए बनने के बाद किसी भी लॉ से डील करोगे आज की क्लास आपके जरूर काम आएगी ही आएगी, और ये क्लास आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी उस चीज के अंदर। तो आज की क्लास का दूसरा और आखिरी टारगेट यही रहेगा टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज लॉ, कि लॉ है क्या, क्यों बनता है, कैसे बनता है, उसके बारे में चर्चा रहेगी, और यही आज की क्लास के दो टॉपिक है। चलेगा इतना तो एक क्लास में हम कवर कर सकते हैं, ये दो टॉपिक पूरे होते हैं आज की क्लास ओवर डन। अरे दो टॉपिक पूरे होते हैं आज की क्लास ओवर, अगर 2 घंटे में टॉपिक्स पूरे हो गए तो क्लास ओवर, पर अगर 4 घंटे लगे तो तुम लोग साथ दोगे? बच्चा वो कॉन्सेप्ट लगा रहा है सर, 3 आवर्स और टॉपिक्स विच आर कवर्ड विच एवर इज लेटर या अर्लियर। चलो कोई नहीं, एक बार स्टार्ट करते हैं ना, आपको भी धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा। स्नेहा आपको टेलीग्राम पर फाइल मिल जाएगी, बिल्कुल आप डाउनलोड करना आपके मोबाइल में, अगर आपने मोबाइल पे फाइल ओपन करी है पीडीएफ का कोई भी सॉफ्टवेयर होना चाहिए तो इट्स अ पीडीएफ फाइल, फाइल बिल्कुल ओपन हो जाएगी, डोंट वरी। चलिए बच्चों तो सबसे पहले तो एक बार पेपर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये पेपर एग्जैक्टली है क्या। तो बच्चों सीए इंटर लेवल पर हम अपना ये पेपर पढ़ने वाले हैं, पेपर नंबर इज पेपर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, नीडलेस टू से 100 नंबर का ये पेपर है। और बेटा इसको हम पेपर 2 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सीए इंटर ग्रुप 1 में टोटल पेपर्स कितने आपके 4, तो वहां पर जब हम पेपर को नंबरिंग दे रहे हैं इसका मतलब क्या, ये आपको सेकंड पेपर है जो लिखना रहेगा। पहला पेपर आप कौन सा लिखते हो, अकाउंट्स का, पेपर सेकंड विल बी ऑफ लॉ एंड दैट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, थर्ड पेपर आपका कौन सा आ जाएगा सीएमए कॉस्टिंग, एंड चौथा पेपर कौन सा आ जाता है आपका टैक्सेशन। तो ये आपका ग्रुप 1 का पेपर नंबर 2 है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, एंड आपके सीए इंटर लेवल की जर्नी का अगर मैं कहूं तो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट थियरी पेपर। तो पहला थियरी पेपर है जो आप सीए इंटरमीडिएट लेवल पर पढ़ते हैं, तो दिस इज पेपर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, 100 नंबर का ये पेपर है। पास होने के लिए कितना चाहिए, पहली पहली क्लास है तो थोड़ा सा ब्रशअप कर लेते हैं, कितना चाहिए पास होने के लिए 40। तो जी अगर 100 में से आप 40 ले आए तो आप इस पेपर में पास हो जाओगे, पर अगर ग्रुप 1 के सारे पेपर में 40 40 40 40 लाए क्या पास हो जाओगे, नहीं जी, क्योंकि एग्रीगेट आपको बनाना पड़ता है और एग्रीगेट कितने होने चाहिए आपके 50% शुड बी द एग्रीगेट। तो ग्रुप 1 में 4 पेपर है दैट इज 400 नंबर, पास होने के लिए एग्रीगेट बेसिस पर आपको कितना चाहिएगा 200 नंबर। तो हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 तो आपको लाना ही है, एग्रीगेट आपका 50 बनना चाहिए तब जाके आपका पेपर पास माना जाता है, ग्रुप पास माना जाता है। ऐसा बहुत बार होता है कि बच्चे ने 45 45 48 49 स्कोर किया है एंड ऑब्वियसली आपका ग्रुप क्लियर नहीं हुआ। तो ग्रुप क्लियर करने के लिए लेट से आपने 2 पेपर में 40 40 स्कोर किया, 2 में आप 60 60 स्कोर करोगे, एग्रीगेट बन जाएगा 50 एंड यू विल बी पास। तो ये आपका पासिंग क्राइटेरिया रहने वाला है। पर क्या 40 नंबर लाना हमारा टारगेट होना चाहिए, नहीं जी 40 नंबर लाना कभी भी हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए, हमें कभी भी वो पासिंग क्राइटेरिया का सोचना ही नहीं है। अगर लॉ के पेपर की बात करो बेटा आज की क्लास में, आज की क्लास के बाद हमेशा एक चीज ध्यान रखना, सबसे बेयर मिनिमम अगर कम से कम भी आपको अपने लिए टारगेट सेट करना है द मिनिमम टारगेट शुड बी 60, 60 से नीचे तो आपको सोचना ही नहीं है। मतलब अगर कोई बच्चा ये सोच के आया था कि यार लॉ का पेपर है 40 45 भी आ जाए 50 भी आ जाए किसी तरह पास हो जाऊं, वो आपका टारगेट नहीं होना चाहिए।
बेयर मिनिमम टारगेट शुड बी 60। 60 एक बड़ा स्पेशल नंबर है सीए स्टूडेंट के लिए, क्यों? क्योंकि जो उस केस में ना वो पेपर एग्जम्प्ट भी मान लिया जाता है। एग्जम्प्शन मतलब लेट्स से तीन पेपर में आपके 40 45 48 आए, पर इसमें आ गए 60, तो आपका लेट्स से 50% एग्रीगेट तो नहीं बना, ग्रुप तो पास नहीं हुआ, पर क्योंकि आपने लॉ के पेपर में इतना एक्सेप्शनल स्कोर कर दिया, आप 60 नंबर ले आए, तुम्हारा इंस्टीट्यूट बड़ा दयावान है। और वो क्या कहते हैं भाई, भाई अगर एक पेपर में 60 स्कोर कर गए तो मतलब कुछ ज्यादा ही अच्छी तैयारी उस पेपर की थी, चलो आपको दोबारा से वो पेपर नहीं लिखना। तो 60 शुड बी योर बेयर मिनिमम टारगेट। एंड हायर एंड पर अगर मैं कहूं बेटा, हायर एंड पर ऑब्वियसली मेरी एक्सपेक्टेशन अपने स्टूडेंट से रहती है मिनिमम 80 प्लस की, मतलब 80 इट्स द नंबर जिस पर मैं खुश होता हूं स्कोर देखकर कि बच्चे ने 80 या उससे ऊपर स्कोर किया, तब जाकर मेरे को काफी खुशी होती है कि बेटे ने इतना अच्छा स्कोर कर दिया, 80 से ऊपर नंबर आया। एंड 90 प्लस इज द ड्रीम नंबर। लॉ के पेपर में 90 प्लस थोड़ा सा एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं होता, बिकॉज थियरी पेपर है, एग्जामिनर के पास मार्क्स काटने का स्कोप काफी रहता है, फिर भी 90 प्लस इट्स अ नंबर, ऑब्वियसली इट इज अचीवेबल। और कोई भी बच्चा अगर 90 प्लस लाता है तो वो एक ऐसा नंबर होगा, मतलब वो कह लो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम है कि मेरा स्टूडेंट इतना अच्छा लॉ के पेपर में परफॉर्म कर पाया। तो 90 प्लस का टारगेट तो आप अपने लिए सेट करोगे ही करोगे। एंड लॉ को पढ़ने की अप्रोच बेटा आपकी बड़ी सिंपल होनी चाहिए। लॉ क्यों, क्या किसी भी पेपर को अब पढ़ने की अप्रोच क्या होनी चाहिए कि आप जिस चीज को सीख रहे हो आपको इस तरीके से सीखना है कि अगर उसी सीखने के अगले दिन आपको उस टॉपिक पर एडवाइजरी करनी पड़ जाए तो आप उसकी एडवाइजरी कर पाओ। एडवाइजरी इन द सेंस कि अगर आपको किसी बिग फोर के पार्टनर के साथ उस टॉपिक पर डिबेट करनी है, किसी लीगल एक्सपर्ट के साथ उस टॉपिक पर डिबेट करनी है, तो आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उस टॉपिक पर डिबेट कर पाएंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट पर ग्रिप इतनी अच्छे से बनानी है कि अगर वो टॉपिक रियल लाइफ में आपको अप्लाई करना पड़ जाए तो रियल लाइफ में वो टॉपिक आपको दिक्कत ना दे। और अगर आप पढ़ाई उस तरीके से करोगे तो बेटा 70-80-90 ये तो नंबर्स हैं, ये ऑटोमेटिकली आपके आ ही जाएंगे। तो एक्सेलेंस का यहाँ पर आपका पूरा टारगेट रहना चाहिए कि हमें उस तरीके से पढ़ाई करनी है कि रियल लाइफ में ये टॉपिक्स हमें भी कभी दिक्कत ना दे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बायबैक सीखते हो तो अगले ही दिन अगर आपसे कोई पूछ ले भाई कि बायबैक के लिए कॉर्पोरेट लॉ के क्या कंप्लायंसेस आपके टिप्स पर होने चाहिए, फटाफट से एडवाइजरी कर पाओ। आप बोनस इश्यू सीखते हो, आपके टिप्स पर होना चाहिए। अभी रिसेंटली आपने कुछ टर्म्स शायद सुनी होगी, एफपीओ, किसी बच्चे ने सुनी थी, अदानी वदानी, अदानी ग्रुप का कुछ एफपीओ आ रहा था, एफपीओ कॉल ऑफ हो गया, सुना था किसी ने? नहीं, कितने बच्चों ने सुना हुआ था? अच्छा, अदानी ग्रुप का एक स्कैम वैम कुछ चल रहा है अभी, स्कैम है भी या नहीं ये भी नहीं पता, और उसका कुछ एफपीओ था। चलो, तो जैसे ही वर्ड आपने एफपीओ सुना, आपकी स्किल इस लेवल की होनी चाहिए, आपको ऑब्वियसली एफपीओ की फुल फॉर्म तो सबको बताओगी क्या रहती है, फर्दर पब्लिक ऑफर, कुछ लोग फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी बोल देते हैं एफपीओ। तो जैसे ही आप ये वर्ड सुनते हो आपका दिमाग चलना चाहिए, और कंपनीज एक्ट का कौन सा सेक्शन है जो एफपीओ से डील करता है, कौन से चैप्टर में एफपीओ की बातें हैं, कैसे ये एफपीओ आता है, क्या ये कॉल ऑफ हो सकता था या नहीं हो सकता था, ये सब क्वेश्चन होने चाहिए। और इंस्टेंटली आपका माइंड पूछना चाहिए, अच्छा कंपनीज एक्ट के सेक्शन 23 में एफपीओ का रेफरेंस आया था, पूरा चैप्टर 3 है जो इस चीज से डील करता है कि कैसे कंपनी पब्लिक से पैसा उठाती है, कैसे पब्लिक इश्यू लाती है। तो लॉ के वो प्रोविजंस आपके माइंड में घूमने चाहिए, तब जाकर के आपकी वो स्किल एक्वायर हो जाती है और आप रियल लाइफ में उसे अप्लाई करते हो तो पेपर में स्कोर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। पर एनीवेज अगर टारगेट मेरे से पूछोगे, बेयर मिनिमम 60 का टारगेट तो आपके लिए है ही है। तो दिस इज योर पेपर टू कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। एंड पेपर आपका रहता है दो पार्ट्स में डिवाइडेड। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने साफ साफ बताया भाई कि पेपर के हम दो हिस्से कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है गैस करना, पहला हिस्सा तो कौन सा होता होगा कॉर्पोरेट लॉ, एंड दूसरा हिस्सा कौन सा होता होगा अदर लॉस। तो जी ये आपके पेपर में रहेगी वेटेज। तो पहला पार्ट आएगा आपका कॉर्पोरेट लॉस का, जिसमें आपके पेपर में वेटेज कितनी रहेगी 60 नंबर की, एंड सेकंड पार्ट आपका आएगा अदर लॉस, जिसमें आपकी वेटेज रहेगी 40 मार्क्स की। तो दिस इज हाउ योर पेपर विल बी डिवाइडेड। 60 मार्क्स के लिए आप पढ़ेंगे कॉर्पोरेट लॉ, 40 नंबर के लिए आप पढ़ते हैं अदर लॉ। तो ये आपकी वेटेज है। पर बेटा एक चीज ध्यान रखना, क्या आपका पेपर पार्ट ए और पार्ट बी करके डिवाइडेड होगा? नहीं, मतलब पेपर ऐसा नहीं होगा कि पार्ट ए कॉर्पोरेट लॉ, सारे क्वेश्चन कॉर्पोरेट लॉ के, फिर पार्ट बी अदर लॉ। नहीं, आपको हर क्वेश्चन के अंदर कॉर्पोरेट एज वेल एज अदर लॉ मिक्स होकर के मिलता है। तो आपका पेपर कोई बाइफरकेटेड नहीं होगा कि पार्ट ए में आप कॉर्पोरेट लॉ लिख रहे हो, पार्ट बी में कॉर्पोरेट अदर लॉ। नहीं, पेपर के अंदर जो सिंगल क्वेश्चन होगा उसमें कॉर्पोरेट लॉ के भी सवाल होंगे, उसमें अदर लॉ के भी सवाल होंगे। जस्ट फॉर योर रेफरेंस एक बार मैं शो कर देता हूं, लेटेस्ट अभी कौन सा पेपर गया आपका, कौन सा अटेम्प्ट था, नवंबर 22। तो चलो आपको नवंबर 22 का एक बार पेपर दिखा देता हूं, आपको आइडिया लग जाएगा। वैसे आपको जो बुक्स वगैरह मिलेगी उसमें ये क्वेश्चन पेपर आपका डिटेल में कवर्ड है, बट लेट्स से ये आपका नवंबर 22 का पेपर था। तो इसमें आया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के बेटा है यहां पे 4 पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, एंड देन फाइनली आपका ये पार्ट डी। बस ये आपका पहला सवाल है, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इन एग्रीगेट अगर मैं वेटेज कहूं तो क्वेश्चन नंबर 1 की आपकी वेटेज कितनी आ जाती है, 19 नंबर की। 19 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, पेपर पैटर्न एंड पेपर की वेटेज, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। बट द पॉइंट आई वांट टू मेक इज
अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन वन का जो पहले दो सब पार्ट हैं, दैट इज पार्ट ए एंड बी, ये दोनों आपके कॉर्पोरेट लॉ पर बेस्ड हैं, एंड पार्ट सी एंड डी वो आपके अदर लॉ पर बेस्ड हैं। तो लाइकवाइज पेपर में आपको जितने भी क्वेश्चन बेटा मिलेंगे वो इसी तरीके से चार पार्ट में जनरली डिवाइडेड रहते हैं, दो क्वेश्चन आपके कॉर्पोरेट लॉ के होते हैं, दो क्वेश्चन आपके अदर लॉ के। तो पेपर में पार्ट ए एंड बी अदरवाइज नहीं है, एक क्वेश्चन के अंदर ही दोनों के क्वेश्चन आपको मिक्स एंड मर्ज होकर मिलते हैं। तो दिस इज हाउ इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू इवेल्युएट यू। पर हाँ, अगर आप ओवरऑल ये पूरे पेपर में कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ की वेटेज निकाल करके देखोगे, फाइनल वेटेज कितनी आएगी, कॉर्पोरेट लॉ 60 मार्क्स एंड अदर लॉ कितना, 40 नंबर। तो ये आपकी वेटेज है, एंड कुछ भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ये सारा बाइफर्केशन आपकी बुक्स में आपको दिया जाएगा। कुछ भी लिखना होगा तो मैं आपको बताऊंगा, तब नोटिंग करिएगा। अभी बस एक बार पेपर के बारे में हल्का फुल्का जान लो कि पेपर एक्जैक्टली है क्या। तो ये आ गया बेटा हमारा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस का पेपर, कॉर्पोरेट लॉ 60 नंबर एंड अदर लॉ 40 नंबर बस। एंड बेटा ग्रुप वन की अगर मैं बात करूं तो लॉ का पेपर आपका सबसे आसान पेपर है, मतलब ट्रस्ट मी, अभी मैं बोलूंगा तो शायद आपको उतना यकीन नहीं होगा, बट हमारे इंस्टीट्यूट ने लॉ का पेपर बहुत ही ज्यादा आसान बनाया हुआ है एट आपका सीए इंटरमीडिएट ग्रुप वन का लेवल। मतलब अगर आप चारों पेपर उठाकर देखोगे लॉ का पेपर आपका सबसे ज्यादा आसान रहने वाला है। एंड जनरली हमारी टेंडेंसी ये होती है कि सर हमें लॉ में लाने होते हैं 40-50, बाकी पेपर हमारी एग्रीगेट बनाते हैं। यहां पर ऐसा नहीं होगा, आप जब रिजल्ट देखोगे लॉ का पेपर आपका ऐसा पेपर होगा जो आपकी ओवरऑल एग्रीगेट बना रहा होगा। तो ये आपको बाकी पेपर्स भी निकालने में मदद करेगा, क्योंकि इतना ज्यादा आसान इंस्टीट्यूट ने इस पेपर को यहां पर बनाया हुआ है, मैं क्या बताऊं। एंड उसके लिए आपको आइडिया भी लग जाएगा अपना सिलेबस देख करके। तो बेटा सबसे पहले तो मैं अपने पेपर के लिए क्या पढ़ना है, कॉर्पोरेट लॉ। तो हम भी अपनी जर्नी जो बैच की है वो कॉर्पोरेट लॉ के साथ ही स्टार्ट करेंगे, जो है 60 मार्क्स का। अब जब बेटा हम कॉर्पोरेट लॉ ये टर्म बोलते हैं तो कॉर्पोरेट लॉ का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, हमारे देश में कितने कितने कॉर्पोरेट लॉज है, कुछ एग्जांपल आप दे पाएंगे? अरे इन लायकों, कॉर्पोरेट लॉ का कोई एग्जांपल? कंपनीज है क्या, कंपनीज है कॉर्पोरेट लॉ होता होगा, है नहीं है पक्का? कंपनीज एक्ट इज अ कॉर्पोरेट लॉ। तो बेसिकली कॉर्पोरेट लॉ का मतलब क्या है, एनी लॉ जो कहीं ना कहीं बॉडी कॉर्पोरेट्स या कंपनीज जैसी एंटिटीज इनसे डील करता है। तो एक एग्जांपल तो आपने कंपनीज एक्ट दे दिया, इसके अलावा भी कोई कॉर्पोरेट लॉ है क्या? एलएलपी एक कॉर्पोरेट लॉ है पक्का? एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट होती है? यस, होती है। तो उससे डील करने वाला कानून भी क्या हो जाएगा, एक तरीके का कॉर्पोरेट लॉ। और कोई एग्जांपल कॉर्पोरेट लॉ का? बहुत अच्छे, सेबी एक्ट। हमारे देश में एक सेबी एक्ट है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट। तो जो ये सेबी एक्ट है, आरबीआई एक्ट है, ये जो एक्ट होते हैं ये भी क्या होते हैं, एक तरीके के कॉर्पोरेट लॉ। बिकॉज जो सेबी है, आरबीआई है, ये होती है एक तरीके की स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। सुना हुआ ये वर्ड, क्या होता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन? कोई ऐसी एंटिटी जिसे किसी कानून के द्वारा इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो जो सेबी है उसे सेबी एक्ट के द्वारा बनाया गया है, आरबीआई को आरबीआई एक्ट के द्वारा बनाया गया, और हमारे इंस्टीट्यूट को उसको भी एक एक्ट के द्वारा बनाया गया। तो जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है उसका भी अपना एक अलग से एक्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, जिसके तहत उनका गठन हुआ है। तो जो भी कानून कहीं ना कहीं किसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जैसी एंटिटी से डील करता है उसे हम बोल देते हैं कॉर्पोरेट लॉ। और बहुत सारे कॉर्पोरेट लॉ आपको हमारे देश में देखने को मिलते हैं, कुछ एग्जांपल्स आपने देखे, सेबी है, आरबीआई है, एंड एलआईसी एक्ट है, बहुत सारे कानून आपको देखने को मिलेंगे जो कॉर्पोरेट से आपका डील करते हैं। तो जब इंस्टीट्यूट इंटरमीडिएट लेवल का पेपर बना रहा है, कितने कॉर्पोरेट लॉ आपके पेपर में रखे गए होंगे, क्या लगता है कितने लॉ आपका पढ़ना बनता है? इंटर लेवल के स्टूडेंट हो भाई, कितने कॉर्पोरेट लॉ आपको पढ़ाए जाने चाहिए 60 नंबर के लिए? तो ये बहुत ही ज्यादा दयावान है हमारे इंस्टीट्यूट, क्या कह रहा है, एक बस बस बेटा, क्या झमेले में पढ़ना, क्या एलएलपी है, क्या एलआईसी से भी, अरे छोड़ो ना, तुम बस एक कानून पढ़ो, कंपनीज है। तो आपके सीए इंटर लेवल पर जो आपको पढ़ना है सिर्फ एक ही कॉर्पोरेट एक्ट पढ़ना है, एंड वो कौन सा, आपका कंपनीज एक्ट 2013। तो दिस इज दी ओनली कॉर्पोरेट लॉ जो आपके सिलेबस में किया गया है कवर। तो दिस इज दी ओनली एंड ओनली वन कॉर्पोरेट लॉ जो आपको पढ़ना है। चलिए, तो ये आपका सीए इंटर लेवल का, क्या हुआ पढ़ लोगे? चलिए, कोई दिक्कत? इंस्टीट्यूट कह रहे जी छोड़ो ना बेटा, कंपनीज एक्ट पढ़ना है। क्या कंपनीज एक्ट भी आपको पूरा पढ़ना है? नहीं, इंस्टीट्यूट ने क्या कहा, कंपनीज एक्ट भी हम आपको पूरा नहीं पढ़ाएंगे इंटर लेवल पर। कंपनीज एक्ट भी आपको कितना पढ़ना है, सिर्फ लगभग ये 150 सेक्शन बस बस। अरे अरे बस ये 150 सेक्शन, जस्ट गिव मी सेकेंड, रियली सॉरी जानवी। हाँ, आपको टेलीग्राम के ऊपर वो नोट्स का लिंक मिल जाएगा। हाँ जी साहिबा, जितने यूट्यूब स्टूडेंट्स हैं आप बिल्कुल टेलीग्राम चैनल से वो वाले नोट्स एक्सेस कर पाएंगे। चलिए, रियली सॉरी गाइस। तो अगर हम कंपनीज एक्ट की बात करें बेटा, कंपनीज एक्ट में वैसे आपके टोटल सेक्शंस कितने हैं, कितने सेक्शंस लगते हैं कंपनीज एक्ट में होंगे? तो बेटा मैं लास्ट सेक्शन नंबर आपको बता देता हूं, कंपनीज एक्ट का लास्ट सेक्शन नंबर कौन सा है, 470।
तो बस 470 लास्ट सेक्शन नंबर है। क्या कंपनीज एक्ट में टोटल सेक्शंस हैं कितने हैं? क्या 470 है? द आंसर इज नो। अगर आपसे कोई पूछे ना कंपनीज एक्ट में टोटल सेक्शंस कितने हैं, ध्यान रखना 470 कंपनीज एक्ट के टोटल सेक्शंस नहीं है। पर लास्ट सेक्शन नंबर क्या है? क्या बकवास कर रहे हो सर, लास्ट सेक्शन नंबर 470 है, टोटल सेक्शन 470 नहीं है? मैथ्स बैठ रहा है? नहीं। चलो, इस सवाल का भी जवाब आपको मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली या तो आज की क्लास के एंड पर, वरना नेक्स्ट क्लास तक तो डेफिनेटली आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि जब लास्ट सेक्शन नंबर 470 है पर टोटल सेक्शन 470 नहीं है, लॉजिक के साथ इसका जवाब मिलेगा। पर इंस्टीट्यूट क्या कह रहा है, क्या 470 सेक्शंस पढ़ने हैं? नहीं बेटा, आपको तो बस कितने पढ़ने हैं? अब तो बस है एक लगभग 150 सेक्शन, तो सेक्शन 1 से लेकर 148 ये आपके सीए इंटर लेवल का है। सर फिर आगे के सेक्शंस वो कहां पढ़ते होंगे? फाइनल में। अब वो तुम पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे वो देखा जाएगा, पर वो आपका सीए फाइनल लेवल पर इंस्टीट्यूट जनरली पढ़ाता है। तो जो अभी करंट एग्जिस्टिंग सिलेबस है उसमें तो सीए फाइनल लेवल पर आगे के सेक्शंस आपको पढ़ाए जाते हैं। आगे जिस हिसाब से सिलेबस चेंज होगा उसके हिसाब से हम देखेंगे, पर इंटर लेवल पर पास करने के लिए बस ये 148 सेक्शंस है जो आपको यहां पर पढ़ने देंगे। मुश्किल से 150 सेक्शन में कहूंगा, ये तो बहुत लिमिटेड है, ये तो बहुत आसान है, कर लोगे 150 सेक्शन तो। चलो, एक वादा मेरा है, तुम अगर क्लासेस को तरीके से अटेंड करते रहोगे, जब मैं चीजों के जितनी बार रिविजन कराऊं वो करते रहोगे, मेरे साथ बार बार चीजों को रिवाइज करोगे, इन 148 में से कम 130 से 135 सेक्शन ऐसे होंगे जो तुम्हारी टिप्स पर होंगे। तुम्हारा जो एक पेन पॉइंट रहता है ना कि सर सेक्शन नंबर याद नहीं होता, ना चाहते हुए तुम्हें याद हो जाएगा। मतलब तुम सोचोगे ना कि मैं याद ना करूं तब भी याद हो जाएगा, बस मेरे साथ रिवाइज करते हुए चलना। जब जब मैं रिवीजन करा रहा हूं आपको, जब जब मैं कहूं घर पे जाकर ये टॉपिक रिवाइज करना है, बस उतना कर लेना, आपको अलग से कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, सेक्शन नंबर आपको बड़ा आसानी से याद होंगे। और 148 में से मैं कह रहा हूं 130-135 सेक्शन ऐसे हैं जो आपको याद हो जाएंगे। सर बाकी के भी करा दो, वो 8-10 क्यों छोड़े? बिकॉज 148 में से भी ना 8-10 सेक्शन है जो इंस्टीट्यूट कहता है आपको सी एंटर में नहीं पढ़ना है। दैट इज आउट ऑफ दीज 148 एज वेल देयर आर सम सेक्शंस जो आपके सिलेबस से इंस्टीट्यूट ने रखे हुए हैं बाहर। वो जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आता जाएगा कि कौन कौन से सेक्शंस आपको पेपर के लिए नहीं करने। सिंपली स्टेटिंग, आपको बस 148 तक कवरेज करके चलनी है। एंड ट्रस्ट मी, इसमें से मैक्सिमम ऑफ दी सेक्शन मोर देन 130 सेक्शन आपके टिप्स पर हो जाएंगे। बस आपको बार बार मेरे साथ चीजों को रिवाइज करते हुए चलना पड़ेगा। वैसे क्या सेक्शन नंबर याद होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। पेपर में सेक्शन नंबर नहीं लिखेंगे सर क्या कोई फर्क है? ये सवाल बहुत आता है, सर पेपर में सेक्शन नंबर ना लिखूं क्या काम चल जाएगा? थोड़ा काम तो चल ही जाएगा, काम चलने में क्या है, हो सकता है बस पेपर दोबारा लिखना पड़े। ठीक, तो पहली चीज, इंस्टीट्यूट जरूरी नहीं है कि आपसे सेक्शन नंबर पेपर में एक्सपेक्ट करता ही करता है। नहीं, ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन एग्जामिनर की नहीं होती। आप बिना सेक्शन नंबर के भी अपना आंसर अगर लिखकर आओगे आपको मार्क्स मिलेंगे। पर लेट्स सपोज बेटा आप आंसर लिख रहे हो और आप दो बच्चों ने आंसर लिखा, दोनों का आंसर लगभग एवरेज है, मतलब पूरा कंटेंट नहीं है, पर एक ने सेक्शन नंबर के साथ आंसर लिखा है, दूसरे ने सेक्शन नंबर नहीं लिखा, और एग्जामिनर डाइसी सिचुएशन में है कि यार मैं मार्क्स डिडक्ट करूं या ना करूं, तो अगर सेक्शन नंबर नहीं है क्या हो सकता है वो वहां पर मार्क्स डिडक्ट कर ले? यस, हो सकता है। तो हमें एग्जामिनर को ये मौका देना ही नहीं है। इंटरेस्ट मी, सेक्शन नंबर आपके लिए चीजों को याद करना आसान बनाते हैं। हमें हमेशा डर लगता है सर सेक्शन नंबर कैसे याद होंगे, पर अगर सेक्शन नंबर नहीं होते और मैं 150 सेक्शन का कंटेंट आपको एक पैराग्राफ फॉर्म में लिख के दे देता कि बेटा आपको एक कहानी की तरह याद करना है, आप कभी भी याद नहीं कर पाते। जब आप चीजों को टुकड़ों में तोड़कर फ्रेगमेंटेड मैनर में याद करते हो तब वो आपके माइंड में ज्यादा आसानी से फिट होती है और उसे रिकॉल करना आसान हो जाता है। तो ट्रस्ट मी, सेक्शन नंबर आपके लिए चीजों को आसान बनाते हैं। वो चीज आप फील कर जाओगे और आपको बड़े आसान से सेक्शन नंबर याद हो जाएंगे। ट्रस्ट मी, बाय द एंड ऑफ आवर बैच आप सेक्शन नंबर के टर्म्स में ही बातें किया करोगे। एंड बेटा वो बहुत जरूरी भी होता है। जरूरी किस लिए होता है? लेट सपोज क्लाइंट आपके पास आया और क्लाइंट कह रहे जी मेरे को अपनी कंपनी में कैपिटल रिडक्शन करवाना है, इस साल मेरी कंपनी को डिविडेंड बांटना है, बताओ जी क्या हो सकता है या नहीं? तो अगर आपको सेक्शन नंबर नहीं याद ना, आपको लॉ के प्रोविजंस को अपने माइंड में घुमाने में बड़ा समय लगेगा। पर पता नहीं लॉ के किस एरिया में डिविडेंड की बातें थी, किस एरिया में कैपिटल रिडक्शन की बातें थी। ऑन द अदर हैंड सेक्शन नंबर है, आप क्लाइंट को फटाफट बता सकते हो चिंता मत करो, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 66 है जो कैपिटल रिडक्शन से डील करता है, 123 है जो आपका डिविडेंड से डील करता है, वहां पर ये मोटा मोटा प्रोविजन लिखा हुआ है, सारा काम हो जाएगा। तो क्लाइंट का भी कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ता है। तो ध्यान रखना सेक्शन नंबर जब आप कोट करते हो प्रोफेशनली इट ऑल्सो लुक्स रियली ग्रेट, एंड उस चीज के ऊपर वो आपकी ग्रिप बनाता है। फॉर एग्जांपल आप कंपनीज एक्ट को कोई डाउट मेरे पास लेकर के आओ और मैं कहूं बेटा देखता हूं सेक्शन नंबर क्या था, एक बार बुक खोल के देखना पड़ेगा, क्या आपका कॉन्फिडेंस मेरे में कभी भी आएगा? नहीं आएगा। आप मेरे से तो ये एक्सपेक्ट करोगे ना, क्योंकि मेरे पास तो याद रखने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट है। अगर मुझे अपने सब्जेक्ट के सेक्शन नंबर्स नहीं याद तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा सर की यहां पर ग्रिप ही मिसिंग है। तो वो कॉन्फिडेंस जब आपका बढ़ता है ना एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के अंदर, वो बहुत जरूरी है हमारे प्रोफेशन के अंदर। ट्रस्ट मी, सेक्शन नंबर आपको बिंदास याद है, 150 ही तो है, हो जाएंगे याद, बहुत मुश्किल नहीं है। ट्रस्ट मी, बहुत आसान पेपर इंस्टीट्यूट ने ये बनाया हुआ है। और ये 150 सेक्शन बेटा कितने मार्क्स दिला देंगे?
60, तो चलो एग्जम्पशन तो इससे आ जाएगी, आ जाएगी, ले आओगे, चलो। एंड सेकंड आपको बेटा अपने पेपर में क्या पढ़ना है, अदर लॉस। अच्छा वैसे कंपनीज एक्ट में लगभग ये 150 सेक्शन है, इसमें कंटेंट आपको कितना पढ़ना होगा, लगभग आपके इसमें रहेंगे बेटा 10 चैप्टर्स। अब वो चैप्टर्स कौन से हैं, उसमें क्या कंटेंट है, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट हाँ मोटे मोटे 10 चैप्टर्स आपके होंगे जो ये 150 सेक्शंस आपके कवर करते हैं। इसमें जो टॉपिक्स आपके ब्रॉडली रहते हैं, यहां पर आप कंपनीज के बारे में सीखोगे, इनकॉर्पोरेशन के बारे में सीखोगे, कंपनीज में पैसा कैसे आता है, आईपीओ क्या होता है, एफपीओ क्या होता है, ये सब भी आप सीखोगे, शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी क्या है, प्रेफरेंस क्या है, डिबेंचर क्या है, कैपिटल रिडक्शन क्या है, बोनस क्या है, बायबैक क्या है, ये सब आप सीखोगे, डिविडेंड क्या होता है, डिपॉजिट्स क्या होता है, ये सब आप सीखोगे। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर आएगी। एंड एक और चीज बहुत बड़ी आप सीखोगे, और वो क्या है, ऑडिट। ऑडिट जनरली सीए स्टूडेंट का बड़ा फेवरेट रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि जी इंडिया में अगर किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट की बात आती है तो सिर्फ कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट, या कोई सीएस या सीएमए या कोई और प्रोफेशनल किसी भी कंपनी का स्टेचुटरी या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर सकता है। क्या उसके फाइनेंशियल चेक करके ये बता सकता है कि जी इसने अपने खाते सही तरीके से बनाए हैं, नहीं बता सकता, उसको ये पावर है ही नहीं। ऑडिट करना इट्स दी ओनली सोल मोनोपोली ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट इज ये आपके साइन की पावर है जो आप सुनते हो ना, सीए के दस्तखत में पावर होती है, दिस इज द पावर, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं जो किसी कंपनी का ऑडिट करने की पावर रखते हैं और कोई और प्रोफेशनल नहीं। और ऑडिट करवाना किस कंपनी को होता है, सबको, लिस्टेड को कराना होता होगा, लिस्टेड कंपनी में ऑडिट होता होगा, अरे नलायको लिस्टेड में ऑडिट होता होगा, अनलिस्टेड में होता होगा, अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो होता होगा, अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी है तो होता होगा, प्राइवेट में भी स्मॉल कंपनी है तो होता होगा, ओपीसी है तो होता होगा, कंपनी अभी परसों इनकॉर्पोरेट हुई है, साल भर में कोई सेल्स ही नहीं हुई, होता होगा, लॉस मेकिंग कंपनी है, होता होगा, कंपनी में सिर्फ 100 रुपए डाल के आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, जैसे 100 रुपए के साथ कंपनी इनकॉर्पोरेट हो सकती है कि 100 रुपए की कैपिटल डाली है बस कंपनी में और कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, इज दैट पॉसिबल, नलायको प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल की लिमिट कितनी है, कितनी है, मे बी प्रिस्क्राइब, क्या प्रिस्क्राइब है, अभी तक क्या सीखा आजकल, क्या आज के दिन में कोई लिमिट है, जब लिमिट नहीं है तो क्या 100 रुपए के साथ भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है जी, जब लिमिट ही नहीं है तो करो 100 के साथ, वो बात अलग है, करता कोई नहीं है कि 100 रुपए के लिए कौन इतनी हेडेक ले, पर करना चाहो तो संभव है, जब कोई लिमिट नहीं है तो करो जी, 100 रुपए के साथ भी संभव है। तो अगर एक ऐसी कंपनी जिसमें सिर्फ 100 रुपए की कैपिटल है, साल भर में कोई सेल नहीं, परचेज नहीं, कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं, ऑडिट होता होगा, मतलब क्या सीए दस्तखत करके बताएगा, अच्छा जी 100 रुपए की कैपिटल है, ठीक है, क्या लगता है, बिल्कुल होगा, लॉस मेकिंग है, प्राइवेट है, पब्लिक है, सेल करी है, नहीं करी है, डज नॉट मेक अ डिफरेंस, हर कंपनी या कंपनी जिस दिन इनकॉर्पोरेट हो गई, ऑडिट का खर्चा तो जी बन ही गया, ऑडिट तो करवाना ही करवाना पड़ेगा, वो बात अलग है। क्या इस कंपनी का ऑडिट करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट 2 करोड़ रुपए की फीस लेगा, या उसका 4-5 हजार में निपटा देगा, कहेंगे जी सिंपल सी कंपनी, खाली कंपनी है, बस 5 हजार में काम कर देंगे, ठीक है, इतने में भी आपका ऑडिट हो जाएगा क्योंकि वहां पर आपके एफर्ट्स कम है। ऑन दी अदर एंड जो बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज है उनके ऑडिट के लिए बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट 15-20 करोड़ तक चार्ज करते हैं। जब हम ऑडिट के चैप्टर पे आएंगे दिखाऊंगा कि दे डू चार्ज, वो फीस भी आपको दिखाऊंगा इतनी चार्ज हुई है, क्योंकि बड़ी कंपनीज में स्टे कितना वाइड है। आज अगर आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ऑडिट मिल जाए, ग्लोबली उसका बिजनेस फैला हुआ है, ग्लोबली उसके जो खाते बने हैं वो आपको चेक करके बताना है सही बने हैं या नहीं, और उस चीज के लिए ऑब्वियसली फिर आप करोड़ में पैसा चार्ज करते हो, एक्चुअल फीस है, विल सी दैट जब टॉपिक आएगा, तो दैट्स द अमाउंट ऑफ मनी यू चार्ज, क्योंकि जी आपके दस्तखत पर दुनिया रिलाय करती है। क्योंकि आज अगर अदानी पर सवाल उठ रहे हैं और कुछ गड़बड़ निकल गई, ध्यान रखना बेटा एक बंदा पक्का फंसेगा, उसका सीए, उसके ऑडिटर पर तो केस बनेगा ही बनेगा, क्योंकि जी ऑडिट कैसा किया तुमने। तो इसलिए आपके दस्तखत की पावर भी बहुत है, पर ऑब्वियसली विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो वाला सीन है जी, जिम्मेवार भी आती है। एनीवेज सीखेंगे ये सब कंपनी जैक का, यही सब हमारे एस्पेक्ट रहने वाले, बड़ा आसान टॉपिक रहेगा। इसके बाद आएगा बेटा आपका 40 नंबर के लिए अदर लॉस, और क्या बताऊं ये और भी ज्यादा आसान है। अदर लॉ में हमें कितने टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, सिर्फ 4। कंपनीज एक्ट में तो लगभग 150 सेक्शन थे और कितने चैप्टर थे, 10। अदर लॉ में है सिर्फ 4 टॉपिक, और जो पहला टॉपिक है वो तो तुम्हारा पर्सनल फेवरेट है, मतलब बचपन से सीखते हुए आ रहे हो, लो भाई ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, ये यहां पे भी है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अरे सर पढ़ तो लिया था फाउंडेशन में, फिर दोबारा से क्यों, फिर क्या फाउंडेशन में पूरा पढ़ा था, नहीं फाउंडेशन में आपने पढ़े थे जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स की कुछ बहुत सी बेसिक सी बातें,
कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है, कंटिजेंट क्या होता है, वेजिंग क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, परफॉर्मेंस नहीं किया तो क्या होगा, नेट नेट सेइंग सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इतना आपने फाउंडेशन लेवल पर पढ़ा था। इंटर लेवल पर जो आपको पढ़ना है, क्या सर वो 75 सेक्शन में पढ़ने हैं? नहीं, आपको पढ़ना है बाकी का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और सर और भी था इसमें? यस, जो फाउंडेशन लेवल पर बेटा आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा, आपने फाउंडेशन लेवल पर तीन टाइप के कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो आपने नहीं पढ़े थे, वो आपको इंटर लेवल पर पढ़ाए जाएंगे, जिसमें पहला नाम किसका आता है, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। ठीक, तो पहला कॉन्ट्रैक्ट आपका आएगा इंडेमनिटी एंड गारंटी का, दूसरा टाइप का स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो आपका आएगा बेलमेंट एंड प्लेज, एंड तीसरा टाइप का स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आपका आएगा एजेंसी। तो ये तीन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आपको फाउंडेशन लेवल पर नहीं पढ़ाए जाते, ये आप इंटर लेवल पर पढ़ते हो। सर एक बात बताना, ये तो पढ़ लेंगे, फाउंडेशन वाले भी याद रखने पड़ेंगे, उसमें भी सवाल आ जाएंगे क्या इंटर लेवल पे? या इंटर में ये तीन टॉपिक रखे तो इन्हीं से सवाल बनाना बनता है, क्या लगता है, क्या चाहते हो? अच्छा क्यों, फाउंडेशन वाला तो याद होगा, उसमें से इंस्टीट्यूट अगर सवाल बनाना चाहे क्या बना सके? या सिर्फ इन तीन टॉपिक से ही सर बनता है? सर जब ये है सिलेबस में तो इन्हीं से सवाल आना चाहिए, क्या लगता है जी, क्या चाहते हो? अच्छा इन्हीं से आए या कुछ भी पूछा जाए? चलो, तो जब बच्चे ये बात कह रहे हैं और हमारा इंस्टीट्यूट जब इतना दयावान है तो इंस्टीट्यूट का कहता है जी चिंता मत करो, इन्हीं से आपके पेपर में सवाल आएंगे। तो आपके पेपर में या इंटर लेवल पर जो टॉपिक्स आपसे जज किए जाएंगे, जो क्वेश्चंस बनेंगे, इन्हीं तीन टॉपिक्स पर बनते हैं, बिकॉज दीज थ्री टॉपिक्स देमसेल्व्स आर सेल्फ सफिशिएंट, कि इनसे रीजनेबल लेवल के क्वेश्चंस आप इंटर लेवल पर बना सकते हो। तो यही आपके पेपर का पार्ट रहेगा, फाउंडेशन लेवल के सेक्शंस आपसे इंटर लेवल पर जज नहीं किए जाते। हाँ, इनको पढ़ते हुए अगर फाउंडेशन लेवल के किसी टॉपिक की हमें जरूरत पड़ेगी, डोंट वरी, वो मैं पहले आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, तभी जाकर हम इंटर लेवल पर जाएंगे। क्योंकि मैंने आपसे एक वादा किया, मैं ये मानकर चलूंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता, लॉ नाम का वर्ड आप पहली बार पढ़ रहे हो। तो जब हम ये तीन टॉपिक्स भी सीखेंगे, कहीं भी हमें फाउंडेशन के किसी कॉन्सेप्ट की अगर यूज करने की जरूरत है, वी विल रिपीट दैट। बट जस्ट टू ब्रश अप, एक बेसिक आइडिया के लिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी बेलमेंट प्लेज एजेंसी, ये होता क्या है? तो बेटा इंडेमनिटी एंड गारंटी बड़ा बेसिक सा अगर मैं कहूं, आपने एक टर्म सुनी होगी शायद इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, सुना है? हमारे देश में कुछ इंश्योरेंस कंपनीज हैं कि अगर आपकी गाड़ी है, स्कूटी है, उसका भी इंश्योरेंस होता है कि कहीं ठोक दी तो इंश्योरेंस कंपनी आपका लॉस कवर कर देगी। दैट इज नथिंग बट इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। वो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है जो आप एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ करते हो। आज मुझे बैंक से पैसे की जरूरत है, बैंक वाला पैसे नहीं दे रहा, कह रहा हर सर कोई सिक्योरिटी लेकर के आओ। मैंने कहा जी सिक्योरिटी तो है नहीं, क्या करूं? पर आप बहुत पैसे वाले हो। और बैंकर क्या कह रहा है? हर सर अपने ना स्टूडेंट को बोल दो कि मैं आपको लोन तो दे दूंगा, पर अगर वो आपकी गारंटी लेने को तैयार है ना, तब बैंक वाला आपको लोन देगा। सुना कभी ये टर्म्स मार्केट में यूज होती है कि हाँ जी मैं तेरे ब्याह पर चल गारंटी दे देता हूं ताकि तेरे को ये पैसा मिल जाए, तेरा ये काम हो जाए। दिस इज नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, सीखेंगे डिटेल में, अभी तो बहुत बेसिक आइडिया ले रहे। आज क्लास में आया हो, कोई बच्चा पेन लाना भूल गया हो अपने दोस्त से? कितने किसने अपने लायक ने अपने दोस्तों से आज पेन मांगा है? है कोई क्लास में? अच्छा किसी ने अपने दोस्त को पेन दिया हो? अच्छा आपने पेन मांगा था, तुमने पेन किसको दिया? अच्छा पीछे आपने इनसे लिया, तो इनके बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अरे ठीक है ठीक है, तुम क्यों बिचौलिए बन रहे हो उनकी, आप इसकी बात है बताओ। चलो, तो इनके बीच में बेटा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। मतलब जब आप अपने दोस्त को अपना पेन इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हो, उस समय भी आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हो, जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। क्योंकि जब दोस्त को पेन इस्तेमाल करने के लिए दिया है, क्या आप दोस्त को उस पेन का मालिक बना रहे हो या बस कुछ टाइम के लिए यूज करने के लिए दे रहे हो? और क्या आपकी ये रीजनेबल एक्सपेक्टेशन होती है कि ये पेन आपके पास वापसी आ जाएगा? होती तो है उम्मीद, हालांकि तुम बैक ऑफ द माइंड लगाकर चलते हो नहीं मिलेगा, गया, पर एक एक्सपेक्टेशन तो यही होती है कि शायद ये पेन वापसी मेरा आ जाएगा, मेरी प्रॉपर्टी वापसी मिल जानी चाहिए। तो वो होता है बेटा आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कह देते हो। एक टर्म आपने सुना होगा, कई बार हिंदी फिल्मों में देखा होगा, मां सुनार के पास अपने जेवर गिरवी रख के आती है और बदले में एक लोन लेकर के आती है, देखा कभी कोई? दैट इज नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। तो pledge is nothing but किसी भी चीज को गिरवी रखना, तो गिरवी रखने के क्या कायदे कानून है सीखेंगे। एंड फाइनली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, फॉर एग्जाम्पल मुझे अपनी गाड़ी लेट्स सपोज सेल करनी है एंड मैं खुद से सेल नहीं कर पा रहा, तो मैंने एक एजेंट अपॉइंट कर दिया जाकर मेरे बिहाफ पर गाड़ी सेल कर। आपको रियल एस्टेट खरीदना है या रियल एस्टेट किराए पर लेना है, तो आप वो काम खुद ना करके कई बार किसी ब्रोकर के पास जाते हो, तो वो ब्रोकर क्या है? इज नथिंग बट योर एजेंट, क्योंकि वो आपके बिहाफ पर वो काम करवा रहा है। आज शेयर मार्केट में आपको कोई शेयर खरीदना बेचना है, क्या डायरेक्टली कर सकते हो? अलाउड ही नहीं है, आपको एक ब्रोकर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, शेयर ब्रोकर, वो भी क्या होता है आपका एक तरीके का एजेंट। तो दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो ये कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जिनकी चर्चा हम इंटर लेवल पर करेंगे अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ अदर लॉज। दूसरा टॉपिक जो हमें अदर लॉज में सीखना है
वो कौन सा आता है बेटा? इसके बारे में भी तुम्हें एक आइडिया रहता है, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, एक प्री इंडिपेंडेंस का कानून है, ये भी बहुत पुराना कानून है। सर इसके बारे में हमें आइडिया है, क्या बात कर रहे हो, हमें कब आइडिया हुआ इसके बारे में? हाँ जी, तो अपने बचपन में शायद कुछ टर्म सीखी होंगी 11 12th में, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, ठीक है टर्म्स। ये कानून इन्हीं चीजों से डील करता है कि जी प्रोमिसरी नोट क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। आधी जनता तो इसी में दिमाग खराब कर रखती है कि जी प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या अंतर होता है। फिर सवाल आता है सर चेक क्या होता है, तो ये एक्ट आपको उसी के कायदे कानून के बारे में सिखाएगा। फॉर एग्जांपल आप भी यहाँ कोचिंग लगाने आए हो बेटा, आप में से कुछ बच्चों ने उस तरह चेक के थ्रू पेमेंट करी हो, लेट से अगर आप चेक के थ्रू पेमेंट करते हो आप इस कानून या इस कायदे कानून से गवर्न हो। और बेटा अगर आपका वो चेक बाउंस कर जाए, चेक बाउंस करने का मतलब क्या होता है, डिसऑनर हो जाए। फॉर एग्जांपल आपने लेट से हमें 50,000 रुपए का एक चेक दिया, हमने वो चेक जाकर आपके बैंक में प्रेजेंट किया और हमने कहा जी आपके इस क्लाइंट का एक खाता है, ये चेक है, लाओ जी पैसा दो। बैंक वाला कह रहे हैं जी खाते में पैसा ही नहीं है, तो क्या होगा? तो जी अगर 50,000 का चेक था, चेक तो बाउंस हो जाएगा क्योंकि बैंक तो अपनी जेब से तो पैसा निकाल कर देगा नहीं, वो कहेगा जी क्लाइंट के खाते में पैसा ही नहीं है, तो उस चेक को हम कहते हैं बाउंस। और एज पर दिस एक्ट अगर किसी का चेक बाउंस करता है तो उस केस में 2 गुना फाइन आप पर लग सकता है। फाइन इन द सेंस अगर 50,000 का चेक है और मैं आपके अगेंस्ट इस कानून में केस कर दूं तो कितने रुपए का फाइन आपको देना पड़ सकता है? 1,00,000 सर, बस ज्यादा नहीं, 2 साल की जेल अलग से है बस, मतलब 2 साल आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट या इस एक्ट के, मैं कहूं प्रोविजंस अगर मैं इन्वोक कर दूं तो आपको 2 साल जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। दीज आर द रिपरकशंस चेक बाउंस करने के। तो अगर किसी का चेक बाउंस करता है जी, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक, इतना फाइन आप पर लग सकता है। 2 साल जेल तक के प्रावधान भी हैं कि 2 साल आपको सिर्फ चेक बाउंस करने के लिए जेल में जाना पड़ेगा। और जेल में बैठे बैठे हम क्या सोच रहे होंगे, यार चेक ही तो बाउंस हुआ था, 2 साल जेल में डाल दिया, तो चेक बाउंस होने के लिए 2 साल जेल की सजा है बेटा, कानून में लिखी है, जज साहब भी कुछ नहीं कर पाएंगे, है सजा है तो मिल सकती है। ऑब्वियसली उसकी कुछ कंडीशंस होंगी, कुछ प्रोसीजर्स होंगे, ऐसा नहीं है कि चेक बाउंस होते ही जेल चले जाओगे, कुछ नोटिसेस, कुछ आपको रीजनेबल लेंथ के नोटिसेस दिए जाएंगे, वो सारे प्रोसीजर है। पर अगर वो प्रोसीजरल कंप्लायंसेस हो जाएं और आप पर केस बन जाए तो बेटा 2 साल जेल के प्रावधान है, क्योंकि अगर ये प्रावधान ऐसे ना बने तो क्या हम आपसे चेक एक्सेप्ट करेंगे? शायद नहीं। हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ऐसा कानून बनाना जरूरी है कि अगर आप किसी पार्टी को चेक दे रहे हो उस पार्टी को आपकी पेमेंट पर भरोसा हो, क्योंकि इस पार्टी को पता है जी अगर ये गलत चेक देगा तो मैं बाद में 2 साल जेल में बढ़ा सकता हूं, तो लोग चेक की एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे। तो जी बिजनेस ट्रांजेक्शन में चेक एक्सेप्टेबल हो जाएगा, तो उस वजह से ऐसे कायदे कानून बने सीखेंगे। तो ये कायदा कानून आपको प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, इन्हीं के बारे में सिखाएगा। बहुत ही ज्यादा आसान एंड इंटरेस्टिंग ये वाला भी एक कानून रहने वाला है। तो दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड टॉपिक जो आप सीए इंटर लेवल पर पढ़ेंगे इन द पेपर ऑफ अदर लॉज। तीसरा टॉपिक जो आपको सीए इंटर लेवल पर पढ़ना रहेगा, दिस इज गोइंग टू बी द टॉपिक ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट। ये भी एक प्री इंडिपेंडेंस का कानून है, अंग्रेजों के समय का कानून है, बहुत पुराना कानून है। अगर आप देखेंगे तीनों ही जो आपके अदर लॉज आ रहे हैं या तीनों ही अदर लॉ के जो टॉपिक्स है प्री इंडिपेंडेंस के हैं। तो जी ये भी एक कानून है, जनरल क्लॉजेस एक्ट, जिसे शॉर्ट में हम क्या कह देते हैं, GCA, द जनरल क्लॉजेस एक्ट। इसके बारे में शायद आपने कभी पहले ना सुना हो सकता है, किसी बच्चे ने पढ़ा हो, बट जनरली सीए इंटरमीडिएट का स्टूडेंट इस एक कानून से अवेयर नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आप पढ़ लेते हैं, कंपनीज एक्ट का भी आइडिया रहता है, नेगोशिएबल का भी आइडिया, पर GCA जनरली आप नहीं सुनते। डिटेल में तो हम पढ़ेंगे बाद में, पर यह कानून बेटा करता क्या होगा, अगर इसके नाम से तुक्का लगाना चाहो क्या होता होगा इस कानून में? अच्छा मिसलेनियस चीजें जो रहेगी सब इसमें घुसा देंगे, ठीक है। और कुछ सर? कुछ जनरल क्लॉजेस होते होंगे, बहुत बड़े, हाँ इंटरप्रिटेशन होती होगी। अच्छा चलो, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके इस कानून को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज बेटा हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे, कंपनीज एक्ट पढ़ते पढ़ते लेट्स से हमारे सामने आ गया एक सेक्शन और उस सेक्शन में एक बात लिखी हुई है। लेट्स सपोज लॉ मेकर ने यह बात कंपनीज एक्ट के एक सेक्शन में लिख दी कि अ शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर है, अ शेयर होल्डर इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी एंड ही इज एंटाइटल्ड टू वोटिंग राइट्स। लेट सपोज कि कंपनीज एक्ट का कोई सेक्शन ये बात कहता है कि अ शेयर होल्डर इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी एंड ही इज एंटाइटल्ड टू वोटिंग राइट, कि जिसके पास कंपनी का शेयर है वो कंपनी का मेंबर है और उसे कंपनी की मीटिंग्स में वोट डालने का अधिकार मिलेगा। ये बात लॉ मेकर ने लिख दी। लेट सपोज बेटा हम सबने मिलकर के कंपनी बनाई और हम सबके पास उस कंपनी के शेयर्स हैं, तो क्या हम सब उस कंपनी में मेंबर कहलाएंगे, हाँ या ना?
डेफिनेटली अगर हमारे पास उस कंपनी के शेयर है तो हम मेंबर कहलाएंगे। तो बेटा आज हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, हम सबके पास अपनी कंपनी का शेयर है और आज हमें अपनी कंपनी में लेना है एक डिसीजन। तो डिसीजन लेने के लिए हम अपने मेंबर्स की ना एक मीटिंग बुला रहे हैं। किसी को आइडिया हो मेंबर्स की मीटिंग्स को हम क्या कहते हैं? नहीं, बोर्ड मीटिंग तो किसकी मीटिंग को बोलते होंगे? डायरेक्टर्स की। मेंबर्स की मीटिंग को क्या कहते हैं? जनरल मीटिंग। एजीएम भी मत कहना, जनरल मीटिंग। ठीक, हम क्या बोलेंगे? जीएम, जनरल मीटिंग। एजीएम इज अ टाइप ऑफ जनरल मीटिंग। ठीक, तो जनरल मीटिंग भी बहुत टाइप की होती है, अभी के लिए क्या बोलेंगे? जनरल मीटिंग। तो मैंने आपकी एक जनरल मीटिंग बुलाई और जनरल मीटिंग में हम सब लेट सपोज प्रेजेंट है और हमें अपनी कंपनी के लिए एक डिसीजन लेना है। कितने बच्चे चाहते हैं जी कि परसों लॉ की क्लास जब होगी तो क्लास से पहले समोसे बंटवाए जाएं? कितने बच्चे इस चीज के फेवर में? कितने कह रहे नहीं समोसे मुसे में नहीं? ओह, कोई है ही नहीं अगेंस्ट में भाई साहब। अच्छा चलो, एक कर्टसी के लिए एक दो बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। चलो सर, अच्छा वो बार्गेनिंग कर रहा है सर, समोसे के अलावा कोई और ऑप्शन है तो मेन्यू बताया जाए। बहुत बढ़िया बेटा, हमने डिसीजन लेना था और मैंने वोटिंग कराई। अब जैसे ही वोटिंग हुई ना, सबने वोट डाला, लड़कों ने भी वोट डाला, लड़कियों ने भी वोट डाला। पर ये वोट डलते ही लड़कों ने एक ऑब्जेक्शन रेज किया। लड़का खड़ा हुआ, कह रहा है लड़कियां कैसे वोटिंग कर रही हैं सर? मैंने कहा बेटा क्या हुआ, लड़कियां वोटिंग कर रही हैं क्योंकि उनके पास भी शेयर है। वो कह रहा सर लड़कियां वोट डाल ही नहीं सकती। मैंने कहा बेटा क्यों नहीं डाल सकती, क्यों भावुक हो रहा है? वो कह रहा सर लॉ पढ़ो आप, लॉ में लिखा है। मैंने कहा क्या लिखा है? लड़का कह रहा सर लिखा है अ शेयर होल्डर इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी। तो मैं मान रहा हूं लड़कियां भी हमारी कंपनी में मेंबर तो हैं, पर जब वोटिंग राइट की बात आई ना, लॉ मेकर ने वोट डालने का जो राइट है वो सिर्फ उस मेंबर को दिया है जो मैस्कुलिन जेंडर वाला है। दैट इज लॉ मेकर वोटिंग राइट सिर्फ और सिर्फ मैस्कुलिन जेंडर्स को देना चाह रहे हैं, फेमिनिन को नहीं। दैट इज ओनली ही कैन कास्ट दी वोट। तो लड़के ने ऑब्जेक्शन रेज किया कि जी लॉ मेंबर या लॉ मेकर, मेंबर तो सबको मान रहे हैं पर वोट डालने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ही के पास, दैट इज मैस्कुलिन जेंडर के पास है, लड़कियां वोट नहीं डाल सकती। तो लड़कियां आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? एक लड़के ने ये ऑब्जेक्शन रेज किया, लेट सपोज ये मैटर कोर्ट में चला गया, मैं जज हूं, मेरे सामने लड़का ये बात बोल रहा है, मेरे को बात ठीक भी लग रही है। लग रही है किसी को बात ठीक? नहीं, सबको बेकार लग रही है, मुझे तो ठीक लग रही है, क्या दिक्कत है? उसने प्ली लिया है जी, यहां पर ही लिखा है लॉ मेकर ने, तो उनका साफ साफ इंटेंशन है सिर्फ मैस्कुलिन जेंडर को कवर करना। आप अपने डिफेंस में क्या बोलोगे? क्या नहीं बोल सकते? थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाओ। अच्छा, सारी बात बोल नहीं सकते क्लास में? कोई नहीं, ऑफ द माइक बोल सकते हो, चलेगा, मेरे से बात करो, कोई नहीं। तो जी लड़कियां बोले क्या? लड़कियां कह रहे बात तो अटपटी लग रही है, पर सर बोले तो बोले क्या? तो एक जवाब मेरे पास आया। तो बेटा आप जब भी कोई कानून पढ़ते हो, आज तक आपने जो भी कानून के प्रावधान पढ़े होंगे, जनरली अगर आपने देखा हो तो वो कानून में आपको कौन सी टर्मिनोलॉजी लिखी मिलती है? वो कानून मैस्कुलिन जेंडर के हिसाब से लिखा जाता है, फेमिनिन के हिसाब से, दोनों के हिसाब से? जनरली बच्चों जितने भी कानून होते हैं वो मैस्कुलिन जेंडर के हिसाब से लिखे जाते हैं। हालांकि अब इंडिया में नए सिरे से कुछ कानून जो बन रहे हैं, मतलब आज के दिन जो नए नए कानून ड्राफ्ट हो रहे हैं, उसमें लॉ मेकर दोनों जेंडर्स को लिखते हुए चलते हैं, ही ऑब्लिक शी। आजकल ये ट्रेंड लॉ मेकर अपना रहे हैं, पर पुराने आप जितने भी कानून उठा करके देखोगे वो हमेशा कैसे वर्डेड होते हैं? मैस्कुलिन जेंडर के हिसाब से। और इस दिक्कत को फेस किया जा सकता था, इसलिए इस दिक्कत का सॉल्यूशन दिया बेटा जनरल क्लॉजेस एक्ट ने। जैसा एक स्टूडेंट ने बताया, जनरल क्लॉजेस एक्ट में हमारे लॉ मेकर ने एक बात लिख दी, और उन्होंने क्या लिखा कि जी अगर आप इंडिया में कोई भी दूसरा कानून पढ़ रहे हो और उस कानून में कोई भी बात मैस्कुलिन जेंडर के लिए लिखी गई हो तो उसमें आप फेमिनिन को क्या मान लेना? इंक्लूडेड। इसके लिए भी कानून बनाया गया और यह बात कानून में लिखी गई ताकि इस चीज पर कल को डिबेट ना हो जाए। तो इसलिए जीसीए ने यह बात बताई कि अगर आप इंडिया में कोई भी दूसरा कानून पढ़ रहे हो और उसमें कोई बात किसी मैस्कुलिन जेंडर के लिए लिख दी जाए तो उसमें आप किसको कवर मान लेना? फेमिनिन को। तो इस टाइप के कुछ जनरल क्लॉजेस इस कानून में आपको दिए जाएंगे जो दूसरे कानूनों की इंटरप्रिटेशन में आपकी हेल्प करते हैं। तो जिसने भी कहा सर इसमें जनरल क्लॉजेस होंगे, इंटरप्रिटेशन करने में हेल्प करेगा, ये इस कानून का काम भी है। तो ये दूसरे कानूनों की इंटरप्रिटेशन में आपकी कहीं ना कहीं मदद करेगा। पर एक चीज बताना, लेट सपोज आपने हिंदू सक्सेशन एक्ट उठा करके पढ़ा, वैसा तो वहां पर नहीं लिखा, पर लेट सपोज हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक बात लिखी है कि आज जो पिताजी हैं उनकी संपत्ति पर सिर्फ और सिर्फ सन का राइट होगा। लेट सपोज हिंदू सक्सेशन एक्ट में ये बात लिखी हुई है कि पिता की संपत्ति पर बेटे का अधिकार है, क्या इसमें आप फेमिनिन को इंक्लूडेड मानोगे? क्योंकि यहां लॉ मेकर का इंटेंशन ही क्या है? सिर्फ और सिर्फ मैस्कुलिन को कवर करना। इसलिए जीसीए ये नहीं कहता कि ही इंक्लूड शी, जीसीए का बोलता है अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स ही विल इंक्लूड शी। मतलब
अगर बात का कॉन्टेक्स्ट ही अलग है, बात सिर्फ और सिर्फ मैस्कुलिन जेंडर को कवर करना चाह रही है तो उसमें सिर्फ मैस्कुलिन आएगा, वरना आप मैस्कुलिन में फेमिनिन को भी कवर्ड मान लेना। तो लॉ में बेटा हर वर्ड का अपना रेलिवेंस रहेगा, क्यों वहां पर वो जो वर्ड्स है ना, अनलेस दी कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, कि अगर बात का कॉन्टेक्स्ट अलग है तो मैस्कुलिन में सिर्फ मैस्कुलिन आएगा, पर अगर बात का कॉन्टेक्स्ट अदर वे अराउंड कुछ और नहीं है तो आप ही में शी को इंक्लूडेड मान लेना। तो ये कुछ काम है जो जीसीए करेगा, सीखेंगे अभी तो बहुत एक बेसिक आइडिया हम ले रहे हैं। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट, ये सब चीजें हमारी जनरल क्लॉजेस एक्ट में आएगी। चलिए एंड जी, कितने टॉपिक हमें अदर लॉ में पढ़ने थे? चार। पहला तो कौन सा पढ़ लिया? पहला कौन सा पढ़ लिया अदर लॉज में? पहला टॉपिक कौन सा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। तीसरा, इन कितने टॉपिक और थे? लास्ट, बस एक लास्ट टॉपिक छोटा सा आपको और पढ़ना है। कौन सा है? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज। अगर आप देखोगे बेटा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के बाद लिखा है एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बाद लिखा है एक्ट, जीसीए में एंड में आ रहा है एक्ट, पर क्या इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज के एंड में कोई एक्ट लिखा है? नहीं, क्योंकि ये एक्ट है ही नहीं। ठीक, यहां पर कोई कायदा कानून वैसा नहीं है, मतलब ये कोई कानून या एक्ट नहीं है। बस इस चैप्टर में हम सीखेंगे क्या, कानूनों को इंटरप्रेट करना। That is, ये चैप्टर आपको क्या बताएगा, किसी कानून की इंटरप्रिटेशन कैसे होती है, दैट इज हाउ डू यू इंटरप्रेट अ स्टैट्यूट। एंड बेटा ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे सीधा नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि इंटरप्रिटेशन कभी भी सीधा ऐसे पढ़ाई नहीं जा सकती। इंटरप्रिटेशन इज एन आर्ट, वो ओवर द टाइम प्रैक्टिस हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट को इंटरप्रेट करना सीखेंगे, फिर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इंटरप्रेट करना सीखेंगे, फिर नेगोशिएबल, फिर जीसीए। और जब हम इस चैप्टर पर पहुंचेंगे, आप रियलाइज करोगे मोर देन 70-80% ऑफ दिस चैप्टर आपको ऑलरेडी आता होगा, क्योंकि हम पूरे सिलेबस में इंटरप्रिटेशन ही करेंगे। तो जब तक हम इस चैप्टर पर पहुंचते हैं, इस चैप्टर की बहुत सी बातें आपकी ऑलरेडी हो जाती हैं कवर। डोंट वरी, वो सारी बातें हम दोबारा भी पढ़ेंगे, बट आप खुद से इस चैप्टर को कवर कर जाओगे, क्योंकि यहां पर हम कानूनों को इंटरप्रेट करना सीखते हैं। और बस ये चार चैप्टर है जो आपको कितने नंबर दिला रहे हैं? 40 नंबर। 40 नंबर आपको सिर्फ ये चार चैप्टर पढ़ने को मिल जाते हैं। तो बेटा यही है आपका सीए इंटर का कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस का सिलेबस। तो दिस इज योर पेपर टू, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, जो आपकी 100 नंबर की वेटेज रखता है। कॉर्पोरेट लॉ 60 नंबर का, जिसमें आपको सिर्फ कंपनीज एक्ट पढ़ना है, उसमें भी 470 में से सिर्फ मोटे मोटे 150 सेक्शन है जो आप पढ़ोगे। एंड फिर आपका आ जाता है अदर लॉ 40 नंबर के लिए। अब तो लग रहा होगा लॉ का सिलेबस आसान है, लग रहा है नहीं लग रहा है? अरे लग रहा है नहीं लग रहा है? इंस्टीट्यूट दयावान है नहीं है? तुम लालची हो फिर, चलो तुम लालची हो तो तुम्हारे लालच के लिए एक और काम हमारे इंस्टीट्यूट ने कर दिया। दैट इज, अगर अभी भी तुम कन्विंस नहीं हो कि तुम्हारा ये पेपर आसान है, इंस्टीट्यूट आपका एक और काम बहुत आसान कर रहा है, क्योंकि ये 100 नंबर अब आपके पेपर में इवेल्युएट कैसे होंगे ये हम सीखेंगे। और हमारे इंस्टीट्यूट का कहते हैं जी, जनरली तो आज तक क्या ट्रेंड रहा था, ये 100 नंबर के लिए आपको दिया जाता था सब्जेक्टिव पेपर। फाउंडेशन में भी आपने लॉ का पेपर लिखा, पूरा सब्जेक्टिव था, पर इंटर लेवल पर आपकी कहानी इंस्टीट्यूट ने थोड़ी सी बदल दी। कहानी क्यों बदल दी? इंस्टीट्यूट इतना दयावान है, वो कह रहे हैं जी आपका इंटर लेवल पर जो 100 में से सब्जेक्टिव पेपर है वो सिर्फ कितना आएगा? 70 नंबर का। तो सर 30 नंबर का क्या आएगा फिर? एमसीक्यू। तो जी सीए इंटर लेवल पर लॉ के पेपर में दिए जाएंगे आपको 30 मार्क्स के एमसीक्यू। तो 30% ऑफ योर पेपर इट्स गोइंग टू बी दी एमसीक्यू पेपर। और एक और बढ़िया बात सर, क्या एमसीक्यू पेपर में आपको अपने आंसर की रीजनिंग देनी होगी? क्या आपने ऑप्शन 2, 3, 4 ही क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि एमसीक्यू के लिए आपको मिलेगी ओएमआर शीट, और जब ओएमआर शीट मिलती है तो कोई रीजनिंग तो हम वैसे नहीं दे सकते। तो यहां पर आपको कोई रीजनिंग भी नहीं देनी। तो जो लॉ के पेपर में आपका एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट रहता है क्या, कि सर सारी इंटरप्रिटेशन भी कर लेंगे, सीख भी लेंगे, पर पेपर में लॉ लिखेंगे कैसे ना, ये बड़ा पेन पॉइंट होता है। लॉ लिखना नहीं आता, कितने बच्चों को लॉ लिखने में डर लगता है, दिक्कत लगती है, सर थोड़ी सी दिक्कत है लॉ लिखने में? चलो होती है, बिल्कुल अनडाउटेडली दिस इशू इज देयर। तो बेटा एक तो लॉ पढ़ना वो अपने आप में अलग बात है, और उसको पेपर में प्रेजेंट करना इट्स अ सेपरेट थिंग। क्योंकि अगर आप लॉ अच्छे से पढ़ लो, इंटरप्रेट कर लो, पर जज के आगे उसे प्रेजेंट ही ना कर पाओ, क्या उसका कोई फायदा है? नहीं। तो कौन सा लॉयर अच्छा होता होगा बेटा, जो लॉ अच्छे से जान रहा होता है या जो लॉ को अच्छे से प्रेजेंट करता है? क्या लगता है कौन सा लॉयर बेटर है, जो लॉ अच्छे से जानता है या जो लॉ को प्रेजेंट करना अच्छे से जानता है? जो जज को जानता है, लॉयर तो वही अच्छा है, ध्यान रखना ये बात में, ये सारी बातें बेकार है। जज को जानेगा वो लॉयर सबसे बढ़िया। पर आपके लिए क्या जरूरी है, आपको लॉ पहले पढ़ना भी है, फिर उसको पेपर पर प्रेजेंट करना भी सीखना है। वो रिटन प्रैक्टिस भी आपकी बड़ी जरूरी है, पर इंस्टीट्यूट ने आपका वो काम काफी आसान कर दिया। आसान क्यों कर दिया? क्योंकि 30 नंबर तो आपके हैं एमसीक्यू, जहां पर आपको कोई रीजनिंग ही नहीं देनी, और 30 में से बेटा आप 30 के 30 भी ला सकते हो, क्योंकि अगर आपके 30 के 30 ठीक है, आपके पूरे 30/30 आ जाएंगे। और फिर पास होने के लिए 70 में से कितने लाने पड़ेंगे? सिर्फ 70 में से 10 तो ले आओगे, ले आओगे। तो पास होने की तो चिंता बेटा छोड़ दो आप,
पास होने की चिंता आपको दूर दूर तक नहीं होनी चाहिए। एमसीक्यू में मैं कहता हूं नलायक, तुमने अगर 30 में से 25 भी ले आए तो सब्जेक्टिव में 15-20 नंबर तो आपके कहीं भी नहीं गए। तो पास होने का अगर कोई फियर माइंड में है उसको तो हटा दो, पास तो हमारा टारगेट इसलिए नहीं है, इसलिए बेयर मिनिमम टारगेट हम 60 का रखते हैं, बिकॉज अब लॉ के पेपर में स्कोर करना आसान है। पास में बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 80 प्लस में लाइन से स्कोर किया है, इट इज अचीवेबल और आप भी उस चीज को बिल्कुल अचीव करेंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी अवर पेपर पैटर्न। फिर भी 70 नंबर इट्स अ वेरी सब्सटेंशियल पोर्शन। वो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए सर हम क्या करें, मतलब आप लॉ पढ़ा भी दोगे हम समझ भी लेंगे, रिटन प्रैक्टिस के लिए क्या करें? तो बेटा अगर लॉ लिखना सीखना है या रिटन प्रैक्टिस सीखनी है तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? रिटन प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। कोई दवाई तो आती नहीं कि सुबह शाम तुम गोली खा लोगे तो तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस डेवलप हो जाएगी, नहीं, उसके लिए आपको रिटन प्रैक्टिस दैट इज लॉ लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होगा बेटा, हम क्लासेस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस अपने सिलेबस के साथ साथ किया करेंगे। हर चैप्टर के एंड पर आपके होंगे चैप्टर वाइज टेस्ट, और वो सारे टेस्ट और वो सारे रिटन प्रैक्टिस में आपको मेरे साथ करना पड़ेगा पार्टिसिपेट। अगर आप मेरे साथ वो रिटन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और चैप्टर के बाद आपके जब जब टेस्ट हो रहे हो वो टेस्ट आप नहीं दे रहे हो, आप मेरे को ये कहने का अधिकार खो दोगे कि सर हमारी रिटन प्रैक्टिस नहीं हुई। तो बी ऑनेस्ट विद योर प्रिपरेशन, उसके बाद भी अगर आपकी रिटन प्रैक्टिस नहीं होती है फिर आप मेरे को बताना। पर अगर आप मेरे हिसाब से क्लासेस के अंदर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, जो इनपुट्स मैं दूंगा उन पर काम करोगे और उन टेस्ट को आप पैरेलली अटेम्प्ट करते चलोगे, ट्रस्ट मी लॉ लिखने का डर आपके माइंड से निकल जाएगा, वो फियर आपको कभी भी हॉन्ट नहीं करेगा। तो रिटन प्रैक्टिस के लिए बेटा लिखकर आंसर देखना बड़ा जरूरी है। और एक चीज और समझना बेटा, आप जो पेपर की तैयारी जितनी अच्छे से इन 3-4 महीने के ड्यूरेशन के दौरान ड्यूरिंग द कोचिंग्स करते हो वही आपके एक तरीके से लॉ की आखिरी प्रिपरेशन है। अगर आप इन 3-4 महीने में लीनियंट हो गए, आपने कोचिंग्स प्रॉपरली नहीं करी, चीजों को अच्छे से नहीं पढ़ा, आप बार बार रिविजन में उन्हीं पॉइंट्स को मिस करते हुए चलोगे और उसकी वजह से अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव होता है आप फिर से वही चीज रिपीट करते हो, आप उन मिसिंग एरियाज पर कभी भी काम नहीं कर पाते। इसलिए हर सब्जेक्ट की कोचिंग को बड़ा सिंसियरली करना, वरना फिर वो अटेम्प्ट्स का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप हर अटेम्प्ट में सेम मिस्टेक करते हो। इसलिए कोचिंग्स को बड़ा सिंसियरली करिएगा, यहां पर आपकी तैयारी सही तरीके से हो, इसलिए हर क्लास को बड़ा अटेंटिवली आप पढ़ेंगे। पर एनीवेज दिस इज गोइंग टू बी अ पेपर पैटर्न, 70% सब्जेक्टिव, 30 मार्क्स के एमसीक्यू। और थोड़ा सा मेरे लिए मैथ्स आसान कर दो, सब्जेक्टिव पेपर 70 नंबर का है तो सब्जेक्टिव पेपर में कंपनी लॉ का पोर्शन कितने नंबर का आता होगा? बाकी बच्चे कैलकुलेटर निकाल रहे हो है? निकालो कैलकुलेटर निकालो, सोचो, बहुत बड़ा सवाल है। आईएएस के पेपर में आया था आपकी बार कि अगर 100 में से 60 नंबर कंपनी लॉ के हैं तो 70 में से कंपनी लॉ के नंबर कितने होंगे, क्या लगता है? अरे नलायक को सबका जवाब आना चाहिए। चलिए गुड, ऑब्वियसली यही आपका पेपर वेटेज भी रहेगा कि कंपनी लॉ आपका 42 मार्क्स का रहता है, अदर लॉ 28 नंबर का, एंड सेम इज द केस विद एमसीक्यूज कि एमसीक्यू में भी कंपनी लॉ आपका 18 नंबर का रहेगा, अदर लॉ रहेगा आपका 12 नंबर का। तो 70 और 30 में वही 60-40% की रेशियो डिवाइडेड रहती है। तो दिस इज गोइंग टू बी अवर पेपर पैटर्न। और बेटा ये पेपर पैटर्न मार्क्स का बिफरकेशन हमारे पीस ऑफ माइंड के लिए स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा है, पर कभी भी ना हमें प्रिपरेशन करते वक्त इन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप किसी भी टॉपिक को जब प्रिपेयर करो उस इंटेंशन से प्रिपेयर करना कि अगर इसी टॉपिक से आपका 100 नंबर का पेपर भी आ जाए आप उसको एक्सेल कर जाएंगे। तो आपको हर टॉपिक की तैयारी इसी तरीके से करनी है, चाहे 100 का 100 पेपर इसी में से क्यों ना पूछ लिया जाए, आप उसमें एक्सेल कर जाएंगे। तो इसलिए ये पीस ऑफ माइंड के लिए बाइफरकेशन वैसे में जानना जरूरी है, पर तैयारी हम ऐसे ही करेंगे जी चाहे किसी भी टॉपिक से 100 नंबर का पूछ लीजिए, हमें उससे दिक्कत नहीं होने वाली। तो दिस इज गोइंग टू बी अ पेपर पैटर्न। एंड हां, हमारा इंस्टीट्यूट वैसे तो इस पैटर्न को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, पर क्या कभी इंस्टीट्यूट का मन करे तो 42 की जगह 45 कंपनी लॉ का दे दे, 28 की जगह 25 अदर लॉ का दे दे, क्या इंस्टीट्यूट ये करने का अधिकार रखता है? बिल्कुल। क्या बाद में पेपर को क्वेश्चन कर सकते हो? नहीं, वो इंस्टीट्यूट की मर्जी है, करना चाहे इंस्टीट्यूट ये काम कर सकता है। तो ये हमारा सजेस्टिव एक पेपर पैटर्न है जो इंस्टीट्यूट देता है, यही फॉलो होता हुआ आया है। पर अगर इस ट्रेंड को इंस्टीट्यूट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना चाहे इंस्टीट्यूट कैन डू दैट, जनरली ऐसा नहीं होता। अब तो यकीन हो गया होगा नलायकों कि तुम्हारा लॉ का पेपर बड़ा आसान है, हुआ या नहीं? हमारा इंस्टीट्यूट दयावान है या नहीं? पीछे से आवाज नहीं है, दयावान है या नहीं? चलो अभी भी कुछ बच्चे हाँ नहीं बोल रहे, आखिरी कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि अगला काम जो हमारे इंस्टीट्यूट ने किया क्या कि नलायकों 30 नंबर के एमसीक्यू आते हों या ना आते हों कर जरूर आना, दैट इज आए चाहे ना आए पेपर में तुम्हें 30 गोले फिल तो करने ही करने हैं। क्यों? क्योंकि जी कोई नेगेटिव मार्किंग भी इन एमसीक्यूज में नहीं है। तो 30 मार्क्स तो आपको मतलब टारगेट करना ही करना है, ये तो पेपर आपका होना ही होना चाहिए। एमसीक्यूज तो आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं, बिकॉज यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग, दिस इज अ वेरी वेरी बिग थिंग, बिकॉज प्रोफेशनल लेवल इंटर लेवल के पेपर पर अगर आप एमसीक्यूज फिल कर रहे हो क्या नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए?
होनी बनती थी, तुम्हारी किस्मत अच्छी है क्योंकि इंस्टीट्यूट दयावान है, आपके लेवल पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। इंटर में लॉ के पेपर में स्कोर करना आपके लिए काफी आसान है, तो यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई रीजनिंग आपको नहीं देनी, बस हाँ इंस्टीट्यूट कुछ एमसीक्यूज कैसे बना सकता है, केस स्टडी बेस्ड। अब सर ये क्या बोला है केस स्टडी बेस्ड, एक बार बहुत सुनते आप केस स्टडी केस स्टडी केस स्टडी, क्या होती है केस स्टडी? मतलब बच्चे कई बार इसको हाइप करके ना फियर बना लेते हैं, केस स्टडी आएगी पेपर में, तो बड़ा केस स्टडी कुछ भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने लेट से बचपन में स्मॉल कंपनी का टॉपिक पढ़ा होगा, अब क्या आप ये एक्सपेक्ट करोगे इंस्टीट्यूट आपको कहे बेटा बताओ व्हाट इज स्मॉल कंपनी? नहीं, इंस्टीट्यूट क्या कर देगा, वो कहेगा जी एक कंपनी है 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, आज के दिन उसकी पेड अप कैपिटल इतनी है, टर्नओवर इतनी है, बताओ ये स्मॉल है या नहीं। तो इंस्टीट्यूट ने बस उसके इर्द गिर्द छोटी सी कहानी बना दी, ये क्या बन गई केस स्टडी। तो ये आपका पेपर पैटर्न रहता है, तो आपके कुछ एमसीक्यूज केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू भी हो सकता है। मतलब जनरली तो बेटा आपके पेपर में जो एमसीक्यू आएंगे कैसे आएंगे, एक क्वेश्चन होगा और उसके चार ऑप्शंस होंगे, आपको सेलेक्ट करना है, एंड जनरली उसकी वेटेज या तो एक नंबर की होगी या दो नंबर की होगी। मतलब आपके पेपर में जो एमसीक्यूज आते हैं या तो वन मार्क्स का एमसीक्यू आता है या टू मार्क्स का। पर कुछ एमसीक्यूज में इंस्टीट्यूट क्या करता है, वो आपको एक कहानी लिख करके देगा, आधे एक पेज की कहानी होगी, और उस कहानी में से तीन चार एमसीक्यूज बना करके दे देगा, उसे हम क्या कह देते हैं केस स्टडी बेस्ड लॉन्ग एमसीक्यूज यू कैन से। तो वहां पर एक केस स्टडी में से दो तीन चार एमसीक्यूज आपके बन जाते हैं, तो वो आपका केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू है। बाकी बेटा अगर लॉ के किसी भी सेक्शन को आपने पढ़ लिया, अब चाहे वो सब्जेक्टिव से इवैल्यूएट हो रहा हो, चाहे एमसीक्यू से, चाहे केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू से, क्या उस चीज से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। अगर आपको टॉपिक आता है वो जैसे मर्जी इवैल्यूएट हो आप आंसर कर पाओगे। तो कुछ केस स्टडी बेस्ड आपके आ सकते हैं। एक और चीज का ध्यान रखना, ये बात मैं आपको पेपर के टाइम पर भी याद दिलाऊंगा, पर जो आपको ओएमआर शीट मिलेगी उसमें आपको जो सर्कल फिल करने हैं किसी से करने रहेंगे, पेंसिल से। उस चीज का ध्यान रखना कि वो सर्कल आपको पेंसिल से फिल करने हैं, बिकॉज पेपर के बाद कई बच्चों का मैसेज आता है सर मैंने तो पेन से फिल कर दिए, बताओ क्या होगा? मैं क्या बताऊं बेटा जो होना है तुम कराए। तो बिल्कुल जी, इंस्टीट्यूट ऐसे केस में आपका वो एमसीक्यू पोर्शन वाला पेपर रद्द कर सकता है, हो सकता है आपको 30 में से एक भी नंबर ना दिया जाए, तो इसलिए ये एक्सपेरिमेंट मत करना, मुझे भी नहीं पता तुम्हारे साथ क्या होगा। तो अगर तुम्हें मुझे ये जवाब देना है तो ट्राई कर लेना, क्या मुझे जवाब देना चाहोगे कि अगर पेन से फिल किया तो क्या होगा? क्या आप चाहते हो मेरे पास इस सवाल का जवाब हो? तो कराना प्लीज, ठीक है? यस सर। तो आप पेन से फिल करना, बता देना मेरे को नालायक। एंड लास्टली नीड टू सबमिट द एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा जब आप पेपर देने जाओगे आपको एक सब्जेक्टिव का पेपर मिलेगा, एक एमसीक्यू का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, एक एमसीक्यू की ओएमआर आंसर शीट मिलेगी और एक सब्जेक्टिव की आंसर शीट मिलेगी। पेपर खत्म होने के बाद आप एग्जामिनर को क्या क्या दोगे? क्या सब्जेक्टिव की आंसर शीट दोगे? अरे सारे बच्चे नहीं दे रहे, अरे क्या सब्जेक्टिव की आंसर शीट दोगे एग्जामिनर को भाई? क्या एमसीक्यू की आंसर शीट दोगे? सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पेपर नहीं, वो आप ला सकते हो, पर जो एमसीक्यू का क्वेश्चन पेपर है वो आपको एग्जामिनर को देना पड़ेगा। दैट इज, क्या आप एमसीक्यू का क्वेश्चन पेपर अपने साथ बाहर ला सकते हो? नहीं जी, वो चीज आपको अलाउड नहीं है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन पेपर भी आपको बाहर लाना अलाउड नहीं, अगर आप लाए आपका पेपर अगेन रद्द हो सकता है। इसका मतलब क्या है सर? पास्ट अटेम्प्ट्स में इंस्टीट्यूट ने कैसे एमसीक्यू एग्जाम में पूछे हैं, क्या हमें कभी भी पता चलेगा? अगर पास्ट के कभी एमसीक्यू पेपर बाहर ही नहीं आए तो क्या हमें कभी पता चलेगा? कभी कभी चल जाता है, क्योंकि एक आध नलायक ऐसा निकल ही जाता है जो गलती से ले आता है। आपके नवंबर 22 के पेपर में भी ऐसा ही हुआ, एक नलायक था जो एमसीक्यू ले आया। तो ये एमसीक्यू पेपर लेटेस्ट नवंबर 22 अटेम्प्ट का, ये भी हमारे पास अवेलेबल हो गया था। नवंबर 22 का अवेलेबल आएगा, इस नवंबर 21 का भी और नवंबर 20। तो नवंबर में जनरली ऐसा होता है, मई वाले ठीक रहते हैं, नवंबर वाले गलतियां ज्यादा करते हैं। तो तुम बच के रहना, बिकॉज तुम्हारा अटेम्प्ट नवंबर ही पढ़ने वाला। एक तो ये इस टाइप के बेटा एमसीक्यूज आते हैं, एक क्वेश्चन होगा, चार ऑप्शन होंगे, एक या दो नंबर के आपके एमसीक्यूज होते हैं। ये एक क्वेश्चन है दो नंबर का, ये आपका एक नंबर का। एंड कुछ आपके आते हैं बेटा केस स्टडी बेस्ड। केस स्टडी बेस्ड कैसे, अगर मैं बिल्कुल एंड में जाऊं, इस पेपर में केस स्टडी बेस्ड ये आया आपका केस स्टडी बेस्ड, जहां पर ये एक छोटी सी केस स्टडी, छोटी सी, बस 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 बस। तो ये छोटी सी डेढ़ पेज की या डेढ़ पेज की एक केस स्टडी इंस्टीट्यूट ने आपको दी, और उस पर बेस्ड एक दो तीन, बस ये तीन सवाल बनाए गए। तो डेढ़ पेज की केस स्टडी है और तीन सवाल है बस बस। नलायक अगर ये तीन सवाल सही किए ना, तो हर सवाल की वेटेज कितनी है, तो छह नंबर का ये एक क्वेश्चन है। बस तीन सर्कल फिल करने और छह नंबर तुम्हारे। और ट्रस्ट में जब हम ये टॉपिक पढ़ जाओगा, ओके अगर सर, अरे सर क्या केस स्टडी थी, क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी, आप यही बोलोगे। तो ट्रस्ट मी, ये बहुत आसान और बहुत स्कोरिंग एरिया आपके लिए रहेगा। एंड डेढ़ पेज की केस स्टडी देख के डर मत जाना, बिकॉज ये वर्थ इट है। छह नंबर आपको मिलने वाले हैं सिर्फ इन तीन क्वेश्चंस के। तो इस टाइप से आपका एमसीक्यू पेपर रहता है,
जो जनरली तो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं होता, पर हमारी किस्मत थी नवंबर 22 का ये पेपर अवेलेबल है, जो आपको आपकी एमसीक्यू बुकलेट मिलेगी उसमें ये वाला पेपर भी कवर रहेगा, इसके सारे क्वेश्चंस उसमें होंगे, तो ये वाले क्वेश्चंस भी हम साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर सिलेबस एंड एमसीक्यूज आपके ऑब्वियसली बहुत सारे स्कोरिंग रहने वाले हैं। तो ये बेटा हमारा सिलेबस है, ये एमसीक्यूज के पॉइंट्स है। बस आज की हमारा जो क्लास है उसका टारगेट्स कितने थे? दो। पहला टारगेट तो बस पेपर के बारे में जानना, बस वो टारगेट अब फिनिश होने वाला है, क्योंकि ये टारगेट अचीव करने के लिए हमारे जो टूल्स हैं, बस उन टूल्स से तुम्हें थोड़ा सा रूबरू करा दूं, तो जो टूल्स आपको ये टारगेट अचीव करने में हेल्प करेंगे उसमें बेटा एक तो आपका ये टूल नंबर वन, ये है आपकी वॉल्यूम नंबर वन, जो है आपकी कॉर्पोरेट लॉ की बुक। इसमें आपका 60 मार्क्स की वेटेज रहेगी, तो जो आपका पेपर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में डिवाइडेड है उसके लिए आपको एक तो मिलेगी वॉल्यूम नंबर वन जो आपकी होगी कॉर्पोरेट लॉ की, 60 मार्क्स का वेटेज यहां पर कवर मिलेगा। एंड नीडलेस टू से वॉल्यूम टू किसकी होगी? अदर लॉ की। तो 40 नंबर के लिए एक आपको मिलेगी वॉल्यूम नंबर टू अदर लॉज। तो ये हमारी दो मेन बुक्स हैं, वॉल्यूम नंबर वन जिसमें आपका पूरा कंपनीज एक्ट कवर्ड रहेगा, वॉल्यूम नंबर टू जिसमें आपका पूरा अदर लॉज रहेगा कवर्ड, और ये दोनों टूल्स आपकी ये 100 नंबर की तैयारी यहां पर करा देंगे। और बेटा आज तक मतलब टिल डेट इंस्टीट्यूट ने जितने भी सवाल, टिल डेट की बात कर रहा हूं, जितने भी सवाल इंस्टीट्यूट ने आज तक अपने किसी भी स्टडी मैट, किसी भी आरटीपी, किसी भी एमटीपी, किसी भी पास्ट पेपर, कहीं भी अगर इंस्टीट्यूट ने कैसा भी कोई सवाल आज तक अगर बनाया है वो इन बुक्स में रहेगा कवर्ड। मतलब आपको सवालों के लिए अलग से इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा कि आप लॉ पढ़ रहे हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहीं और से कर रहे हो, नहीं, ईच एंड एवरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन टिल डेट जो भी इंस्टीट्यूट ने बनाया है सब यहां पर आपके इन दोनों वॉल्यूम्स में कवर्ड है। और एक और सवाल जो आता है, सर क्या ये बुक्स पढ़ते पढ़ते हमें पैरेलली इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट पढ़ना पड़ेगा? क्या सर हमें आरटीपी पढ़नी पड़ेगी? क्या सर हमें एमटीपी पढ़नी पड़ेगी? क्या अलग से पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन करने पड़ेंगे? तो बेटा जवाब बड़ा सिंपल है, अगर मेरे से पढ़ने के बाद तुम्हें स्टडी मैट भी अलग से पढ़ना पड़ जाए, आरटीपी एमटीपी भी अलग से पढ़नी पड़ जाए, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी अलग से पढ़ने पड़ जाए, फिर कोचिंग का फायदा ही क्या? देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ कोचिंग? तो ये सारा काम मैं आपके बिहाफ पर करता हूं, ट्रस्ट मी, मैं अपनी बुक्स बनाने में बहुत ज्यादा समय डिवोट करता हूं, पूरा वो स्टडी मैट पढ़ना, सारे पास के आरटीपीज देखने, एमटीपीज देखने, क्या पेपर का ट्रेंड रहा है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स रिपीट हो सकते हैं, दिस इज माय होमवर्क, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बस इसको तरीके से प्रिपेयर करना है। तो बस आप इन बुक्स को तरीके से पढ़ते जाना, जितने क्वेश्चन से प्रिपेयर करते जाना, आपकी बिल्कुल बिंदास तैयारी हो जाएगी, अलग से आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये दो बुक्स हैं बेटा, इसमें आपका पूरा कंटेंट भी कवर रहेगा, और आज तक इंस्टीट्यूट ने जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए हैं इंक्लूडिंग द नवंबर 22 का पेपर, तो जो नवंबर 22 का पेपर है, एमटीपी है, आरटीपी है, जो भी, सब कुछ आपको इस बुक के अंदर मिलेगा कवर्ड। सर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फिर सर एमसीक्यूज का क्या? तो बेटा उसके लिए आपको मिलेगा एक तीसरा टूल, दिस इज गोइंग टू बी योर एमसीक्यू बुकलेट। एंड टिल नवंबर 22 मतलब आज तक ही, मैं कहूं आज तक इंस्टीट्यूट ने जितने भी सवाल बनाए हैं किसी भी आरटीपी में, किसी भी एमटीपी में, किसी भी अपने स्टडी मैट के अंदर, किसी भी केस सिनेरियो बुकलेट के अंदर, और जो जो से पेपर लीक हो गए जैसे नवंबर 22 का, नवंबर 21 का, वो सारे पेपर ए टू जेड सब आपका इस बुक में होगा कवर्ड। अलग से आपको कहीं भी किसी एमसीक्यू के लिए हंट नहीं करना पड़ेगा, ए टू जी सब आपको इस बुक में कवर्ड मिलेगा, और टॉपिक वाइज कवर्ड मिलेगा। टॉपिक वाइज मतलब अगर मैंने चैप्टर 3 के एमसीक्यू डाले हैं, तो चैप्टर 3 आपका स्टार्ट होता है सेक्शन 23 से, 23 से जाता है 42 तक, तो 23 से 42 तक जितने भी एमसीक्यूज है टॉपिक वाइज डिवाइडेड आपको मिलेंगे, कि जी पहले 23 के सारे एमसीक्यूज आए, 24 के एमसीक्यूज, उनकी कीज, अगर किसी हिंट आंसर की जरूरत है, सब कुछ, तो वो सब कुछ आपको इस बुक के में कवर्ड मिलने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने इसको ऑनेस्टली कवर किया तो 30 नंबर आपको नेल करना मुश्किल नहीं रहने वाला। एंड लास्टली ये कहूंगा बेटा, बार बार ग्रिप अपने कंटेंट पे बनाना, फिर चाहे सब्जेक्टिव है चाहे एमसीक्यू है, सब कुछ यहां पर कवर हो जाएगा। तो दीज आर गोइंग टू बी आवर टूल्स। हो गया यार, और कुछ बचा है? चार थे सर, चौथा क्या बच गया? सर ये दोनों बुक्स तो पढ़ लेंगे, सारे सेक्शंस भी पढ़ लेंगे, 150 सेक्शन पढ़ लिए, चारों एक्ट पढ़ लिए, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, पर दिक्कत आती है सर एग्जाम से एक दिन पहले, क्योंकि एग्जामिनर हमें इतना टाइम पेपर से पहले नहीं देता, पेपर से पहले मिलता एक दिन, और जब एक दिन हमारे सामने पूरी पूरी बुक्स आ जाती है ना, इनको कंपाइल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस समय हमें लगता है डर कि जी कैसे इतनी बड़ी बड़ी बुक्स को हम फ्लिप थ्रू करके सारे कंटेंट को एक जगह कंपाइल करें। तो बेटा उसमें आपकी थोड़ी सी मदद करने के लिए आपका एक चौथा टूल आएगा, जो है हमारी लॉ की कॉम्पैक्ट बुक, जिसमें आपका सीए इंटर लॉ का जो पूरा सिलेबस है, लेस देन 50 पेजेस, लेस देन 50 पेज में आपका पूरा सिलेबस है समराइज। तो कॉम्पैक्ट बुक भी आपको मिलेगी जिसमें आपका सीए इंटर लॉ का पूरा सिलेबस 50 पेजेस के अंदर समराइज रहता है। तो अगर आपको कभी भी अपने कंटेंट को कंपाइल करते हुए चलना है, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद मन है यार फटाफट से 15-20 मिनट लगा के
उसको ब्रशअप कर लूं, तो एक कॉम्पैक्ट बुक आपकी मदद करेगी। पर ऑब्वियसली ये चीजों की कंपाइलेशन के लिए है, हम इसी को बेस बनाकर नहीं पढ़ सकते। बेस तो हमारा मेन बुक ही है, हमें रिवीजन भी वहीं से करनी है, बस चीजों को फटाफट अगर कंपाइल करना है तो दिस इज गोइंग टू बी दी कॉम्पैक्ट बुक जिसमें आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा कवर। तो ये चार टूल्स हमारे रहेंगे। एंड आपको पता ही होगा बेटा, आप बड़े स्पेशल बैच हो, क्योंकि आपका बैच ऐसा था जिससे पहले कुछ डिबेट्स हुई थी सिलेबस को लेकर के। तुम चाहते तो शायद कुछ और थे, पर जीवन में जो चाहते हो हर बार नहीं मिल पाता, तो इसलिए तुम एग्जिस्टिंग सिलेबस में ही रहे, नया सिलेबस आप पर नहीं आया। तो उस वजह से एज अ फैकल्टी मैं भी बड़ा डिलेमा में था। डिलेमा में क्यों था? क्योंकि मेरी नए और एग्जिस्टिंग सिलेबस दोनों की बुक्स रेडी पड़ी हुई थी, पर मैं प्रिंटिंग में नहीं दे पा रहा था, क्योंकि जब तक क्लैरिटी नहीं आती हाउ कुड आई प्रिंट द बुक। तो जिस दिन ये क्लैरिटी आई थी द बुक्स हैव गॉन फॉर द प्रिंटिंग, और सबसे पहले हमें ये वॉल्यूम वन मिल जाएगी। वॉल्यूम वन प्रिंटर से मैंने कमिटमेंट लिया, ही इज कमिटेड की बाय वेडनेसडे या थर्सडे बुक्स आ जानी चाहिए। तो आज मंडे है, वेडनेसडे हमारी सेकंड क्लास होगी, थर्ड क्लास जो होगी फ्राइडे, उस दिन आपके पास बुक रहेगी। आज की क्लास में तो वैसे ही मैं बुक नहीं चाहिए, थर्ड क्लास में आपके पास बुक रहेगी। तो फिर भी मीनवाइल आपको कोई भी दिक्कत ना हो, तो जो आपका चैप्टर वन होगा वॉल्यूम वन का, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर कर दूंगा शेयर, उसका पीडीएफ आई शेयर ऑन द टेलीग्राम चैनल। तो मीनवाइल अगर आपको काम चलाना है उससे एक क्लास के लिए आप काम चला सकते हो, वरना बाय थर्ड क्लास आपको आपकी वॉल्यूम वन मिल जाएगी, एंड धीरे धीरे बाकी बुक्स भी प्रिंट होकर आएंगे, वो बुक्स भी आपको पैरेलली मिल जाएंगे। एंड इसी के साथ मैं ये भी कहूंगा कि आप सब मेरे से मेरे टेलीग्राम चैनल पर रहेंगे कनेक्टेड एटलीस्ट टिल द ड्यूरेशन ऑफ दिस बैच। तो जितने भी बैच चलेगा अब आप मेरे डायरेक्ट टच में आ चुके हो, यू आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद मी। तो लॉ से रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन होगा कि जी कोई क्लास है, कोई क्लास कैंसिल है, आज कोई एक्स्ट्रा क्लास है, या कभी कोई क्लास है, कोई पार्टी, एनीथिंग, जो भी लॉ से रिलेटेड आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा वो मैं आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर दिया करूंगा। आपको किसी और सोर्स से नहीं रिलाई करना कि जिस मैडम ने मेरे को ये बता दिया था, इस बच्चे ने ये बता दिया था, नहीं। तो जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन फॉर लॉ है वो मेरी तरफ से आपको इसी टेलीग्राम चैनल से जाएगा। जिस बच्चे को नहीं पता, टेलीग्राम एक ऐप का नाम है, तो आप वो ऐप डाउनलोड कर लेना। वैसे तो बहुतों के पास होगा, आजकल बच्चे मूवीज वगैरह टेलीग्राम से ही देखते हैं, फिर भी अगर किसी के पास नहीं है तो प्लीज आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर आप सर्च करेंगे CA_law_harshgupta, तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा। ये चैनल पे आप रहेंगे कनेक्टेड, बिकॉज जितने हमारे बैच चलेगा मैं आपको बहुत सारा कंटेंट है जो इस टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा। फॉर एग्जांपल जब हम आईपीओ पढ़ेंगे तो उस समय जिस जिस कंपनी का आईपीओ आ रखा होगा उसकी सारी डिटेल्स मैं वहां पर भेजूंगा, तो उससे आपको वो प्रैक्टिकल जो इनसाइट है डे टू डे मिलते रहेंगे। तो जितने आपका बैच चलेगा इतने तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहोगे, उसके बाद बेशक आप ग्रुप से एग्जिट कर देना, पर जब तक ये बैच है आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर रहेंगे कनेक्टेड। तो ये तो बेटा हमारा आज का रहा टॉपिक नंबर वन, हमारा सिलेबस। किसी को सिलेबस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क। खत्म कब तक होगा? शुरू तो कर लो नलायको। खत्म आपका सिलेबस, जो टारगेट है दैट इज मे एंड। तो भाई मे एंड आपका लॉ का सिलेबस हो जाएगा पूरा। हाँ जी, और कोई डाउट? बहुत बड़े सवाल पूछा, क्या बात। हाँ जी, और कोई डाउट किसी का हो तो पूछ लीजिए भाई। क्या थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ाओ भाई, जो भी बोल रहे पास कर देना। क्या हाँ जी, एक बहुत खतरनाक सवाल आया है सर, लॉ का रजिस्टर मेंटेन करना है। चलो तो बेटा, आपका थियरी सब्जेक्ट है लाइक अ पेपर ऑफ लॉ। मेरा हमेशा एज अ स्टूडेंट एक परसेप्शन कह रहता था, जो थियरी सब्जेक्ट होता है जब आप उसको पेपर में लिखने जाते हो तो आपकी फ्लैश मेमोरी आपकी हेल्प करती है। मुझे नहीं पता आपके साथ ऐसा होता है या नहीं, पर मेरे साथ क्या होता था, जब भी कोई सवाल आता था, लेट्स सपोज बोनस का सवाल आया, तो मेरा माइंड ना पहुंच जाता था, अच्छा जी मेरी बुक के उस पेज के राइट हैंड साइड कॉर्नर में मैंने बोनस की नोटिंग की हुई थी, और वो नोटिंग मेरी फ्लैश मेमोरी में आती है और उसको मैं पेपर में लिख के आता हूं। होता है आपके साथ? तो थियरी सब्जेक्ट्स में ना आपकी फ्लैश मेमोरी बड़ी जरूरी है। तो अगर मैं आपकी उस फ्लैश मेमोरी को डुप्लीकेट करके मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो आपके लिए चीजों को याद करना हो जाएगा मुश्किल। मतलब अगर मैं आपको एक बुक अलग बना कर दूं, उसका रजिस्टर अलग बनवा दूं, समरी नोट्स अलग से बनवा दूं, तो हर चीज आपकी फैल जाएगी और लास्ट डे पर आप उसे कंपाइल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए लॉ के लिए अलग से आपको कोई रजिस्टर नहीं बनाना पड़ेगा। तो सर नोटिंग कैसे होगी? अगर रजिस्टर ही नहीं है तो लॉ की नोटिंग कैसे करेंगे? पहली बात बेटा, क्या लॉ के हर सेक्शन की ही एक एक चीज की नोटिंग हो क्या जरूरी है? नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 11th-12th क्लास में चीज समझ में नहीं आती थी, जब मैं स्कूल में पढ़ता था मेरे टीचर्स मुझसे ना बिजनेस स्टडीज की भी नोटबुक बनवाते थे, एंड आई ऑलवेज यूज टू क्रिप, यार जब ये सारा कंटेंट बुक में लिखा ही है इसे रजिस्टर में दोबारा से क्यों लिखवा रहे हो? तो जब उस कंटेंट को हम दोबारा से रजिस्टर में लिखने लग जाते हैं ना, हम उस कंटेंट की डेप्थ में कभी भी नहीं जा पाएंगे। तो बेटा हर सेक्शन की एक एक सेक्शन की वही बात जो बुक में ऑलरेडी लिखी हुई है, अगर उसी को मैं नोटबुक में आपको कॉपी पेस्ट कराने लग जाऊं तो हम लॉ की इंटरप्रिटेशन को कभी भी सफिशियंट टाइम दे ही नहीं पाएंगे। और रजिस्टर में चीजों को लिखवाने से एक दूसरा इंपैक्ट होता है, क्या?
जब मैं रजिस्टर में आपको कोई चीज दिखवाऊंगा ना, वही आपके लिए सच है, आप कभी भी मुझे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। पर अगर मैं आपको बुक दे रहा हूं और बुक में लॉ का कोई कंटेंट है, मैंने कोई इंटरप्रिटेशन करी, आप मुझे भी क्वेश्चन कर सकते हो कि हट सर आपकी इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है, हमारे हिसाब से इस सेक्शन की इंटरप्रिटेशन ये होनी चाहिए। तो यू विल बी इन दो शूज जहां पर आप मुझे भी क्वेश्चन कर सकते हो। इसलिए हर सेक्शन को कॉपी पेस्ट हम रजिस्टर में नहीं करेंगे, पर हाँ जितने भी कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है, सेक्शन का कोई लॉजिक है, सेक्शन का कोई शॉर्ट डायग्राम है, उनकी नोटिंग हम जरूर करेंगे, उसके लिए रजिस्टर मेंटेन होता है। तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि हम लॉ के जितने भी सारे सेक्शन है सबको कॉपी पेस्ट करके रजिस्टर में लिखने वाले, बेटा प्रोफेशनल लेवल पर ये टेक्निक काम नहीं आती, देयर इज अ शियर वेस्टेज ऑफ टाइम, उसका कोई यूज नहीं होता। आपको जो लिखना है वो क्या लिखना है, आपको सेक्शंस के लॉजिक्स, उनकी मेन नोटिंग, उनको याद करने के निमोनिक्स, फ्लो चार्ट्स, उनकी नोटिंग हम करेंगे। और उसके लिए मैंने क्या किया, आपको रजिस्टर अलग से ना बनाना पड़े। तो आपके जो भी चैप्टर होता है, हर चैप्टर के एंड में मैंने आपको दिए हैं ब्लैंक पेजेस, लेट मी जस्ट शो यू एक बार, आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये बेटा आपकी वॉल्यूम नंबर वन, इसमें आपका आएगा चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो जैसे आपका चैप्टर नंबर वन है कंपनीज एक्ट का प्रिलिमिनरी, तो ये तो आ गया बेटा आपका चैप्टर का सारा कंटेंट, जहां पर आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक पर आज तक इंस्टीट्यूट ने जितने सवाल बनाए हैं वो सवाल आपको उसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आपका सेक्शन टू आ गया डेफिनेशंस का, तो आज तक इंस्टीट्यूट ने किसी भी आरटीपी एमटीपी पेपर में कोई भी सवाल इस पर बनाया है, सब आपको मिलेगा। एंड जैसे ही बेटा आपका कोई चैप्टर फिनिश हो जाता है, तो ये छोटा सा आपका चैप्टर वन है बस, हाँ ज्यादा का 25 पेज का है बस, चलो जैसे ही बेटा आपका ये चैप्टर या कोई भी चैप्टर लॉ में फिनिश होगा, उसके एंड में आपको मिलेंगे बहुत सारे ब्लैंक पेजेस। तो आपका जैसे ही कोई चैप्टर फिनिश होता है आपको मिलते हैं यहाँ पे काफी सारे ब्लैंक पेजेस। तो आपकी जितनी भी नोटिंग होगी इन ब्लैंक पेजेस पर हम किया करेंगे, ताकि बाद में जब आपको चीजें रिवाइज करनी हो, आपको बुक और रजिस्टर अलग से ना खोलना पड़े, आपका सारा जो कंटेंट है एक ही जगह आपको मिले और वहीं से आप अपनी तैयारी कर पाओ। तो अलग से आपको लॉ की नोटिंग्स के लिए रजिस्टर नहीं बनाना। हाँ आप चाहो तो अलग से एक पतली सी डायरी कुछ या नोटबुक बना सकते हो, जिसमें हम किया करेंगे रिटर्न प्रैक्टिस। तो जो हमारी रिटर्न प्रैक्टिस होगी क्वेश्चंस की, टेस्ट की, वो हम मेन बुक के स्पेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके लिए आप अलग से एक पतली सी नोटबुक कैरी कर सकते हो। इसके अलावा जो भी सेक्शन से रिलेटेड नोटिंग है आपकी बुक्स के अंदर ही कवर कराई जाएगी। हाँ जी सर, विल द लाइव क्लास स्टूडेंट ऑल्सो गेट दी कोचिंग बुक? हाँ जी नलायक, जो लाइव बच्चा ऑब्वियसली बुक्स तो सबको मिलेगी, बिना बुक्स के कैसे पढ़ोगे। तो जो हमारे स्टूडेंट ऑब्वियसली फेस टू फेस पढ़ रहे हैं, लाइव एट होम पढ़ रहे हैं, लाइव एट सेंटर पढ़ रहे हैं, जीडीपीडी से बाद में पढ़ेंगे, सबको मिलेंगे बुक्स, डोंट वरी। बुक्स तो आपका मेन कोर्स पार्ट रहने वाला है, बिना बुक्स के पढ़ाई हुई नहीं, तो बुक्स तो आपको मिलेंगे। और कोई बहुत बढ़िया सवाल पूछना चाहो तो, सवाल बहुत बढ़िया आ रहे इस बैच से, जबरदस्त। हाँ जी और कोई सवाल? मेरे कितने मार्क्स? बहुत बढ़िया, एक और बढ़िया सवाल सर, आपके कितने मार्क्स आए थे पहले ये बताओ, फिर बता, फिर हम देखेंगे पढ़ा भी पाओगे नहीं, पहले अपना बताओ कितना स्कोर किया था। मेरा जान के क्या करोगे, देखो मेरी तो बीत गई, ठीक मैंने जो स्कोर करना था कर लिया, अब तो आपकी बारी है। फिर भी फोर्स करोगे, मेरे को एग्जैक्ट नंबर तो नहीं था, बट इट वॉज शायद समवेयर अराउंड 84, ठीक शायद, आई एम नॉट श्योर, इट्स बीन वाइल, मेरे से कभी किसी बैच में सवाल आया ही नहीं था। तो 84 एक बार किया था, सीएस के भी कभी कभी मैंने पेपर लिखे हुए थे, तो सीएस में कंपनी लॉ का एक पेपर लिखा था, किस्मत से उसमें एक बार 90 नंबर आ गए थे और बेस्ट पेपर ऑफ कंपनी लॉ का अवार्ड भी मिल गया था। तो कभी कभी कुछ कुछ इंस्टांसेस हुए थे, पर वही मैं बार बार कह रहा हूँ, वो मेरा टाइम था, गुजर गया। आज के दिन मेरा इवेल्युएशन या मेरी सक्सेस जो मैंने किया उससे मेजर नहीं होगी, मेरी सक्सेस आज के दिन किससे मेजर होगी, आप सबसे, आप कितने सक्सेसफुल अपनी लाइफ में बनते हो। तो आप जितने ज्यादा आप सक्सेसफुल होगे, दैट इज द पैरामीटर ऑफ माय सक्सेस इन टुडेज एरा। तो आज के दिन मेरी सक्सेस आप पर डिपेंडेंट है, तो अगर आप मुझे सक्सेसफुल देखना चाहते हो तो खुद को सक्सेसफुल बनाओ, लाइफ में इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाओ कि मैं भी कह पाऊं हाँ जी मेरा स्टूडेंट है, मेरे से कभी पढ़ के गया था, मैं भी किसी को सिफारिश लगवानी हो तो कह दो जी हाँ मेरा स्टूडेंट है, जाकर बात कर लेना, मेरा रेफरेंस दे दे रहा। तो वो लेवल ऑफ सक्सेस आनी चाहिए। तो आज के दिन आपको सक्सेसफुल बनना है, मेरी रैंक थी नहीं थी, मार्क्स थे या नहीं थे, डज नॉट मेक, या हार्डली मेक अ डिफरेंस, पर हाँ ये छोटा सा स्कोर रहा था। और बाद में ये चीजें कभी रिपीट मत करना, मैं अपने बारे में ज्यादा नहीं बताना चाहता, पर आज फर्स्ट एंड फॉर द लास्ट टाइम मैं बताया, तो मेरी अकम्पलिशमेंट्स क्या थी, मैंने कॉलेज अपना किया भाई हंसराज से, हंसराज मेरा रेगुलर कॉलेज था, एक नंबर से मेरा एसआरसीसी मिस हो गया था, तो वो हमेशा से एक पेन पॉइंट रहा था, पर किस्मत अच्छी थी क्योंकि दो नंबर कम होते तो हंसराज भी गया था, तो इसलिए हंसराज मिला था, आई वॉज वेरी हैप्पी, दिस वॉज माई कॉलेज। कॉलेज के साथ साथ मैंने अपना सीए इंटर किया था, सीए इंटर में आई वॉज लकी इनफ टू गेट AIR 4। साथ साथ दिमाग ने पता नहीं क्या काम किया, सीएस करने का भी मन किया, सीएस एग्जी में आई गॉट AIR 14। सीए फाइनल फिर मैंने दिया, सीए फाइनल में किस्मत ज्यादा अच्छी नहीं थी और ये चार की फिगर ने साथ नहीं छोड़ा, तो यहां पर आए 40, आई गॉट AIR 40th। एंड फिर आया था सीएस प्रोफेशनल, उसमें थोड़ा सा ट्रेंड ब्रेक हुआ, एंड फाइनली आई गॉट AIR 2।
दिस इज आओ, ये चार ए आई आर, ये भी सवाल आते हैं कि सर सीएमएल लेवल तो दो है, चार रैंक्स कहां से आ गई? तो दीज आर, मैंने चार ये ए आई आर स्कोर करी, आपको जो बुक्स मिलेंगे उस पर लिखा रहता है कि हाँ भाई फोर टाइम्स ए आई आर। एंड ऑब्वियसली रैंक का एस्पिरेशन बच्चों आपको भी रखना चाहिए। आप देखो मेरे को रैंक लाए कितना समय हो गया, फिर भी आज मैं स्टेज पे खड़ा होकर अपने रैंक के बारे में ब्रैग कर रहा हूं। तो आप अगर रैंक लाते हो जिंदगी भर आपके साथ जुड़ जाएगी। तो रैंक ऑब्वियसली आपके हमेशा एस्पिरेशंस में रहनी चाहिए और वो एक टॉप नॉच। और जो बच्चा ऑलरेडी क्लास में रैंक सोचकर बैठा था कि मेरे को रैंक लानी है, बेटा आज ही के दिन वो टारगेट सीधा पहुंच जाना चाहिए रैंक वन। ठीक, रैंक वन से नीचे का टारगेट आपको नहीं सोचना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी क्लास में इस माइंड सेट के साथ बैठे थे कि मेरे को रैंक लानी है, आपको सीधा अपना टारगेट बनाना है रैंक वन, रैंक वन से नीचे आपको नहीं सोचना। और अगर वो ऑलरेडी रैंक वन सोच के बैठा था सर, वो क्या करे, उसका टारगेट ऐसा बनाने की जी रैंक वन इतने मार्जिन से लाऊंगा कि रैंक टू वाला आसपास भी नहीं होगा। ठीक, तो अगर ऑलरेडी कोई इस कैलिबर के साथ क्लास में बैठा कि मैं रैंक वन लाऊंगा, तो ये सोच के लाना कि रैंक वन इतने मार्जिन से लाने हैं कि जी ऐसा ना हो कि रैंक टू वाला दो तीन नंबर से रह गया ना। रैंक वन जो मेरा डिफरेंस होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस रहने वाला है। तो वो टारगेट आपको रखना पड़ेगा, वो मार्जिन आपका ज्यादा होना चाहिए। मतलब हमेशा अपने लिए बेटा टारगेट ऊंचा से ऊंचा सेट करो, ताकि वो टारगेट थोड़ा सा भी मिस हो जाए तो आप ऑलरेडी बहुतों से आगे हो। तो टारगेट हमेशा ऐसा सेट करना जो आपको खुद के लिए अनअचीवेबल लगे। मैं अपना ऑनेस्टली बताऊं, मेरा टारगेट पढ़ते वक्त हर स्टेज पे हमेशा रैंक वन ही था। वो किस्मत अलग थी, कभी रैंक वन आई नहीं, टारगेट हमेशा रैंक वन बनाया था। वो ठीक है मिस हुई तो ठीक है, फिर भी आई वाज अ रैंक होल्डर, पर टारगेट हमेशा जो स्टडीज करी थी रैंक वन की करी थी। पर हाँ, कुछ कलीग्स या मेरे आसपास के दोस्तों की जरूर आ गई, किसकी रैंक वन है, पढ़ाई होगा तुमने, अरे मिले तो थे अभी, अरे नलायक को भी तो तुम मिले थे रैंक वन से, विजेंद्र अग्रवाल सर दो बार रैंक वन थी, सीए इंटर सीए फाइनल, ही वाज रैंक वन एट बोथ दी स्टेजेस। एक मेरी वाइफ की भी लकीली रैंक वन है, मेरी वाइफ थ्री टाइम्स ऑल इंडिया रैंक वन रह चुकी है, उनकी सीए वो मतलब शी वाज फ्रॉम एसआरसीसी, एसआरसीसी में उन्होंने टॉप किया था, ट्वेल्थ में शी वाज इंडिया टॉपर, मतलब ट्वेल्थ में उन्होंने आईसीएससी बोर्ड से इंडिया टॉप किया था। उसके बाद सीए इंटर में शी गॉट रैंक वन, सीए फाइनल या सॉरी सीएस एग्जी में शी गॉट रैंक वन, सीए फाइनल में शी गॉट रैंक वन, सीएस प्रोफेशनल में शी गॉट रैंक थ्री। तो मेरी कभी रैंक वन तो नहीं आ पाई, पर हाँ रैंक वन से फिर हमने शादी जरूर कर ली। चलो तो ये छोटी सी स्टोरी रही। चलिए एनीवेज, तो ये हमारे आज की क्लास का पहला टारगेट पूरा हुआ। किसी को भी सिलेबस रिलेटेड डाउट हो तो भाई, किसी को नाम की अगर क्यूरियोसिटी है तो इति अग्रवाल, शी इज माय वाइफ। ठीक, तो इति अग्रवाल, चलिए कभी मौका मिलेगा तो बैच में आपको मिलवा भी देंगे उनसे। चलिए फिलहाल के लिए सिलेबस के रिगार्डिंग किसी को भी अगर डाउट है भाई, लास्ट बार पूछ रहा हूं, नहीं तो आ जाए फिर आज की क्लास के दूसरे टारगेट पर। अरे आ जाए दूसरे टारगेट पर, टारगेट क्या था बच्चा, अरे टारगेट क्या था ये तो भूल गया, पढ़ना क्या था, दूसरा टारगेट क्या था नलायक को, लॉ। That is, अब थोड़ा सा काम कर लेते हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग भी इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज अभी तक तो बस ये सीखा था कि पढ़ना क्या है, पर अब थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लेते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट यहाँ पर डेवलप होगा कि लॉ एग्जैक्टली है क्या। और ये जैसे ये सेकंड टारगेट मीट होगा, आज की क्लास भी क्या हो जाएगी, ओवर। तो दिस इज द लास्ट टारगेट ऑफ टुडेज क्लास। तो लॉ या लॉ से रिगार्डिंग बेटा जब भी बात करने हम स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन बड़ा पिकअप होता है यहाँ पर। तो सबसे पहला सवाल और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट कम्स अप टू द माइंड इज कि अगर हम लीगल एरा की बात करें या लीगल अरीना की बात करें, तो इंडिया में अगर हम लीगली बात करते हैं तो हमारे देश में लीगली अगर हम देखें तो हमारे देश में सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन है, दैट इज व्हिच इज दैट अथॉरिटी जो सबसे सुप्रीम मोस्ट अथॉरिटी है, उससे आगे बढ़कर हमारे देश में कोई भी नहीं। माइक तैयार रखना। हाँ जी, क्या लग रहा है जी, हमारे देश की सबसे बड़ी अथॉरिटी आपके हिसाब से कौन है, मतलब जी उनसे बढ़कर हमारे देश में कोई भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट। एक जवाब है, चलो एक एक करके जवाब लिख लेते सबके। एक जवाब आया मेरे पास, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सबने नाम सुना होगा, जो हमारे टॉप नॉच कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। और आपको पता भी होगा सुप्रीम कोर्ट आज अगर कोई जजमेंट पास करता है तो इट बिकम्स अ लॉ ऑफ द लैंड, वो हमारे देश के लिए कानून भी बन जाता है और हर सबऑर्डिनेट कोर्ट उस जजमेंट को बाउंड हो जाता है फॉलो करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का एक और नाम भी रहता है क्या, किसी को आइडिया हो तो, एपेक्स कोर्ट। एपेक्स का मतलब भी होता है टॉप नॉच। तो सुप्रीम कोर्ट को आप कुछ आर्टिकल्स में लिखा हुआ पाएंगे, एपेक्स कोर्ट की तरह रेफर किया जाता है। कितने बच्चे कह रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट, ये हमारे देश की सबसे बड़ी अथॉरिटी है, द सुप्रीम मोस्ट अथॉरिटी। कितने बच्चे इस आंसर के साथ हैं, आई विल से हार्डली 5% ऑफ द क्लास। बस सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट, मतलब हमारी सरकार को भी क्या आप घसीटकर सुप्रीम कोर्ट के पास लेकर जा सकते हो, मतलब क्या आप सरकार को घसीट के सुप्रीम कोर्ट के पास ले गए, हो सकता है, बहुत बार होता है जी, बार बार होता है। आपने शायद एक केस सुना होगा, वोडाफोन का एक केस हुआ था कभी, है किसी को आइडिया, इनकम टैक्स में कभी वोडाफोन का केस हुआ था, वो सरकार को ही घसीट के कोर्ट में ले गए। चलो जी, वो सरकार को ले गए, हम भी क्या सरकार को घसीट कर कोर्ट में लेकर जा सकते हैं, यस। आज अगर सरकार कोई कानून बना दे
और वो कानून हमारे फंडामेंटल राइट्स को इंपैक्ट करता है। एज अ सिटीजन वी हैव दैट राइट कि हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और वो कानून भी हो जाएगा रद्द। तो आज सरकार अगर कोई ऐसा कानून बनाती है तो हम सरकार को बिल्कुल घसीट सकते हैं कटघरे में, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा। अब कितने बच्चों को लगता है जी सुप्रीम कोर्ट ही सबसे बड़ी अथॉरिटी लग रही है? एक बार फिर से, बस सुप्रीम कोर्ट इज द टॉप नॉच एपेक्स कोर्ट अथॉरिटी ऑफ आर कंट्री। ओके जी, कोई और आंसर? और कोई आंसर? चलो इस पे भी आएंगे। पार्लियामेंट, किसने बोला? चलिए एक आंसर आया जी मेरे पास, पार्लियामेंट। कि जी हमारे देश की जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है वो है हमारे देश की संसद, दैट इज द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया। कितने बच्चे कह रहे जी पार्लियामेंट हमारे देश की सबसे बड़ी अथॉरिटी है? संसद, जहां पर वो सारे आप देखते हैं नेता लोग बैठे रहते हैं, 1 2 3 4 बस। और जैसे ही मैं पार्लियामेंट वर्ड बोलता हूं एक और वर्ड मेरे दिमाग में आ जाता है, दैट इज गवर्नमेंट। सुना होगा, या मैं कहूं तो सीजी। सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। कितने बच्चे हैं कह रहे हैं जी नहीं पार्लियामेंट तो नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे देश की सबसे बड़ी अथॉरिटी होती होगी। मोदी जी, मोदी जी से बड़ा तो कौन है हमारे देश में? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ज्यादा बड़े हमारे देश में। अच्छा पहली बात, क्या पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई डिफरेंस है या एक ही बात है? अच्छा कितने बच्चे कह रहे सर पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग है, डिफरेंस है? कितने कह रहे नहीं सर इंटरचेंजेबल ही है, एक ही बात है, पार्लियामेंट सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट सब एक ही है। बाकी की क्या सलाह बनी? कैसा देख लो जैसा हमको क्या सलाह बना? क्या पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? अच्छा आप कह रहे हैं रूलिंग और अपोजिशन दोनों पार्लियामेंट में बैठते हैं, पार्लियामेंट में मोदी जी भी बैठे होते हैं राहुल गांधी भी बैठे होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में सिर्फ रूलिंग पार्टी होती है, मतलब बीजेपी आज के दिन में मैं कह सकता हूं। तो अगर आज बीजेपी के 300 एमपीज हैं तो 300 के 300 एमपी सरकार है, उसको सरकार बोलेंगे? दैट इज क्या पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिफरेंस है? चलो डिफरेंस तो है, क्या है सीख लेंगे आज की क्लास में, पर हाँ डिफरेंस है, दोनों को आप कभी भी इंटरचेंजेबली इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेमैन के तौर पर हम कह देते हैं कि सरकार पार्लियामेंट एक है, पर अगर आप लीगल सेंस में जाओगे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड आई वुड से लेस देन 5% ऑफ द क्लास इस आंसर के साथ है कि पार्लियामेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम मोस्ट अथॉरिटी है। हाँ जी, कोई कह रहा हूं मोदी जी हमारे देश की सबसे बड़ी अथॉरिटी है, उनसे बढ़कर तो कौन? कोई अमित शाह के साथ? कोई राहुल गांधी का फैन? कोई केजरीवाल जी के साथ हो? और ये डिस्कशन करते करते एक और अथॉरिटी आई, एंड दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कि जी अगर हम इंडिया के सुप्रीम मोस्ट अथॉरिटी की बात करें तो प्रेसिडेंट शुड बी द सुप्रीम मोस्ट अथॉरिटी, क्योंकि जी ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आर कंट्री। इनके साइन के बिना तो जी देश में कानून भी नहीं बन सकता। सिखा होगा शायद, ठीक है, कभी कोई बिल को एक्ट बनाना हो तो प्रेसिडेंट के दस्तखत लगते हैं, थोड़ा बहुत अगर कभी सुना हो तो। तो जी कितने बच्चे कह रहे हैं जी हमारे देश की अगर कोई सबसे बड़ी अथॉरिटी है तो वो प्रेसिडेंट ही है। अच्छा प्रेसिडेंट है कौन? चलो शुक्रिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, चलिए थैंक यू। तो शी इज आवर प्रेसिडेंट। कितने बच्चे कह सकते प्रेसिडेंट वो हमारे देश के सुप्रीम मोस्ट अथॉरिटी है? कोई प्रेसिडेंट के साथ? एक या पार्लियामेंट के साथ भी थे नहीं? अच्छा पीछे से भी दूर से एक आता है प्रेसिडेंट। चलिए जी, तो जी कुछ आंसर स्क्रीन पर आए, एक तो आ गया हमारा सुप्रीम कोर्ट, एक आ गई पार्लियामेंट, एक आ गई सेंट्रल गवर्नमेंट, एक आ गए प्रेसिडेंट, एक और आंसर जो आप में से मैक्सिमम दे रहे थे वो कौन सा दे रहे थे? संविधान, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दैट इज जो हमारे देश का संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वही हमारे देश की सबसे बड़ी अथॉरिटी भी है। कितने बच्चे इस आंसर के साथ हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। चलो आई वुड से मोर देन 90% ऑफ द क्लास इसी आंसर के साथ है, एंड इवन यूट्यूब पे भी काफी स्टूडेंट्स राहुल हिमांशु एंड शिप्रा भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ थी, सक्षम प्रेसिडेंट के साथ थे, ओके, जानवी सुप्रीम कोर्ट एंड प्रेसिडेंट दोनों के साथ थे, नलायक चलिए बाद में चेंज करके प्रेसिडेंट, ओके। ध्यान रखना बेटा हमारे देश की अगर कोई सबसे बड़ी अथॉरिटी है तो वो है हमारे देश का संविधान। संविधान से बढ़कर हमारे देश में कुछ भी नहीं है, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, संविधान से बढ़कर हमारे देश के अंदर कुछ भी नहीं। हमारे देश का संविधान वो सबसे सुप्रीम मोस्ट अथॉरिटी है। रीजन बीइंग हमारे देश में एक पार्लियामेंट होगी, हमारे देश में एक सरकार होगी, हमारे देश में एक प्राइम मिनिस्टर होंगे, एक प्रेसिडेंट होंगे, ये सब चीजें लिखी कहां पर है? संविधान में। ध्यान रखना जी ये सब कुछ या हर अथॉरिटी जितने भी नाम आपने सुने हैं वो सब अपनी पावर्स ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे देश की जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है वो है हमारे देश का संविधान। संविधान से बढ़कर हमारे देश में कुछ भी नहीं है।
ध्यान रखना भाई, संविधान इट्स द सुप्रीम मोस्ट अथॉरिटी, इज दिस क्लियर? तो सवाल उठता है जी, संविधान बनाया किसने, और जिसने बनाया उसकी अथॉरिटी तो संविधान से भी बड़ी। सवाल समझ में आया कि जी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने, और जिसने संविधान बनाया है उसकी अथॉरिटी तो संविधान से भी बड़ी। या भगवान श्री कृष्ण जी किसी दिन धरती पर आए थे और कहते लो ये है आपका संविधान, ऐसे इसको फॉलो करना, तो भगवान ने तो जी बनाया नहीं है, तो क्या लग रहा है जी, संविधान अगर बनाया है तो किसने बनाया, और जिसने बनाया उसकी अथॉरिटी तो संविधान से भी बड़ी। बताइए जी किसने बनाया हमारा संविधान? तो जी एक आंसर आप में से काफी बच्चे दे रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक, दैट इज डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी। आप कह रहे जी इन्होंने, भीमराव अंबेडकर जी इन्होंने हमारे देश का संविधान बनाया है। तो जी इन्होंने संविधान रचा जरूर है, बिकॉज ये हमारे संविधान के रचयिता है। तो जब हमारा देश आजाद होने वाला था, हमारे देश का जो संविधान बनाने के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, बेसिकली जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश का संविधान लिखा जाना था, संविधान लिखे जाने के लिए कुछ कमेटीज बनी थी, उसमें थी एक ड्राफ्टिंग कमेटी जो हमारे देश का संविधान ड्राफ्ट करने वाली थी। उस कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी, वो उस टाइम पर हमारे लॉ मिनिस्टर भी थे, और उस कमेटी का हेड उन्हें अपॉइंट किया गया था, और उन्होंने वो संविधान लिखा, रचयिता थे। तो इसलिए इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने वो संविधान लिखा। तो रचयिता जरूर है डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी, इसमें कोई भी डाउट नहीं, पर उन्हें यह संविधान लिखने की पावर किसने दी? और पावर ऐसी दी गई कि उन्होंने जो संविधान लिखा वो दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, दैट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। मतलब उन्होंने इतना कॉम्प्लेक्स एक संविधान लिखा जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित एक संविधान भी है। तो जी बी आर अंबेडकर जी को वो अथॉरिटी किसने दी? कॉन्स्टिट्यूशन ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। तो बच्चे ने कहा सर उन्हें ये अथॉरिटी मिली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। अब सर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? बिल्कुल ठीक कह रहे बेटा, बिल्कुल सही जवाब दिया कि जी बी आर अंबेडकर जी को जो ये अथॉरिटी मिली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से मिली थी। पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जैक्टली है क्या, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को यह अथॉरिटी कैसे मिली? चलो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मैं सिंपली आपके लिए कह देता हूं एक तरीके की पार्लियामेंट, आप समझ लीजिए कि पार्लियामेंट को ही हम क्या नाम दे रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दैट इज संविधान बनाते समय हमारे देश का जो संसद थी, जो पार्लियामेंट थी, उसे हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नाम दिया, और उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जिनका हेड उन्होंने डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी को बनाया, जिन्होंने वो संविधान लिखा। पर जी हमारे देश के उस पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी किसने दी? तो ध्यान रखना जी हमारे देश का संविधान किसने लिखा है? हम सबने। हमने क्या बात कर रहे हो, हमने संविधान लिखा है? जी यस, हमारे देश का जो संविधान है बेटा, संविधान लिखने की जो अथॉरिटी है वो दी गई है देश की जनता के द्वारा। That is we the people of India. हम सब ने मिलकर हमारे देश का संविधान लिखा, और यह बात संविधान में एकदम स्टार्टिंग में मेंशन भी है। अगर मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा अगर दिखाऊं, लेट मी जस्ट शो यू, तो यह बेटा हमारे देश का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बड़ा छोटा सा यह संविधान है, अगर आप देखेंगे इन टोटेलिटी 404 पेजेस का यह कॉन्स्टिट्यूशन है। तो बेटा 404 पेजेस का यह संविधान है, यहां पर आपके काफी सारे आर्टिकल्स भी आते हैं। और जब भी बच्चों आप कोई कानून पढ़ते हो, जैसे आप संविधान पढ़ रहे हो, इसके बाद आप कुछ कानून भी पढ़ोगे, कानून के स्टार्टिंग में या संविधान के स्टार्टिंग में आपको एक टर्म देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं प्रीएम्बल। सुना है किसी ने कभी? प्रीएम्बल में आपको क्या बताया जाता है? उस कानून का बेसिक ऑब्जेक्टिव, पर्पस, स्कोप, ये सब उसके प्रीएम्बल में लिखा जाता है। तो लाइकवाइज बच्चों हमारे संविधान का भी एक प्रीएम्बल है, दैट इज जब संविधान लिखा गया इसके स्टार्टिंग में एक प्रीएम्बल दिया गया। ये तो इसका इंडेक्स ही चल रहा है अभी। चलिए ये आया जी हमारे संविधान का प्रीएम्बल, जहां पे शुरू शुरू में बताया जाएगा कि ये संविधान लिखा किसने है। पढ़ना शुरुआत के कुछ वर्ड्स, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखना जी संविधान लिखा है हम सबने, दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया, हैविंग सोलमली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन टू अ सोवर्न सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू इन्योर टू इट्स सिटीजन ऑल दीज बेनिफिट्स, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा, पर अगर आप देखोगे तो यहां पर जो संविधान लिखने की अथॉरिटी है या संविधान लिखा किसने, तो किसने लिखा? हम सबने। और हम सबने ये संविधान लिख करके खुद को ये संविधान दिया है, दैट इज इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में
हम इस संविधान को कर रहे हैं अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज, हम सब ने ही यह संविधान लिखा है और इस संविधान लिखकर हम खुद को यह संविधान दे रहे हैं। और संविधान बेटा लिखा किस दिन गया था? संविधान लिखा किस दिन गया था? ध्यान रखना बेटा, संविधान लिखकर तो तैयार हो गया था आपका 26 नवंबर 1949, ठीक, 26th of November 1949। और इसके कुछ कुछ आर्टिकल्स, कुछ कुछ प्रावधान इसी दिन फोर्स में आ गए थे, पर इसके मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविजन किस दिन फोर्स में आए थे, जिसे हम अपने संविधान का एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन डेट भी बोलते हैं, कब? 26 जनवरी 1950, जिसे हम अपने रिपब्लिक डे की तरह भी मनाते हैं। तो ये संविधान का लागू होना, इट्स सच अ बिग इवेंट कि इसे हम अपने देश में एज अ रिपब्लिक डे भी करते हैं सेलिब्रेट। तो मैक्सिमम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन लागू हुआ था, कुछ कुछ आर्टिकल्स इसके 26 नवंबर 1949 को बनकर अप्लाई कर दिए गए थे, पर मेजॉरिटी 26 जनवरी से। तो हम सबने मिलकर के हमारे देश का संविधान लिखा। सर हमने तो नहीं लिखा, हमसे कुछ कौन पूछने आया कि संविधान लिखना? तो ये कैसे डिसाइड हुआ? ये कौन सी मीटिंग थी जिसमें हमें नहीं बुलाया गया? क्या लग रहा है भाई, हम अपने देश का संविधान कैसे लिखते हैं और ये हम पर कैसे लागू होता है? बेटा यही डिस्कशन अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बड़ा ध्यान से इस बात को आप समझिएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, और ये किसी भी कानून को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो लेट्स सपोज, सोचो ये है हमारा भारत देश, कोई भी हंसेगा नहीं, मेरी ड्रॉइंग कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, हाँ पहले ही कैवियट दे रहा हूं मैं। चलो तो जी, लेट्स सपोज ये है हमारा भारत देश और हम सब मिलकर के अपना देश बनाते हैं, और आज हमें डिसाइड करना है कि हमें अपने देश को चलाना कैसे है, और हम सब आज अपने देश का संविधान लिखने वाले हैं। बेटा क्या ये चीज पॉसिबल है कि देश के हर देशवासी से इंडिविजुअली जा जाकर हम पूछें कि संविधान सही बना है या नहीं, इसमें जो लिखा है वो ठीक है या नहीं? इज दैट प्रैक्टिकली पॉसिबल? नहीं। तो इसलिए हमने क्या किया, इसलिए बेटा हमने अपने देश के किए छोटे छोटे टुकड़े, ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन हमने अपने देश का विभाजन किया छोटे छोटे टुकड़ों में, और हमने अपने देश को छोटे छोटे टुकड़ों में किया डिवाइड, और हर टुकड़े को बेटा हमने क्या नाम दिया, हर टुकड़े को हमने बोला सीट, और हमने इस टुकड़े में रहने वाले जितने भी लोग थे, दैट इज जितने भी लोग यहां पर रह रहे हैं, व्हाटएवर पीपल आर स्टेइंग हियर, हमने इन सब लोगों से एक बात कही, हमने कहा जी आज देखो हमें अपने देश को चलाना है, हमारा देश अब आजाद हो गया है, हमें डेमोक्रेटिक कंट्री चलानी है जहां पर लोगों के द्वारा ये देश चलाया जाना है, तो आप सब मिलकर के काम करिए, आप सब मिलकर के अपना एक रिप्रेजेंटेटिव करिए इलेक्ट, दैट इज आज आप सब मिलकर के अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनिए, और जो भी बात आप सब कहना चाहेंगे आपका ये रिप्रेजेंटेटिव आपके बिहाफ पर आपकी बात को आगे पहुंचाएगा, दैट इज ये रिप्रेजेंटेटिव आज आपकी आवाज है, आपको जो जो बात कहनी है ये रिप्रेजेंटेटिव आपकी बात को आगे पहुंचाएगा। और इस रिप्रेजेंटेटिव को बच्चों हमने नाम क्या दिया, क्या नाम दिया? एमपी। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जी इस तरीके से हमने अपने देश के छोटे छोटे टुकड़े किए, और हर टुकड़े में रहने वाले लोगों से कहा कि आप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनिए, और जो ये रिप्रेजेंटेटिव है ये आपकी आवाज है, ये आपकी बात को आगे तक लेकर जाएगा। लोगों ने कहा जी हमने रिप्रेजेंटेटिव तो इलेक्ट कर दिया, हमें आशंका थी कि वो हमारी बात को अच्छे से आगे लेकर जाएगा, पर अगर वो हमारी बात को आगे अच्छे से नहीं लेकर जा रहा, हमें अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो हम क्या करें? क्या ये जिंदगी भर के लिए अपॉइंट हो जाएगा? नहीं। हमने कहा जी चिंता मत करो, हर 5 साल में आपको मौका दिया जाएगा इस रिप्रेजेंटेटिव को बदलने का, क्योंकि जी क्या हमारे देश में हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं? Yes, तो जी आपको मौका दिया जाएगा कि आप हर 5 साल के बाद इस रिप्रेजेंटेटिव को बदल भी सकते हो, तो अगर ये रिप्रेजेंटेटिव आपको अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, आप इसे बदलिए, और ये एमपी आपकी आवाज को आगे लेकर के जाएगा। और इस तरीके से बेटा हमने अपने देश के किए कितने टुकड़े, 552, दैट इज हमने 552 छोटे छोटे टुकड़े किए, और हर टुकड़े से एक रिप्रेजेंटेटिव उठ करके आया जो पूरे के पूरे देश की जनता को करता है रिप्रेजेंट। और बच्चों जब इन 552 टुकड़ों से उठ करके कितने एमपीज आए, 552, इन एमपीज ने मिलकर क्या बनाई हमारे देश की, क्या बनाई हमारे देश की, लोकसभा, नॉट राज्यसभा, क्या बनाया, लोकसभा, या जिसको हम क्या कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल या लोकसभा। इसे क्यों बोला गया, क्योंकि ये लोगों द्वारा बनाई गई है, हम सबने मिलकर के इलेक्शन के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव को आगे भेजा, और आज ये सारे 550 एमपीज मिलकर हमें करते हैं रिप्रेजेंट। मतलब जो ये बात ये 550 एमपीज बोलते हैं, ये बात पूरा देश बोल रहा है, ये माना जाता है। वैसे लोकसभा में बेटा टोटल सीट 552 ही हो सकती है, द मैक्सिमम सीट्स कैन बी 552, करंटली इसमें सीट जो है वो है 545,
दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल सीट्स आर 552, करेंटली जो एग्जिस्टिंग सीट्स हैं वो 545 है, वो हमारा डिस्कशन नहीं है। अब सिंपली बस इतना समझना, लगभग 550 टुकड़े हमारे देश के हुए और हम आगे अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं और ये एमपी हमें आगे करते हैं रिप्रेजेंट, और दिस इज हाउ हमारे देश की लोकसभा का किया गया गठन। और लोकसभा में ये 550 एमपी पूरे के पूरे देश को कर रहे हैं रिप्रेजेंट। पर बेटा जैसी मैंने लोकसभा बोला, लोकसभा जैसी शायद एक और सभा है हमारे देश में, कौन सी? राज्यसभा। तो बेटा लोकसभा के मेंबर्स को तो हम क्या कहते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा के मेंबर्स को हम क्या कहते हैं? अच्छा, लोकसभा में तो 550 सीट है, राज्यसभा में कितनी सीट है? चलो मैक्सिमम हो सकती है 250, करेंटली है 245। ठीक, मैक्सिमम 250 पॉसिबल है, करेंटली 245 है। टू कीप द डिस्कशन लाइट, लेट्स प्रिज्यूम इट टू बी 250। तो राज्यसभा में लगभग 250 सीट्स हैं। तो ये लोकसभा के मेंबर्स को तो हम कहते हैं एमपी, राज्यसभा के मेंबर्स को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कितने बच्चे कह रहे हैं? एमएलए। राज्यसभा के मेंबर्स को एमएलए बोलते हैं, बाकी की क्या सलाह बनी? एमएलसी। बच्चे कह रहे एमएलसी क्या है? ये क्या भाई, उससे पूछो, मैंने थोड़ी ना बोले, उससे पूछो, मेरे को क्या पता एमएलसी क्या भाई? नहीं पता। विधानसभा, एमएलए और एमएलसी में भी डिफरेंस, बोल तो ठीक रहे हो, सीखोगे, ये बात भी आ जाएगी। चलो एनीवेज, राज्यसभा के मेंबर्स को भी बेटा हम क्या कहते हैं, ध्यान रखना, एमपी। चाहे आप लोकसभा के मेंबर हैं चाहे राज्यसभा के मेंबर है, दोनों को क्या बोला जाता है? एमपी। और जो ये लोकसभा है बेटा और जो राज्यसभा है, साथ में अगर आप प्रेसिडेंट को और क्लब कर दें, इन तीनों को हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। ये तीनों क्या है? पार्लियामेंट। तो जब भी आपके सामने एक वर्ड आता है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कौन कौन आएगा? लोकसभा, राज्यसभा एंड दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये तीनों मिलकर पार्लियामेंट बनाते, तभी इनके मेंबर्स को क्या कहा जा रहा है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कीजिए, पार्लियामेंट के मेंबर है, तो दीज आर दी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बिकॉज पार्लियामेंट इनसे बनी है। सवाल उठता है, सर लोकसभा में 550 एमपी से हमने चुने, फिर राज्यसभा एग्जैक्टली क्या है और राज्यसभा के एमपी का गठन कैसे होगा? बेटा जो सिखा रहा हूं अगले 1 घंटे तक, बड़े तरीके से समझना, क्योंकि अगर ये डिस्कशन आपने नहीं सीखा ना, जिंदगी भर आप किसी भी लॉ को पढ़ने के बेसिक्स को बीट नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ लॉ के प्रोविजन में तो चले जाओगे, पर अगर किसी कानून को क्वेश्चन करने की अथॉरिटी आपको चाहिए कि आप किसी कानून पर भी सवाल उठा पाओ, तो डिस्कशन आपकी उस चीज में हेल्प करेगा। प्लीज बताइए, राज्यसभा के एमपी कैसे आते हैं, कैसे चुने जाते हैं? लोकसभा से, हमने लोकसभा में भेज दिया, लोकसभा वाले किसको भेज देंगे आगे? एकदम बकवास। स्टेट में से, कितने बच्चे कह रहे सर स्टेट से उठकर एमपी का सिलेक्शन होता है राज्यसभा में? 1, 2, 3। बाकी की क्या सलाह बनी? सर हम सलाह नहीं बना पाएंगे, बस ये मत कहा करो आप। चलिए समझते हैं इस चीज को। तो जी लोकसभा के एमपी को किसने इलेक्ट किया? पब्लिक ने। जो राज्यसभा है बेटा, राज्यसभा के एमपी भी कौन इलेक्ट करती है? पब्लिक। पर पब्लिक कभी भी ना डायरेक्टली राज्यसभा के एमपी को इलेक्ट नहीं करती, पब्लिक राज्यसभा के एमपी को करती है इनडायरेक्टली इलेक्ट। इनडायरेक्टली सर कैसे? क्योंकि बेटा एक तो है हमारा भारत देश, और भारत देश में सेंटर लेवल पर तो आपकी चलती है पार्लियामेंट, पर जब हमारा देश बनाया गया, हमारा देश यूनिटरी स्ट्रक्चर पर नहीं बना, हमारा देश बना फेडरल स्ट्रक्चर पर, क्योंकि यहां पर फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब यहां पर सेंटर लेवल पर भी सरकारें होंगी, और क्या स्टेट लेवल पर भी सरकारें हैं? यस, क्योंकि देश बनने से पहले देश के बहुत छोटे 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 टुकड़े थे, हमने उन सब टुकड़ों को मिलाकर अपना एक यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाया था, इसलिए हमें उन स्टेट्स की भी रिस्पेक्ट करना जरूरी था, तो हमने फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट फॉलो किया। और जब हम फेडरल स्ट्रक्चर पर आए, सेंटर लेवल पर तो हमने बना दी पार्लियामेंट, पर स्टेट लेवल पर हमने क्या बनाया? फॉर एग्जाम्पल स्टेट लाइक दिल्ली, फॉर एग्जाम्पल यूपी, यहां पर हमने क्या बनाई? स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली। दैट इज हमारे देश में आपको दो टाइप की सरकारें देखने को मिलेंगी, एक तो जो सेंटर लेवल पर ऑपरेट करती है और एक जो स्टेट लेवल पर ऑपरेट करती है। सेंट्रल लेवल पर किसकी सरकार चल रही है? अरे नायको, किसकी सरकार चल रही है? बीजेपी की। दिल्ली की अगर बात करें तो केजरीवाल की, आप आम आदमी पार्टी। यूपी की बात करें तो अगेन बीजेपी, योगी जी बैठे हैं वहां पर। तो हमारे देश में सेंटर लेवल पर भी गवर्नेंस है, स्टेट लेवल पर भी गवर्नेंस है, क्योंकि हमारा देश फेडरल स्ट्रक्चर पर काम करता है। तो सेंटर लेवल पर तो पार्लियामेंट है, जिसमें आई आपकी लोकसभा। लोकसभा के एमपी को किसने डायरेक्टली चुना? हमने, पब्लिक ने। दैट इज लोकसभा के हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। पिछले इलेक्शन कब हुए थे? 2019 में, और अब कब होने हैं? 2024। तो 2024 में जब आप वोट डालेंगे,
आप किसी स्टेट के लिए वोट डाल रहे होंगे, सेंटर लेवल पर मोदी जी राहुल गांधी इनके लिए वोट डालोगे सेंटर लेवल पर, क्योंकि आप लोकसभा के इलेक्शन में करोगे पार्टिसिपेट। तो 2024 में आप लोकसभा के इलेक्शन में करेंगे पार्टिसिपेट। साथ में यहां पर बच्चों जो राज्यसभा आ रही है इसको हम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन हम किसका करते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिल्ली से हैं, आपको दो बार वोट डालने का मौका मिलता है, एक तो सेंटर लेवल के इलेक्शन में, पर क्या दिल्ली के इलेक्शंस अलग से भी चलते हैं? यस। क्या हरियाणा के इलेक्शंस अलग से चलते हैं? यस। क्या यूपी के इलेक्शन अलग से चलते हैं? यस। और आप वहां पर भी वोट डालते हो। फॉर एग्जाम्पल जब दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में इलेक्शन चला, उस समय आपने किस चीज के लिए वोट किया था? स्टेट लेजिस्लेशन के लिए, कि जी हमारा स्टेट कैसे चलेगा। और यहां पर जो इलेक्शन होता है इसको भी कौन करती है? पब्लिक डायरेक्टली। और जी जो भी लोगों को आप चुनकर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजते हो उनको हम क्या बोलते हैं, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को क्या बोलेंगे? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो स्टेट की वो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें जब आप मेंबर चुनकर भेजते हो उन्हें हम बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। पर जी कुछ स्टेट्स ना इतने बड़े होते हैं, जैसे सेंटर में तो लोकसभा और राज्यसभा है, दिल्ली में सिर्फ एक ही हाउस है, पर यूपी एक बड़ा स्टेट है, वहां पर दो हाउसेज होते हैं, वहां पर भी डिवीजन है। तो वहां पर जहां आपको दो हाउसेस देखने को मिलते हैं ना, वहां पर एमएलए ना बोलकर हम क्या बोलते हैं? एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ठीक, तो आपने जो बोला था एकदम ठीक बोला था, बस वहां एमएलए ना होके एमएलसी। किसी ने अगर बचपन में पढ़ाओ, एक तो होती है स्टेट की विधानसभा, एक होती है स्टेट की विधान परिषद। तो दिस इज द डिफरेंस एमएलए एंड एमएलसी। हम इजीनेस के लिए बोल देते हैं एमएलए। तो जी एज अ सिटीजन हमें किस किस के इलेक्शन का अधिकार मिलता है? एक तो लोकसभा के एमपीज कौन चुनेंगे, पर जवाब आना चाहिए, ऐसे मजा नहीं आता। लोकसभा के एमपी कौन चुनेंगे? हम। स्टेट में जो एमएलए का चयन होना है वो कौन करेगा? हम। अब जी बात है राज्यसभा, राज्यसभा के जो एमपीज हैं वो हम डायरेक्टली नहीं चुनते, उन्हें कौन भेजते हैं? स्टेट्स, क्योंकि उसका नाम ही क्या है, राज्यसभा, हाउस ऑफ स्टेट्स। तो जो राज्यसभा में 250 एमपी हैं उनका चयन कौन करते हैं? एमएलए। तो हम जो एमएलए चुनके भेजते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में भेजते हैं। तो बड़े सिंपल से सवाल का जवाब देना, आज अगर मोदी जी चाहते हैं कि लोकसभा में उनकी मेजोरिटी हो, तो क्या अगर वो सेंटर लेवल का इलेक्शन जीत जाएं, क्या लोकसभा में उनकी मेजोरिटी हो जाएगी? अरे अगर सेंटर लेवल का इलेक्शन जीत जाएं, क्या लोकसभा में मेजोरिटी हो जाएगी? बिल्कुल, आप डायरेक्टली चुन रहे हो। पर अगर मोदी जी को राज्यसभा में मेजोरिटी चाहिए, क्या उन्हें पब्लिक से डायरेक्टली वोट मिलकर राज्यसभा की सीट्स मिल सकती है? राज्यसभा में अपनी मेजोरिटी बनाने के लिए मोदी जी को क्या करना पड़ेगा? सारे स्टेट्स के इलेक्शन धीरे धीरे जीतने पड़ेंगे। जैसे जैसे वो स्टेट्स में इलेक्शन जीतते जाएंगे, राज्यसभा में उनकी मेजोरिटी बढ़ती जाएगी। तो राज्यसभा में अगर आपको अपने एमपी को पहुंचाना है तो उसका रास्ता डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली एमएलए के द्वारा उसका चयन होता है। पर चाहे जी एमपी हो चाहे एमएलए हो, सबके इलेक्शन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोल है किसका? पब्लिक का। तो हम सब मिलकर अपने देश की पार्लियामेंट बनाते हैं, हम सब मिलकर अपने देश की लेजिस्लेटिव असेंबली बनाते हैं। हम सब ने मिलकर जब अपने देश की पार्लियामेंट बनाई, उस पार्लियामेंट का नाम क्या रखा गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और उन्होंने हमारा संविधान लिखने की पावर किसको दी थी? डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी। तब मिलकर के उन्होंने क्या लिखा? संविधान। तो क्या हम सबने अपने आप को वो संविधान दिया है? यस। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, बिकॉज वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो हमने खुद को यह संविधान दिया है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हां जी, कोई डाउट यहां तक? चलिए, तो इस तरीके से हम सब ने मिलकर अपने देश का यह संविधान बनाया। और इस टाइप से हम फेडरल स्ट्रक्चर पर चलते हैं, सेंट्रल लेवल भी, स्टेट लेवल भी। चलिए जी, अब सवाल उठा जी, संविधान तो अपने देश का बन गया, देश आजाद हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपने देश का बना दिया और आज संविधान बनकर रेडी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रेडी। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन जब हम लिख रहे थे, अब कॉन्स्टिट्यूशन लिखते वक्त संविधान के रचयिताओं को एक बात समझ में आई कि जी क्या किसी भी देश को चलाने के लिए वहां पर कायदे कानूनों का होना जरूरी है? क्यों जरूरी है? देश में कायदे कानून क्यों हो, लॉज क्यों हो, वाई इज दैट नेसेसरी? फॉर एग्जाम्पल बेटा, आज आप कोचिंग ज्वाइन करने आए हो, लेट्स, हाँ जी, कोई डाउट है? हाँ बताओ बताओ। लास्ट स्टेप, उसमें मैंने क्या कहा, हम सब ने एज पब्लिक मिलकर किसका इलेक्शन किया? लोकसभा का। हम सब ने मिलकर किनको चुना? एमएलए को, स्टेट लेजिस्लेटिव। एमएलए ने हमारे बिहाफ पर किसको आगे भेजा? राज्यसभा के एमपी को। लोकसभा और जो ये राज्यसभा थी, इनको मिलाकर के हमने क्या कहा, हमारे देश की ये क्या थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए बहुत सारी कमेटीज बनाई, उसमें से एक कमेटी कौन सी थी? ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी। तो हमने असेंबली बनाई, पार्लियामेंट बनाई, उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई,
उन्होंने बी आर अंबेडकर जी को यह पावर दी, फिर उन्होंने संविधान लिखा जिसको हमने अडॉप्ट किया। हाँ हाँ, अगर देखो राज्यसभा के आप इलेक्शन प्रोसीजर में जाना चाहोगे वो थोड़ा सा होता है कॉम्प्लिकेटेड, डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा, पर जब हम एमएलए को इलेक्ट कर देते हैं ना तो ऐसा नहीं होता कि राज्यसभा का एमपी इमीडिएटली चेंज होता है। राज्यसभा में वोटिंग का प्रोसीजर कैसे चलता है, वहां पर आपके हर 1/3 ऑफ द एमपी हर 2 साल बाद बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/3 2 साल बाद, फिर 1/3 2 साल बाद, फिर 1/3 2 साल बाद, तो वहां पर जो एक सिंगल एमपी होता है उसका टेन्योर चलता है 6 साल का, क्योंकि आज अगर आप अपॉइंट हो गए तो 2-2 साल के गैप के बाद आपका नंबर आएगा। तो जब 2 साल बाद ये 1/3 एमपी चेंज हो रहे होंगे तो जिस भी स्टेट के ये 1/3 एमपी होंगे उस मोमेंट पर उस स्टेट में जिसकी सरकार होगी वो अपना एमपी भेज देगा। तो राज्यसभा का इलेक्शन प्रोसेस ही अलग है, वहां पर 1/3 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन चलता है, उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। हम चुनते हैं राज्यसभा, हम डायरेक्टली नहीं चुन रहे, हमने एमएलए को डायरेक्टली चुना, इनडायरेक्टली हमने किया ऑब्वियसली। हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और पार्लियामेंट में बेसिक सा डिफरेंस आप ये समझना कि जब देश को आजाद करने की बात उठी तो संविधान तो बना कब, 1950 में, पर क्या उससे पहले भी हमारा देश चल रहा था? यस, हमारा देश उस समय चल रहा था, एक एक्ट अंग्रेजों ने पास किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और उससे हमारा देश होता था गवर्न। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना तो जो हमारे आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे उन्होंने अंग्रेजों के ऊपर प्रेशर बनाना स्टार्ट किया, उन्होंने कहा जी अब देश ऐसे नहीं चलेगा, हमें आजादी चाहिए। और जब आजादी की बात आई ना तो अंग्रेजों उस समय तक पार्लियामेंट बना चुके थे, मतलब आप ये समझना देश आजाद होने से पहले देश में इलेक्शंस हो रहे थे, और वो इलेक्शन जो करवा रहे थे कौन करवा रहे थे, ब्रिटिशर्स करवा रहे थे, और उन्होंने अपनी पार्लियामेंट बना रखी थी। तो जब ये हवा तेज हुई कि जी देश को आजाद करना है आजाद करना है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड बाकी पॉलिटिशियंस ने आगा लिया और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, मतलब वो जब पार्लियामेंट उस समय गठन की गई उनका बेसिक एजेंडा क्या बना कि अब देश को आगे कैसे चलाना है, क्योंकि अंग्रेज तो चले जाएंगे। तो उन्होंने पहला विजन क्या सेट किया, सबसे पहले हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को स्क्रैप करना पड़ेगा क्योंकि ये तो ब्रिटिशर्स का बना है, इससे देश नहीं चल सकता। और उन्होंने अपना प्राइम एजेंडा किस चीज को रखा, संविधान बनाने को। तो दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था। बहुत ज्यादा तो डिटेल में जाऊंगा तो बहुत पूरी हिस्ट्री है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, क्राउन रूल है, पर नहीं अभी हमें बस पॉलिटिकल सिस्टम समझना है, उतना समझ में आ गया, आई होप बात बनी होगी। आज और कोई डाउट यहां तक या चले आगे? चलिए, तो दिस इज आवर बच्चों, हमने अपने देश की पार्लियामेंट का गठन किया। सवाल क्या चल रहा था सर, वो तो नहीं ध्यान, सुप्रीम कोर्ट, सवाल क्या था, सवाल क्या था, संविधान तो बन गया, कायदे कानूनों की जरूरत क्यों है? फॉर एग्जाम्पल बेटा, कायदे कानूनों की जरूरत क्यों पड़ती है, उसका पहला एग्जाम्पल क्या है, आज आप कोचिंग लगाने आए, लेट सपोज आपने एडवांस फीस दे दी सारी की सारी, और उसके बाद मैं आपको कोचिंग देने से मना कर दूं, क्या करोगे लीगली, क्या करोगे लीगली, तो पता नहीं तुम्हारा क्या कर दोगे लीगली, क्या करोगे, केस करोगे, केस करने के लिए कानून होना चाहिए, क्या कोई कानून है ऐसा जिसके तहत जाकर केस कर सकते हो, कौन सा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ना होता क्या केस कर पाते, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ना होता तो क्या आप किसी भी कोर्ट में जाकर कह सकते थे जज साहब इस कानून में लिखा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और देखो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, हमें डैमेजेस दिलाओ, नहीं। तो अगर ये कायदा होता ही नहीं आपको ये रिलीफ नहीं मिल पाता। आज आप सड़क पर जा रहे हो और कोई जानबूझकर आपकी गाड़ी में अपना ट्रक घुसा दे, क्या आपके पास उसके अगेंस्ट डैमेजेस लेने के लिए रास्ता होना चाहिए? आज कोई चोर आपके घर पे चोरी कर रहा है, क्या उससे भी बचने के लिए कायदा कानून होना चाहिए? यस, तो देश में कायदे कानून होने तो बड़े जरूरी है, कायदे कानून नहीं होंगे तो देश में क्या मच जाएगा, देश चल ही नहीं पाएगा। तो अब संविधान के रचयिताओं को एक बात समझ में आई कि जी देश को अगर चलाना है तो लॉज का होना बड़ा जरूरी है। तो अब संविधान ने आगे क्या स्टोरी बनाई, उसने कहा जी देश के अंदर कायदे कानून होने बड़े जरूरी है, तो अब ये कायदे कानून हम बनाएंगे कैसे? तो जी कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा हमें अब लॉ बनाना है, तो लॉ बनाने या लॉ को अच्छे से रन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 aspects पर फोकस डाला। सबसे पहले तो संविधान ने यह बताया कि जी लॉ बनाएगा कौन, दैट इज लॉ लिखने की पावर किसकी होनी चाहिए, दैट इज हु विल लेजिस्लेट द लॉ। तो हमारे देश में कानून बनाने की पावर संविधान किसे दे, पहली बात। दूसरी बात आई जी संविधान कानून बनाने की पावर तो दे देगा कि जी कानून बन तो जाएगा, पर कानून बन गया उसके बाद उस कानून को चलाएगा कौन? फॉर एग्जाम्पल अगर एक एक्ट आज बनके रेडी हो गया, फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट, अब वो एक्ट एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पर फॉलो हो रहा है या नहीं, कोई कानून को तोड़ रहा है तो उस पर फाइन लगाया जाए, जेल में डाला जाए, उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर है या नहीं, तो उसको चलाने की जिम्मेवारी संविधान कह रहे किसको दूं। एंड लास्टली कानून बना भी दिया, कानून चलाने की पावर भी दे दी, पर जी फाइनली अगर उस कानून की इंटरप्रिटेशन में कोई दिक्कत आ जाए, किसी को जेल डालना है या नहीं डालना,
फाइन लगाना है या नहीं लगाना, तो कानून की इंटरप्रेट करने में कौन हेल्प करे? तो उसके लिए हमारे संविधान ने हमारे गवर्नेंस के लिए ये तीन ऑर्गन्स बनाए। उन्होंने कानून बनाने की पावर किसी और को दी, कानून चलाने की पावर किसी और को दी, और कानून को इंटरप्रेट करने की पावर किसी और को दी। सबसे पहला सवाल उठता है जी, आपके हिसाब से संविधान ने कोई भी एक्ट बनाने की पावर किसे दे रखी होगी? हाँ जी, आपके हिसाब से कानून बनाने की पावर किसके पास होती होगी? पार्लियामेंट के पास। कितने बच्चे कह रहे सर पार्लियामेंट कानून बनाती है? पार्लियामेंट इज द वन दैट मेक्स लॉ। हार्डली 30% ऑफ द क्लास। बाकियों के हिसाब से कानून कौन बनाती होगी और कौन बना सकता है आपके हिसाब से? बाकियों की क्या सलाह बनी? अच्छा चलो, इस चीज का जवाब आपके पास नहीं है। कानून बनता कैसे है इसका जवाब जरूर होगा। तो जी आज कोई भी एक्ट बनता है तो सीधा एक्ट बन जाता है, पहले उसका ड्राफ्ट बनता होगा। उस ड्राफ्ट को हम क्या कहते हैं? उस बिल को कहां कहां पास कराना पड़ता है जी? और फिर और नलायक लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट कौन है? तो कानून कौन बनाता है और यह बात कहां पे लिखी है? संविधान। तो संविधान ने कह दिया जी कि हम कानून बनाने की पावर दे रहे हैं पार्लियामेंट को। दैट इज पार्लियामेंट इज द वन दैट मेक्स लॉ। तो आज देश में अगर कोई भी कानून बनाना है, पार्लियामेंट हैज दैट पावर एंड पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन। और पार्लियामेंट में बेटा लोकसभा भी आती है, राज्यसभा भी आती है एंड प्रेसिडेंट। और यही तीन स्टेजेस भी हैं किसी भी कानून को पास कराने की, क्योंकि पार्लियामेंट में तीनों ऑर्गन है और इन तीन स्टेजेस से गुजर कर ही कोई कानून बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी ताजा ताजा एक कानून बना था फरवरी के महीने में, जनरली 1 फरवरी को वो कानून आता है। कौन सा कानून? बजट। जस्ट फॉर योर नॉलेज, पहले ना हमारे देश में दो बजट चलते थे, अगर किसी को पुरानी बातें बताओ। एक होता था रेल बजट, एक होता था ये फाइनेंशियल नॉर्मल बजट। रेल बजट आया करता था 1 फरवरी को, नॉर्मल बजट आजादी से लेकर अब तक हमेशा आता था फरवरी की आखिरी तारीख को। पर 2017 में हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने ट्रेंड ही चेंज कर दिया, उन्होंने दोनों बजट्स को मिक्स कर दिया एंड 2017 ऑनवर्ड्स बजट हमेशा किस दिन आता है? 1 फरवरी। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बजट आता था लास्ट डे ऑफ फरवरी, 28 या 29 एज द केस में भी लास्ट डे ऑफ फरवरी बजट आया करता था। पर 2017 के बाद से आपका बजट आता है 1 फरवरी। तो जब बजट आते बेटा, बजट भी सीधा ऐसे नहीं आ जाता, बजट के केस में भी क्या बनता है? पहले एक बिल, जिसे हम क्या कहते हैं? फाइनेंस बिल। तो ध्यान रखना, वहां पे भी एक बिल बनता है। बिल का मतलब ड्राफ्ट कानून, जिसको अभी पास होना होगा। तो आज बच्चों अगर हमें इस फाइनेंस बिल को पास या लागू करना है देश में, कौन लागू कर सकता है? कौन ये कानून बनाएगा? पार्लियामेंट। इसलिए इस बिल को हमें कहां कहां से पास कराना पड़ेगा? लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, साथ में प्रेसिडेंट के साइन। और जिस दिन प्रेसिडेंट साइन कर देंगे हम इस फाइनेंस बिल को, क्या बोलने लग जाएंगे? फाइनेंस एक्ट। तो ध्यान रखना, बजट बन तो गया है पर क्या अभी तक लागू हुआ है? नहीं, क्योंकि अभी तक फाइनेंस एक्ट नहीं बना, अभी तक प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया। और कैसा हो सकता है कि बिल से एक्ट बनते बनते उसमें कुछ बदलाव हो जाए? ये भी होता है कई बार। तो जो आप 1 फरवरी को सुनते हो, ऐसा नहीं है एज इट इज इंप्लीमेंट हो जाए, हो सकता है कानून बनने तक उसमें कुछ छोटे मोटे बदलाव कर दिए जाए। तो ये भी एक्ट बनेगा, बिकॉज एज पर कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी कानून बनाने की पावर किसकी है? पार्लियामेंट की। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? अरे इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट इसके अंदर? संविधान ने जी कानून बनाने की पावर तो दे दी, पर अगला सवाल उठा, अब इस कानून को चलाएगा कौन? क्या लगता है जी, कानून देश में फॉलो हो रहा है या नहीं, सही से फॉलो किया गया या नहीं, ये चीज या कानून चलाने की पावर आपके हिसाब से किसकी होती होगी? काफी बच्चों ने एक आंसर दिया है गवर्नमेंट, या मैं यहां पर कह सकता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट। कितने बच्चे कह रहे सर गवर्नमेंट कानून चलाती है? नलायक को सीखा हुआ टैक्स की क्लास में, आज टैक्स में डिस्कशन नहीं हुआ इन चीजों पर, हुआ था? अच्छा कुछ बच्चों का हुआ था, कुछ का नहीं हुआ था, है? चलो कितने बच्चे कह रहे सर गवर्नमेंट है जो हमारे देश में कानून चलाती है? हार्डली 20-30% ऑफ द क्लास। बाकी की क्या सलाह बनी है? बाकी किसके साथ है? बच्चा कह रहे सर हम आपके साथ है। बच्चा ये कहते सर हम आपके साथ हैं, जैसा आप सही बोलोगे मान लेंगे। मेरे साथ होने में थोड़ा सा दिक्कत है, मैं तो दोबारा पेपर लिखूंगा नहीं, पर मेरे साथ रहे तो दिक्कत आएगी। चलिए, तो जी कानून चलाने की पावर किसके पास होती है? ध्यान रखना जी, संविधान ने कानून को चलाने की पावर किसको दी है? गवर्नमेंट को। और हमारे देश की सरकार है जो कानून चलाती है। और जैसी मैं ये बात बोलता हूं, क्या पार्लियामेंट और गवर्नमेंट में कुछ डिफरेंस है? डेफिनेटली होगा, क्योंकि पार्लियामेंट तो कानून बना रही है, गवर्नमेंट कानून। अच्छा, तो दोनों में अंतर क्या है? माइक टेक्नोलॉजी, फटाफट से माइक रेडी रखना है।
हाँ जी, कोई बच्चा बताना चाहे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट? पार्लियामेंट हमने समझ लिया, जिसमें आती है हमारी लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। तो जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट में कौन आता है? व्हाट डू वी मीन बाय गवर्नमेंट? हैंड्स रेस करके, ऐसे नहीं, भीड़ में नहीं बोलना, माइक पे बोलना है। देयर मे बी माइक, अरे माइक पास रखो। हेलो हेलो, 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6, बढ़िया। चलो नाम बताओ पहले। सर पवन। हाँ जी पवन, बताइए। सर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट आता है गवर्नमेंट में, वो क्या होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? सर मिनिस्टर्स इलेक्ट होते हैं। कैसे? राज्यसभा से। राज्यसभा से, सॉरी सर, लोकसभा से। लोकसभा से? हाँ। राज्यसभा से नहीं आते? नो सर, लोकसभा से। फिर इन मिनिस्टर्स के ऊपर प्राइम मिनिस्टर्स होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, सॉरी। अरे होते हैं, यही बोलो भाई, आजकल देश में होता है बोलोगे तो जेल हो सकती है। ओके सर। आजकल आप बहुत ज्यादा ऑफेंसिव नहीं है उसके सरकार के अगेंस्ट, काफी हद तक ठीक कहा, कुछ कुछ मिस्टेक्स थे। और कोई बच्चा कुछ ऐड ऑन करना चाहे? गुड, नाइस। पार्लियामेंट तो लोकसभा है सर, राज्यसभा है, प्रेसिडेंट है। एक बार रुक जाते हैं बस, लोकसभा के एमपी को किसने चुना था? अरे नाला को किसने चुना था? राज्यसभा के भी इनडायरेक्टली किसने चुने थे? हमने, क्योंकि हमने डायरेक्टली किसको चुना था? एमएलए को। और राज्यसभा के फिर एमपी को किसने इलेक्ट किया? एमएलए ने। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो बेटा थोड़ा डिफरेंट ही चलता है, उसके इलेक्शन नहीं जाऊंगा, पर मानकर चलना ये सारे लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, ये सब मिल मिला करके प्रेसिडेंट का चयन करते हैं। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन इन सबके पार्टिसिपेशन से होता है, तो इनडायरेक्टली पार्लियामेंट तो ये बन गई। अब बात चल रही है सीजी की। हाँ जी, कौन बताना चाहेगा गवर्नमेंट एग्जैक्टली क्या है, कैसे गवर्नमेंट बनी, क्योंकि गवर्नमेंट कानून चलाएगी? कोई और कुछ ऐड करना चाहे? इधर देना रिव्यू में माइक, फटाफट फटाफट फटाफट। हर्षिल कह रहे सर पार्लियामेंट में ऑपोजिशन पार्टी भी होती है, क्या बात। हाँ जी, हेलो, आपका नाम बताइए। बोलो, बैठो बैठो, बी सीट। राहुल कुमार, आराम से बैठ के बताओ। राहुल, हाँ जी राहुल बताइए। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं जो रूलिंग पार्टी से इलेक्ट करते हैं आपस में, कैबिनेट मिनिस्टर्स वो और प्राइम मिनिस्टर, तो वो मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट बनता है। और कुछ? गुड, नाइस। कोई और कुछ ऐड करना चाहे? फाइनल मौका, चलो रवि इधर माइक पास कर देना जल्दी। एक बार दोनों बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जाए, एक बार सही बताए एकदम। हाँ जी, लास्ट में भाई ऐड करेगा। नाम बताओ पहले अपना। विपुल जैन। विपुल, हाँ जी विपुल। सर वही फेडरल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल अपने अपने लेवल पे तीनों वही रूल्स को, वो कॉन्स्टिट्यूशन को गवर्न कर। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट में आता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट में सर रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेट्स से लोकसभा की बात करूं, लोकसभा में मानकर चले थे लगभग है बेटा 550 सीट्स लेट्स से। अब होता क्या बेटा, ध्यान से समझते जाना, माइक पास ही रखना। हमने देश के 550 टुकड़े किए थे, पर आज देश के अंदर हर पार्टी चाहती है कि उसकी सरकार बने। तो आज देश में काफी सारी पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज लाइक बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, हर कोई चाहता है कि हमारी सरकार बने, हम देश को चलाए। तो उन्हें ये टारगेट अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 550 में क्या लानी पड़ेगी, मेजोरिटी। तो सारी पार्टीज क्या करती हैं, जब इलेक्शंस होंगे वो हर सीट के ऊपर अपने अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करेंगे। अब जिसका जिसका कैंडिडेट जीतता जाएगा, एंड में हम एंड रिजल्ट देखेंगे, और मेजोरिटी कैंडिडेट जिस पार्टी के आ गए, सरकार कौन बनाएगी, वो वाली पार्टी। फॉर एग्जाम्पल अगर लोकसभा में 550 सीट्स हैं, लेट्स प्रिज्यूम 300 सीट आ गई बीजेपी की, लेट्स प्रिज्यूम 100 सीट रह गई कांग्रेस की, एंड लेट्स प्रिज्यूम बाकी 150 सीट आपकी आ गई आम आदमी पार्टी की, लेट्स से। तो इस केस में बेटा मेजोरिटी एमपी किसके जीते, बीजेपी के। तो सरकार कौन बनाएगा, बीजेपी। पर जब पार्लियामेंट की कोई भी मीटिंग आएगी, पार्लियामेंट की मीटिंग में क्या सिर्फ ये 300 लोग होंगे या सारे 550 होंगे, ध्यान रखना, क्योंकि पार्लियामेंट में ये भी है, देश की जनता ने मेजोरिटी में बीजेपी को जरूर भेजा है, पर कुछ सीट्स के ऊपर तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी है ना। तो जब भी पार्लियामेंट की मीटिंग होगी उसमें दोनों बैठेंगे, बस बीजेपी कौन होगी, रूलिंग पार्टी, बाकी सारे कौन हो जाएंगे, ऑपोजिशन। तो आपने अगर कभी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स देखी हो, क्या वहां पर आपको मोदी जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब देखने को मिलते हैं? यस, क्योंकि वो ऑपोजिशन, वो अपनी अपनी सीट पर जीत के आए, तो वो उन्होंने अपनी सीट से जीता, वो बात अलग थी कि वो मेजोरिटी नहीं जीत पाए। अब जो अगला सवाल है, बीजेपी के कितने एमपीज है, 300। क्या बीजेपी के इन 300 के 300 एमपीज को मैं सरकार बोल सकता हूं? 550 में से 300 एमपीज बीजेपी के हैं, तो क्या ये 300 एमपीज गवर्नमेंट है? नो सर, नहीं, ये तो सर एमपी है ना, मतलब एमपी है बिल्कुल, और मेजोरिटी इनकी पार्टी की है, तो क्या यही सरकार है?
चलो ठीक, कोई नहीं, बाकी बच्चों ने ऐड किया था, ध्यान रखना बेटा। क्या ये 300 बीजेपी के एमपी इन्हें सरकार बोलेंगे? नहीं, ये सरकार नहीं है, क्योंकि अब सरकार बनाई जाएगी और जो सरकार बनेगी उसमें कौन कौन जो लोग होंगे वो कहां से उठ करके आएंगे? इन 300 लोगों में से। दैट इज इलेक्शन जीतने के बाद जो बीजेपी के ये 300 एमपी है ना, इनमें अब एक इंटरनल फाइट चलेगी कि जी नेता कौन बनेगा, मंत्री पद किसे मिलेगा। दैट इज इन 300 एमपीज में भी फाइट होती है। अगर आप आजकल थोड़े बहुत टीवी सीरीज फॉलो करते हैं, वहां पर आप देखते होंगे एक पार्टी जीतने के बाद ना इंटरनल डिबेट चलती है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री मेरे को मिल जाए, ये मिनिस्ट्री मेरे को मिल जाए, मेरे को मिनिस्ट्री चाहिए, मेरे को सिर्फ नॉर्मल एमपी नहीं। किसी ने देखा है थोड़ा बहुत? तो ये डिबेट इस चीज की चलती है कि जब मंत्री पद, अब ये सर मंत्री पद या सरकार एग्जैक्टली है क्या? तो जब हमारा संविधान लिखा गया, उन्होंने कानून बनाने की पावर पार्लियामेंट को दे दी, उन्हें समझ में आ गया इस टाइप से पार्टीज लड़ेंगी, मेजॉरिटी पार्टी जीत जाएगी। पर अब देश चले कैसे? तो जैसे बेटा एक कंपनी को अच्छे से चलाने के लिए हम कंपनी का विभाजन करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, कि जी परचेज डिपार्टमेंट अलग चलेगा, सेल्स डिपार्टमेंट अलग चलेगा, एचआर अलग चलेगा, आईटी अलग चलेगा। लाइकवाइज अपने भारत देश को अच्छे से चलाने के लिए हमने अपने देश का फंक्शनल डाइवर्सिफिकेशन किया कि जी अगर एक देश को अच्छे से चलाना है, क्या बेटा हमें अपने देश के डिफेंस को मजबूत करना पड़ेगा? आज अगर आज भारत को अच्छे से चलाना है, क्या हमारा डिफेंस मजबूत होना चाहिए? क्या बॉर्डर स्ट्रांग होने चाहिए या बाहर से कोई भी आ जाए? नहीं जी, डिफेंस बहुत स्ट्रांग चाहिए। तो जी डिफेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। क्या देश को अच्छे से चलाना है तो देश के फाइनेंसिस पर ध्यान रखना पड़ेगा? यस। देश के पास पैसा कहां से आएगा बताओ? देश के पास पैसा कहां से आए देश को चलाने के लिए? पैसा कौन देगा? देश की जनता देगी। देश की जनता कैसे देते है वो पैसा? टैक्स में। कैसे कैसे टैक्स? फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कमाई करते हो तो आप क्या पे करोगे? इनकम टैक्स। और तो और बेटा, आपको ये क्लास देखनी है ना, आप बिना सरकार को पैसा दिए ये क्लास भी अटेंड नहीं कर सकते। ये क्लास अटेंड करने के लिए भी आपने सरकार को पैसा दिया। सर हमने तो पैसा नहीं दिया, हमने तो आपको पैसा दिया। पर बेटा आपने हमें जो पैसा दिया ना, उसके अंदर एक टैक्स छुपा है, जीएसटी। और जो जीएसटी आपकी फीस का 18% है, वो 18% हमारे पास नहीं आता, वो किसके पास जाता है? सरकार। और सरकार का वो पैसा क्या हम अपनी पॉकेट से दे रहे हैं? हम आपसे लेकर देते हैं, ठीक, वो जीएसटी। तो आप वो पैसा सरकार को दे रहे हो ताकि आप ये प्रोफेशनल कोचिंग की सर्विसेज ले पाओ। पर आपको ये फील क्यों नहीं होता? क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, जाता आपकी जेब से है पर जमा हम कराते हैं। पर जो इनकम टैक्स है ना, वो कमाते भी तुम और तुम ही डायरेक्टली जमा कराते हो, वो तुम्हें फील होता है क्योंकि वो डायरेक्ट टैक्स है। पर ये इनडायरेक्ट है, गया तुम्हारी जेब से है। अरे फीस क्या, तुम टूथपेस्ट खरीद रहे हो, साबुन खरीद रहे हो, तुम मूवी देखने जा रहे हो, तुम रेस्टोरेंट में खाना चाह रहे हो, हर चीज का आप सरकार को पैसा देते हो। बिना पैसा दिए आप ये सारी सर्विसेज गुड्स एंजॉय नहीं कर सकते। यू पे फॉर दैट, और इसीलिए पे करते हो ताकि हमारा देश अच्छे से चले। और जब आप इन छोटी छोटी चीजों का पैसा देते हो और बाद में पता चले जी वो सारा पैसा कोई विजय माल्या वगैरह लेकर के भाग गया, तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं। अगर आपको पता चले इस बैच की पूरी 18% फीस सरकार के पास गई थी और वो पैसा विजय माल्या लेकर चला गया, स्कैम हुआ, तो जी देश के साथ अच्छा नहीं है। इसलिए फाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है किसी भी देश को चलाने के लिए। तो जी डिफेंस चाहिए, फाइनेंस चाहिए, हमारा इंटरनल कंट्री के अंदर कोई कैश ना हो, कोई आतंकवादी ना आ जाए, कोई इंटरनल डिबेट ना हो जाए, तो हमें होम मिनिस्ट्री, अपने घर को तो संभाल कर रखना पड़ेगा। तो होम एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा बना। हमारे देश में इतनी सारी कंपनीज बनेंगी तो उसके लिए हमें कॉरपोरेट पर स्पेसिफिक फोकस रखना है, हमें एग्रीकल्चर पर स्पेसिफिक फोकस रखना है, हमें आईटी पर स्पेसिफिक फोकस रखना है। दैट इज देश को सही से चलाने के लिए हमें देश के इन फंक्शनल क्लासिफिकेशन को सही से चलाना होगा। तो हमने अपने देश का किया फंक्शनल डाइवर्सिफिकेशन और हर फंक्शन को हमने एक नाम क्या दे दिया? मिनिस्ट्री। दैट इज आज अगर हमें अपने देश को सही से चलाना है तो हमने एक तो बना दी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक हमने बना दी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एक हमने बना दिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एक हमने बना दी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो हमने अलग अलग मिनिस्ट्रीज ओपन कर दी ताकि हमारा देश अच्छे से चल पाए। और बेटा इस मिनिस्ट्री के टॉप पर कौन होता है? उस मिनिस्ट्री का रिस्पेक्टिव मिनिस्टर। फॉर एग्जाम्पल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कौन संभालेंगे? फाइनेंस मिनिस्टर। कौन है फाइनेंस मिनिस्टर करेंटली? निर्मला सीतारमन जी। लाइकवाइज हमें अपने इंटरनल अफेयर्स, होम अफेयर्स को अच्छे से चलाना है तो उसके लिए भी एक मिनिस्टर अपॉइंट होगा। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स कौन है? अमित शाह जी। लाइकवाइज हमें कॉर्पोरेट अफेयर्स को अच्छे से चलाना है तो एक मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी होगा। तो बताओ एमसीए को कौन गवर्न करता होगा? अगेन निर्मला सीतारमन जी। उनको दो मिनिस्ट्रीज दी गई है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी संभालिए, आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो हमने देश के अंदर अलग अलग मिनिस्ट्रीज का गठन किया, मिनिस्ट्रीज के टॉप पर मिनिस्टर्स बैठते हैं। और जी ये मिनिस्टर्स कहां से आते होंगे? बीजेपी के इन 300 एमपीज में से। दैट इज आज अगर ये 300 एमपीज हैं
क्या हर एमपी मंत्री बनना चाहेगा? यस, वो चाहेगा मेरे को मिनिस्ट्री मिले। वो क्यों चाहेगा उसे मिनिस्ट्री मिले? क्योंकि जी देश का पैसा खर्च इन मिनिस्ट्रीज के थ्रू होगा ना। तो जब मिनिस्टर किसी के पास मिनिस्ट्री होगी तो क्या उसके पास उस पैसे का कंट्रोल आएगा जो उस मिनिस्ट्री को मिल रहा है? फिर क्या वो बीच में कुछ कट लगा सकता है? तो वो इसलिए मिनिस्ट्री मांगते हैं क्योंकि जी मिनिस्ट्री आएगी तब पैसा कंट्रोल में आएगा, तब गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा, तब मैं उसे खर्च करते वक्त अपने किसी रिश्तेदार को टेंडर दिलवा दूंगा, अपना बीच में कट निकाल लूंगा। इसलिए ये मंत्री पद की लड़ाई होती है। तो बीजेपी के 300 एमपी आपस में लड़ते हैं कि ये मुझे मंत्री बनना है। तो ध्यान रखना, बाद में बनते हैं मंत्री और मंत्री पद की शपथ होती है, वो शपथ हर एमपी नहीं लेता, वो सिर्फ ये मिनिस्टर्स लेते हैं। तो दिस इज हाउ मिनिस्टर्स आर इलेक्टेड। तो क्या बीजेपी के 300 के 300 एमपी सरकार है? नहीं, ये जो मिनिस्टर्स चुन के आएंगे ये सरकार बना रहे हैं क्योंकि ये देश को चलाएंगे। और जी ये सारे मिनिस्टर अपना काम अच्छे से करते हैं या नहीं, तो हमें मिनिस्टर्स पर नजर रखने के लिए एक और मिनिस्टर कर देते हैं अपॉइंट। दैट इज इन मिनिस्टर्स के ऊपर भी एक मिनिस्टर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर का बच्चों हमारे देश में क्या काम है? वो सारी मिनिस्ट्रीज के ऊपर नजर रखते हैं। हां जी निर्मला जी सही से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? हां जी अमित शाह जी होम अफेयर्स ठीक है या नहीं? वो सब पर नजर रखते हैं बिकॉज ही इज द प्राइम मिनिस्टर। एंड दैट इज वाई प्राइम मिनिस्टर इज सच अ बिग पोस्ट इन आवर कंट्री। क्योंकि जो मिनिस्ट्रीज को संभालने वाले मिनिस्टर्स हैं इन्हें उनके ऊपर किया गया है इलेक्ट। और ये प्राइम मिनिस्टर और ये सारे मिनिस्टर्स को क्लब करके हम क्या बोलते हैं बेटा? हमारे देश की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये जो सारे मंत्री अपॉइंट होते हैं और जो ये प्रधानमंत्री हैं, ये मिलकर के बनाते हैं हमारे देश की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ आप प्रेसिडेंट को एक बार और अगर क्लब कर दो तो ये क्या बन जाती है? हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर आपसे पूछा जी सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या आता है, तो क्या आता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस प्रेसिडेंट। कुछ लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एक और नाम दे देते हैं कैबिनेट। हालांकि कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में थोड़ा सा अंतर होता है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक वाइडर वर्ड है, कैबिनेट मिनिस्टर्स लिमिटेड मिनिस्टर्स को बोला जाता है। इंटरचेंजेबली हम यूज कर देते हैं पर एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस जो प्रेसिडेंट होते हैं ये है हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ध्यान रखना जी, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट मिलकर के हमारे देश की सरकार बनाते हैं और सरकार हमारे देश में क्या करेगी? कानून को चलाएगी। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीवन? किसी को कोई डाउट? तो ध्यान रखना, दिस इज हाउ हमारे देश में सरकार बनाई जाती है। तो ध्यान रखना बच्चों, हमारे संविधान ने कानून बनाने की पावर, लास्ट बार रिपीट करेंगे, विच इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन, बताइए जी कौन कानून बनाएगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन कौन आएगा? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। कानून बन गया, वो सही से चल रहा है या नहीं, चलाने की पावर किसकी है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में कौन कौन आएगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस प्रेसिडेंट। तो ये है हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट। और जी कानून को इंटरप्रेट करने में अगर कभी दिक्कत आ जाए, किसी को जेल डालना है, फाइन लगाना है, तो कानून का इंटरप्रेट करने के जो लास्ट पिलर है वो कौन है? हमारे देश के कोर्ट्स। फिर आ जाते जी हमारे देश की जुडिशरी, जिसमें आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट एंड सिविल कोर्ट्स, ये सब आते हैं। एंड कोर्ट्स हमारे देश में कानून को इंटरप्रेट करने में हेल्प करते हैं। और इसी स्ट्रक्चर पर बेटा हमारा पूरा का पूरा लीगल स्ट्रक्चर डिफाइंड है। तो जो हमारा पूरा लीगल स्ट्रक्चर है इन तीन पिलर्स पर टिका हुआ है। तो संविधान ने कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट को पावर दी, चलाने की पावर सरकार के पास है, एंड फाइनली उसकी इंटरप्रिटेशन की पावर किसके पास आती है? जुडिशरी। और तीन पिलर्स हमारे देश के लिए बड़े जरूरी हैं। इज दिस वन क्लियर एवरीवन? हां जी सॉरी, गवर्नमेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मिनिस्टर्स आएंगे, हाँ प्रेसिडेंट, क्योंकि जब भी काउंसिल कोई काम करती है ना वो फाइनल अप्रूवल प्रेसिडेंट से लेती है, तो प्रेसिडेंट का रोल दोनों जगह रहता है। तो लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट वो कानून बनाते हैं, पर काउंसिल हमेशा प्रेसिडेंट को कॉन्फिडेंस में रख के कोई काम करती है। क्योंकि आज अगर फाइनेंस बिल बनाना है तो फाइनेंस बिल कौन बनाएंगी? निर्मला सीतारमन जी, वो फाइनेंस मिनिस्टर है। वो बिल बना के क्या खुद से पास करा सकती है? नहीं, वो उसको किसके पास लेके जाएगी? पार्लियामेंट के पास। पर लेकर जाने से पहले ना वो प्रेसिडेंट से एक बार सलाह ले लेती है कि ये बिल बनाया आप बाद में प्रूव कर दोगे ना, वो कहेंगे यस। फिर वो लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, प्रेसिडेंट साइन करेंगे, कानून बन जाएगा। पर वो कानून को फाइनली चलाएगी कौन? निर्मला सीतारमन जी। तो आज अगर उन्हें बजट बनाना है वो खुद से नहीं पास कर सकती, पास करवाने के लिए कहां जाना पड़ेगा? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट अगर पास कर देगी तो उस बजट के हिसाब से लोगों से टैक्स कलेक्ट करना वो जिम्मेवारी किसकी है? उनकी। तो ध्यान रखना सरकार कानून को चलाती है। तो आज बेटा अगर आपको किसी भी मिनिस्ट्री में पहुंचना है, दो तरीके हैं। या तो मिनिस्ट्री में टॉप कौन होता है? मिनिस्टर। मिनिस्टर बनने के लिए तो क्या करना पड़ेगा? चुनाव लड़ना पड़ेगा। या मिनिस्ट्री में अगर टॉप पर पहुंचना है तो आपको करनी पड़ेगी बेटा यूपीएससी आईएएस। तो मिनिस्ट्री में चुनाव लड़के तो मिनिस्टर टॉप पे होता है,
अपने अकेडमिक ब्रिलियंस से यूपीएससी वगैरह क्लियर करके आईएएस बन के किसी भी मिनिस्ट्री में पहुंच सकते हो, और वो जो टॉप नॉच लेवल होता है वो उस मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी, जो डायरेक्टली उस मिनिस्टर के साथ काम करता है। तो ध्यान रखना, आप अपने कैलिबर से चुनाव लड़ने का कैलिबर, तो चुनाव लड़ो, मिनिस्टर बन जाओगे। पर अगर आपको लगता है चुनाव लड़ने का कैलिबर नहीं है पर मेरे में अकेडमिक कैलिबर बहुत है, तो आपके लिए वो रास्ता है कि आप देश के मिनिस्टर बन सकते, सॉरी सेक्रेटरी बन सकते हो किसी मिनिस्ट्री के। और बेटा अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सेक्रेटरी बन गए ना, उसका मतलब क्या है, पूरे देश का बंटवा तुम्हारे जेब में है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो सेक्रेटरी है उसकी पावर सोचना, सारे देश से जो पैसा आ रहा है, पैसा कहां खर्च होगा, सब कुछ वो डिसाइड करते हैं, नेता को वो रिपोर्ट करते हैं। तो दैट इज वेरी वेरी पावरफुल पोस्ट, कोई तुम्हें छू नहीं सकता, फिर तुम्हारी पावर अलग लेवल की होगी। तो ध्यान रखना, दैट इज योर एकेडमिक ब्रिलियंस, जहां से आप वो पहुंच पाओगे। एनीवेज, तो ये है बच्चों। तो ध्यान रखना, बजट की बात आई है तो कुछ लेटेस्ट पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स देखना चाहोगे? अरे देखना चाहोगे, ब्रेक दे दो पहले, या एक छोटी सी वीडियो देख के फिर ब्रेक, जैसे बोलो। छुट्टी कैसे हुई अभी? आज की क्लास के कितने टारगेट थे? क्या दूसरा टारगेट पूरा हुआ है? अभी कहां हुआ है? चलो छोटी सी बस वीडियो दिखाऊंगा, फिर तुम्हारा ब्रेक, फिर तुम्हारी छुट्टी कर देंगे उसके बाद। ये तुम्हारी छुट्टी पक्का कर दूंगा आज मैं, चिंता मत करो। चलो एकदम लेटेस्ट तुम्हें थोड़ी सी प्रोसीडिंग्स दिखा देता हूं, क्योंकि बजट की बात आई है। इनको तो जानते होगे, राजनाथ सिंह जी। चलो थोड़ी सी प्रोसीडिंग्स दिखाता हूं। ये लोकसभा की प्रोसीडिंग है, एकदम लेटेस्ट प्रोसीडिंग है, जो 1 फरवरी 2023 को ही है, जब बजट प्रेजेंट हुआ था, तो वही वीडियो दिखा रहा हूं। ये पूरा लोकसभा का माहौल है। पर्सनल इनकम टैक्स, आई हैव 5 मेजर अनाउंसमेंट्स टू मेक इन दिस रिगार्ड। दीस प्राइमरली बेनिफिट आवर हार्ड वर्किंग मिडिल क्लास। द फर्स्ट वन कंसर्न्स rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the... जानते होगे भाई मोदी जी, तो अभी तो obviously जो ये बोल रही है आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने इनकम टैक्स अभी उतना अच्छे से नहीं पढ़ा। कुछ ओल्ड रिजीम, नई रिजीम की बात हो रही है। अभी इन्होंने क्या कहा, 7 लाख तक मैं टैक्स हटा रही हूं, सब खुश हो गए। अब देखना एकदम से वक्त बदल जाएगा। ये सारे बैठे हुए, ये सब कौन है? लोकसभा के एमपीस। इन्होंने अपनी अपनी सीट से इलेक्शन लड़ा होगा और अपनी अपनी सीट से जीत करके आए, तब जाकर इन्हें लोकसभा में यहां पर प्लेस मिला है। हालांकि लोकसभा में पहुंचने का एक और तरीका होता है, लोकसभा में कुछ सीट प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड भी होती है, तो आप प्रेसिडेंट द्वारा अगर नॉमिनेट हो जाए तो भी आप पहुंच सकते हो। मैक्सिमम मेंबर्स रहते हैं इलेक्टेड, कुछ इक्का दुक्का मेंबर नॉमिनेटेड भी होते हैं, पर अगर आपको यहां पहुंचना है इलेक्शन जीतना पड़ता है। ये सारे आपके बैठे हुए हैं रूलिंग पार्टी के नेता। इन सबको किसने चुन के भेजा है? किसने चुन के भेजा है? हमने इलेक्ट किया हुआ इनको। I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. बस यहां कह के उन्होंने सब पलट दिया था। पहले उन्होंने कहा 7 लाख तक एग्जम कर रही हूं, फिर उन्होंने बात ही बदल दी, फिर उन्होंने कहा 7 लाख कुछ न्यू टैक्स रिजीम में कर रही हूं। तो ये अपनी स्पीचेस के फॉर्मेट में वो बात बता रहे। अब ओल्ड क्या न्यू क्या वो सब आप इनकम टैक्स में सीखोगे, बट दिस इज हाउ लॉ वर्क्स। इनको आज कोई बिल बनाना था तो इन्होंने फाइनेंस बिल बनाया है। अभी ये फाइनेंस बिल की मेन मेन बातों को पढ़ रही है, और अभी ये बजट पास नहीं हुआ। अब इसको लोकसभा पास करेगी, फिर ये राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा डिस्कशन करके पास करेगी, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर प्रेसिडेंट साइन करेंगे, तब जाकर के ये फाइनेंस एक्ट लागू हो पाएगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आपके पूरे संविधान में कहीं भी वर्ड बजट इस्तेमाल ही नहीं है। दैट इज इन द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन नेवर यूजेस द वर्ड बजट। बजट की जगह संविधान वर्ड इस्तेमाल करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो बजट होता है वो हमारे सरकार की एक तरीके से पूरे साल की बैलेंस शीट है, कि उन्होंने साल भर में कहां कहां से पब्लिक से पैसा बटोरा और उस पैसे को कहां कहां लगाया, तो वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। तो दैट इज द वर्ड यूज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बजट तो हम लेमैन के लिए कह देते हैं। तो ये कुछ है, अगर आप देखेंगे थोड़ा सा मैं दिखाऊं, ये देखो, ये जो बजट पढ़ रही है किससे पढ़ रही है? टैबलेट से। तो ये भी इनोवेशन था जो बीजेपी सरकार ने किया। पहले तो एक लाल कलर की कुंजी सी आया करती थी, बुक आती थी उससे पढ़ते थे, पर इन्होंने ई कॉमर्स का इस्तेमाल किया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया
और टैबलेट से ही अपना बजट रीड आउट करती है। ये वाली जो इनकी बजट स्पीच है ये भी अवेलेबल हो जाती है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में मिलता है। तो दिस इज अ पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग वर्क। एक और लेटेस्ट प्रोसीडिंग छोटी सी अगर मैं दिखाऊं, ये भी फरवरी की ही प्रोसीडिंग है। लेट मी जस्ट शो यू। अभी सबसे हॉट मुद्दा पार्लियामेंट में अगर कोई है तो कौन सा है? अडानी। तो उसी के ऊपर ये स्पीच भी है, ये भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग है भाई। राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में क्या कर रहे हैं? ये कैसे पार्लियामेंट में पहुंच गए? क्योंकि पार्लियामेंट में भी कौन है? ऑपोजिशन। तो राहुल गांधी ने अपनी सीट से क्या जीता होगा? इलेक्शन। तो उन्होंने अपनी सीट से इलेक्शन दी जाए तब जाकर वे पार्लियामेंट में पहुंच पाए। अदानी, ये आपकी और कुछ 8 फरवरी की ही प्रोसीडिंग है, जस्ट जब ये 8 तारीख गई है, 8 फरवरी उसका रिप्लाई दिखा रहे मोदी जी का, तो बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसीडिंग है पार्लियामेंट की। लोग तो खुश होकर के कह रहे थे ये हुई ना बात, बड़ा शायद नींद भी अच्छी आई हो, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे। ये भी पूछा कि भैया बात बताइए, राहुल जी बताइए हमें कि अदानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? फिर ये निराशा भी ऐसे नहीं आई है, इसके पीछे कारण है। एक तो जनता का हुक्म, बार बार हुक्म। दिस इज ऑफ पार्लियामेंट। ये इतनी फनी नहीं है। राहुल गांधी क्यों इतने फेमस हुए देखना चाहोगे? क्यों फेमस हुए? क्यों इतना नाम राहुल गांधी का देश में? आंख मारने वाला मोदी को आंख मारी थी राहुल गांधी ने? क्या कह रहे भाई? आपके अंदर मेरे लिए नफरत, चलो आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए। ये 2019 के जब इलेक्शन होने वाले थे उससे पहले की डिबेट है, तो 2019 का इलेक्शन है उससे पहले की डिबेट चल रही है। आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस है और कांग्रेस ने और इस भावना ने ये सब कौन है भाई? ये ओपोजिशन पार्टी थी, इस बात ये सारे ओपोजिशन वाले बैठे और ये भावना आप सबके अंदर है और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा, करके मैं आपके अंदर से आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। यस निर्मला जी, नो दिस इज नॉट उनके गले लग गए। और ये जब हुआ आई गेस विद इन 10-15 मिनट्स मोदी जी का इतना जबरदस्त रिप्लाई आया, व्हाई ही इज सच अ गुड पॉलिटिशियन, उनका रिप्लाई सुनना चाहोगे क्या का? देख सुना होगा, चलो मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ मीटिंग। कि अहंकार इस प्रकार की प्रवृत्ति करने के लिए खींच के ले जाता, मोदी हटा मैं हराम हूं आज सुबह, तो मैं तो हराम हूं आज सुबह जी कि अभी तो चर्चा प्रारंभ हुई थी, मतदान नहीं हुआ था, जय पराजय का फैसला नहीं हुआ था, फिर भी जिनको यहां पहुंचने की उत्साह है न यहां कोई उठा सकता है न बिठा सकता है, 125 करोड़ देशवासी उठा सकते हैं।
बस ये था मौके पे चौका जमा नहीं मारा। चलिए बच्चों आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार मिलते हैं एंड जो बस थोड़ा सा पढ़े उनको वाइंड अप करेंगे। छुट्टी नहीं करी तुम्हारी, ब्रेक है। अभी 4:48 हुए हैं, बताओ कितना ब्रेक चाहिए? चलो 5 बजे तक का ब्रेक है। आज ब्रेक छोटा सा मिनी ब्रेक रखेंगे क्योंकि इसके बाद हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचेगा, हाफ एन आवर होगा बस। जो चीजें पढ़ी हैं उनको एक बार ब्रशअप करना रहेगा, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। और किसी के पास बाय चांस हैंड आउट नहीं है तो प्लीज ब्रेक में हैंड आउट ले लेना, बिकॉज ब्रेक के बाद इस हैंड आउट का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। सर Thank you.
प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो इलेक्टोरल कॉलेज था उसमें इलेक्टोरल कॉलेज में राज्यसभा के भी इसका पार्टिसिपेशन रहता है, लोकसभा भी रहता है, स्टेट में भी इसका भी रहता है। थोड़ा सा समझाओ, आप इतना मानकर चलो सेंटर में लोकसभा राज्यसभा और स्टेट में आपको जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है सबके रिप्रेजेंटेटिव मिलकर प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग करते हैं। तो वोटिंग प्रोसीजर भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, सिंपल वोटिंग सिंपल ट्रांसफरेबल वोट होता है। मैं चाहती थी ऐसे सीखा लूंगा, इंटरेस्ट है अगर सीखने का यूट्यूब पे आपको आईएएस में कुछ की चाहिए इंटरेस्ट है यार, मतलब नई फोर्स से बात बात देख लो, मेरे को सिर्फ इतना बताने की आपको आईडिया लग गया इन चीजों का। अगर मैं ले गया तो ये पूरी पॉलिटिक की क्लास बन जाएगी, फिर लॉबी क्लास बन जाएगी, सिर्फ इतना आईएएस ले जाएंगे। इसलिए इतना जरूर बता रहा हूं जो हमारे सिलेक्शन में काम आएगा, और टेंथ में बाहर ले गया तो बड़ा मजा आ रहा है। देखो यार, हमें पहले किसी ने ऐसे पढ़ाया ही नहीं, सर अगर हम रजिस्ट्रेशन बोथ ग्रुप्स की कराएंगे लेकिन हमने एग्जाम ग्रुप वन का भरा तो टेक्निकली हमारा लगेगा सिर्फ ये ना कि ग्रुप वन, ऐसे कोई ना कि ग्रुप टू दिया ही नहीं फेल हो। सुप्रीम कोर्ट किसी भी लॉ के ऊपर कभी कभी जजमेंट पास करता है, उसको हम लॉ प्लान बोलते हैं। लॉ प्लान का मतलब क्या है, अगर उस चीज पर कभी डिले किसी को कंफ्यूजन तो जो प्लान की सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना वो एज इट इज फॉलो। अच्छा, कोई ऐसा बता दे सुप्रीम कोर्ट ने दिया और सुप्रीम कोर्ट ने पास किया और वाइस का भी नहीं होगा ना। नहीं, सुप्रीम कोर्ट एक्ट नहीं बना सकता, एक्ट नहीं बना सकता ना, बस वही क्लास के बाद।
मान सकते हो, जनरली स्टेट लेवल पर काम करता है आपका। हाँ जी बच्चों करें स्टार्ट। अरे करें स्टार्ट भाई, क्या बात, छुट्टी कर दे क्या? इसमें सबकी आवाज आई तो क्लास 6:30 बजे तक ले लेते, तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। फिर तो छुट्टी हो ही जाएगी तुम्हारी। मैं तो कह रहा पहले ही दिन तुम अपने पढ़ने की चरम सीमा तय कर लो कि तुम 7 बजे 8 बजे कब तक पढ़ सकते हो। अगर तुम एक ही दिन 12-13 घंटे पढ़ लिए फिर तुम्हें 9 घंटे की क्लास कुछ भी नहीं लगेगी। क्या 9 आवर्स कल सुबह तक पढ़ाऊं? अरे भाई साहब, बच्चा भावुक हो गया। नहीं, मैंने एट अ स्ट्रेच तो पढ़ाया हुआ है, मैंने एट अ स्ट्रेच मैक्सिमम जो पढ़ाया है वो पढ़ाया है। आई गेस एट अ स्ट्रेच अगर आप कहोगे, बीच में अगर मैं थोड़े थोड़े मिनी ब्रेक्स उसमें काउंट करता हुआ चलूं तो 6+15 घंटे मैंने पढ़ा रखा है, तो 15 आवर्स के अराउंड मैंने यहां पढ़ाया हुआ है। मतलब मैंने मॉर्निंग में क्लास ली थी, उसके बाद एक और क्लास ली थी 3 आवर्स की, उसके बाद फिर एक यूट्यूब पे कुछ सेशन था 10 आवर्स का, बैक टू बैक वो लिया था, वो सुबह जाके 5:30 बजे क्लास खत्म हुई थी। तो तुम्हारा मन है तो ट्राई कर सकते हैं। इस भाई ने, ये आगे येलो स्वेटशर्ट में बैठे इस भाई ने ऐसा ओपिनियन दिया है। चलिए एनीवेज, आते बच्चों फटाफट से एक बार ब्रेक से पहले जो पढ़ा उसको एक बार फटाफट से कंपाइल कर लेते हैं, फिर आगे की बातें कनेक्ट करेंगे। तो बस जो अभी तक पढ़ा है उसको ब्रशअप कर रहे हैं, उसके लिए छोटा सा आपके लिए वीडियो आ रहा है। बस हमने से कई लोगों को इलेक्शन चलिए बेसिक चीजों की जो कि एक वोटर को पता होनी चाहिए उनकी पूरी जानकारी नहीं है। आज हम इन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे जो कि एक एलिजिबल वोटर को वोट देने से पहले जरूर पता होनी चाहिए। जैसे जिस इलेक्शन में हम वोट देने जा रहे हैं उसका प्रोसेस क्या है। इलेक्शन प्रोसेस को जानने से पहले हम बेसिकली समझ लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्ट्रक्चर के बारे में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का संविधान फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है। फेडरल सिस्टम के अकॉर्डिंग इंडिया में 2 टाइप की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। पहले बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। इंडियन पार्लियामेंट मतलब भारतीय संसद। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 2 हाउसेस से मिलकर बनता है, राज्यसभा अपर हाउस एंड लोकसभा लोअर हाउस। पार्लियामेंट अपने इन 2 हाउसेस की मदद से लॉ यानी कानून बनाता है और लॉ पार्लियामेंट से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के द्वारा उसको पूरे देश में लागू। वीडियो पुरानी तो इसलिए यहाँ पे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी आ रहे हैं। आज के दिन में तो आपने बताया दिया कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। चलिए कर दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं एंड करंट लॉज एंड प्रोविजन के हिसाब से इसमें 245 मेंबर्स हैं एंड वहीं लोकसभा में मैक्सिमम 552 मेंबर्स हो सकते हैं एंड करंटली इसमें 545 सीट्स। इसका भी छोटा सा लॉजिक तो होता है, कहीं पर डाउट आता है कि सर अगर मैक्सिमम इतने हो सकते हैं तो अभी 545 क्यों है, बाकी की सीट्स का क्या सीन है? राज्य बनेंगे तो बढ़ेंगे, या मैं कहूं तो जो ये सीट्स का लोकेशन होता है ना पॉपुलेशन के हिसाब से होता है कि जी स्टेट के लेट से 10 लाख लोगों पर एक एमपी होगा, इस टाइप से कह दिया गया। एंड बाय चांस उस स्टेट के उस जगह पर जब लास्ट सेंसस हुआ था अगर 10 लाख लोग ही नहीं थे तो उसकी पॉपुलेशन लेट से 7 लाख थी, तो वो वाली सीट फॉर द टाइमिंग एमटी रह जाती है। तो अब जैसे ही नेक्स्ट सेंसस होगा, जैसे 2011 में हुआ था, अब सेंसस होगा, हो सकता है लोकसभा की जो ये मिसिंग सीट्स हैं ये दोबारा से फिल अप हो जाए, तो वो पॉपुलेशन की गिनती की वजह से ऐसा हो जाता है। तो करंटली आपकी जो सीट्स रहती है 245 एंड 545 हैं। तो ये सारे मेंबर्स संसद भवन यानी द हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो कि दिल्ली में है उसमें मीटिंग करते हैं एंड लॉज से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। ये मीटिंग्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर होती है जिनके पास इस मीटिंग को बुलाने और रद्द करने के राइट्स होते हैं। तो ये हमने समझा कि बेसिकली पार्लियामेंट होती क्या है, बट हमारा मेन फोकस है कि ये जो पार्लियामेंट मेंबर्स है इनका चुनाव कैसे होता है। तो इस टॉपिक से हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया। तो बेसिकली 3 टाइप्स के इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस यानी लोकसभा इलेक्शंस, राज्यसभा इलेक्शंस एंड स्टेट असेंबली इलेक्शंस। लोकसभा इलेक्शंस की बात करें तो इसके इलेक्शंस हर 5 साल में होते हैं एंड इसके मेंबर्स को डायरेक्टली वोटिंग करके भारत के लोगों द्वारा चुना जाता है। इस पर्पज के लिए जैसा मैंने बताया कि करंटली 545 सीट्स हैं जिसमें से 2 सीट्स एंजलो इंडियन कम्युनिटी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं, तो बची सिर्फ 543 सीट्स जिनके लिए वोटिंग होती है। तो इन सीट्स को हर एक स्टेट को अलग अलग एरिया में डिवाइड करके नंबर ऑफ सीट्स एलोकेट कर दी जाती हैं एंड हर एक स्टेट की लोकसभा सीट्स फिक्स्ड होती हैं जो कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड की गई हैं। फॉर एग्जांपल 2014 जनरल इलेक्शन में दिल्ली में 7 लोकसभा सीट्स थी एंड यूपी में सबसे ज्यादा 80 सीट्स थी, तो यूपी की पॉपुलेशन सारी स्टेट में सबसे ज्यादा है। अब इन सब सीट्स के अकॉर्डिंग हर एक एरिया से उस सीट के लिए कैंडिडेट्स खड़े होते हैं जो कि अलग अलग पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। वोटिंग होने के बाद जो भी पार्टी 50% से ज्यादा सीट्स जीत जाती है उस पार्टी की सरकार बन जाती है। मतलब 543 सीट्स में से एक पार्टी को मेजोरिटी यानी बहुमत से जीतने के लिए 50% से ज्यादा सीट्स चाहिए होती हैं, जो कि होती है 272। फॉर एग्जांपल 2014 में बीजेपी ने लोकसभा में 282 सीट्स जीती थी एंड एनडीए से मिलकर टोटल 363 सीट्स
जिससे उनकी पार्टी जीत गई थी। उसके बाद जो विनिंग पार्टी का लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता है। ये लोकसभा मेंबर्स जो मेजोरिटी में है वो वोटिंग करके प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करते हैं। आने वाले लोकसभा इलेक्शन अप्रैल एंड मई 2019 में होंगे। अब बात करते हैं अपर हाउस की यानी राज्यसभा की। राज्यसभा का इलेक्शन सिस्टम लोकसभा से बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि जैसे लोकसभा के मेंबर्स को डायरेक्टली वोटिंग करके इलेक्ट किया जाता है, राज्यसभा के मेंबर्स को इनडायरेक्टली पब्लिक इलेक्ट करती है, जिसमें एमएलए वोट करके राज्यसभा के मेंबर्स को चूज करते हैं। राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 238 मेंबर्स को अलग अलग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के एमएलए इलेक्ट करते हैं और बाकी 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। कंडीशन यह है कि 12 लोगों को आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर या सोशल सर्विस में स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर एंड एक्ट्रेस रेखा को 2012 में इसके अंडर नॉमिनेट किया गया था। हर एक स्टेट की राज्यसभा सीट्स फिक्स्ड होती हैं। एक स्टेट कितने राज्यसभा मेंबर्स भेज सकती है ये उसकी पॉपुलेशन पे। कितने स्टेट्स हैं अभी इंडिया में? और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? शाबाश बच्चा, बहुत बढ़िया। डिपेंड करता है। हर राज्यसभा मेंबर 6 साल तक के कार्यकाल में रहता है और इसमें 1/3 सीट्स के इलेक्शन हर 2 साल में होते हैं। तो राज्यसभा के इलेक्शंस के लिए एमएलएज यानी विधानसभा के मेंबर्स एसटीवी सिस्टम यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के जरिए राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं। ये एसटीवी सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, अगर हम इसको अभी समझेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी के लिए हम इसे छोड़ देते हैं और हम चलते हैं अपने अगले पार्ट पर, जो है विधानसभा इलेक्शंस यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो विधानसभा इलेक्शंस मतलब एक स्टेट में विधानसभा के मेंबर्स यानी एमएलएज को जनता वोटिंग करके इलेक्ट करती है। लोकसभा की तरह हर एक स्टेट की विधानसभा सीट्स भी फिक्स्ड होती हैं। अलग अलग पार्टीज के कैंडिडेट्स एक पर्टिकुलर स्टेट के अलग अलग एरियाज में इन एमएलएज की सीट्स के लिए चुनाव लड़ते हैं। इसके इलेक्शंस भी लोकसभा की तरह हर 5 साल में होते हैं, बस डिफरेंस ये है कि इसमें अलग अलग स्टेट्स के इलेक्शंस अलग अलग टाइम पर होते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंटली सिर्फ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान एंड तेलंगाना के विधानसभा इलेक्शंस हुए थे। ऐसे ही अलग अलग टाइम पर हर एक स्टेट के 5 साल के टाइम पीरियड के अंदर विधानसभा इलेक्शंस होते रहते हैं। तो सिंपली इलेक्शन के बाद जो भी पार्टी 50% से ज्यादा सीट जीत जाती है उनकी पार्टी मेजोरिटी यानी बहुमत से जीत जाती है और उस स्टेट में उनकी सरकार बन जाती है। अगर किसी पार्टी की 50% से ज्यादा सीट ही ना आए फिर क्या होता है? सुना होगा, फिर क्या करते हैं हम? गठबंधन। गठबंधन की सरकार बनती है। और क्या वो सरकार कभी भी अच्छी होती है? नहीं जी, क्योंकि वहां पर हर डिसीजन मेकिंग में हमें दूसरे पार्टी से कोऑर्डिनेशन करना है। कुछ मंत्री हमारी पार्टी के होंगे, कुछ मंत्री दूसरे की पार्टी के होंगे, तो वो डिबेट हमेशा चलता ही रहता है, तो वो कभी बहुत अच्छी सरकार नहीं बन पाती। चले एनीवेज, बाकी 12 मेंबर्स को ठीक है विधानसभा। आप एक क्वेश्चन है कि अगर कोई भी पार्टी 50% से ज्यादा वोट नहीं जीते तो क्या होगा? इसका एक एग्जांपल है 2013 में दिल्ली के विधानसभा इलेक्शंस, जिसमें टोटल 70 सीट्स हैं, जिसमें इलेक्शन के बाद बड़ी पार्टीज ने, बीजेपी ने 31 सीट जीती थी, आम आदमी पार्टी ने 28 एंड कांग्रेस ने 8 सीट्स। पर जैसा यहाँ पे मेजोरिटी से जीतने के लिए 36 सीट चाहिए, तो इस वजह से बीजेपी बहुमत से सरकार नहीं बना पाई। तो यहाँ पे क्या होता है, पहली प्रेफरेंस होती। दिल्ली में हुआ क्या था इस वाले इलेक्शन में, अगर किसी को ध्यान हो, अब बीजेपी और कांग्रेस तो गठबंधन करेगी नहीं, तो आम आदमी पार्टी ने किससे गठबंधन किया? कांग्रेस। तो बीजेपी ने इसके ऊपर बड़े सवाल उठाए कि जी देखो जी मेजोरिटी हमारी थी, मतलब ज्यादातर लोगों ने हमें सिलेक्ट किया, तो आम आदमी पार्टी पर काफी क्वेश्चन उठे। फिर आम आदमी पार्टी ने क्या किया, पहली बार उन्होंने सीटी छोड़ दी। उन्होंने कहा जी हम दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, अगर आप हम पर ऐसे एलिगेशन लगा रहे हो, मतलब अरविंद केजरीवाल जी सीएम बन गए थे पर उन्होंने अपना पद ही गिव अप कर दिया, उन्होंने कहा जी मुझे पद से लेना देना नहीं है, आप दोबारा ऐसे इलेक्शन कराओ। फिर दोबारा इलेक्शन हुआ और उस बार फिर आम आदमी पार्टी के इस स्टेप को पब्लिक ने काफी अप्रिशिएट किया कि उन्होंने अपना सीएम पद गिव अप कर दिया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आउट ऑफ दीस 70 शायद 68 सीट्स उनके पास आई थी, 67-68 ऐसे कुछ। ये कि जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीट्स हैं वो किसी दूसरी पार्टी के साथ अलायंस यानी गठबंधन करके सरकार बना सकते हैं। बीजेपी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी गई थी पर वो किसी के साथ गठबंधन नहीं कर पाए। फिर आम आदमी पार्टी को सेकंड प्रेफरेंस मिली तो उन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस करके अपनी सरकार बना ली। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो कि 50% से ज्यादा कोई पार्टी सीट्स ना जीते तो वो दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करके भी सरकार बना सकती है, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन हो जाती है। चलिए जी, तो आई होप ये बात सबको क्लियर है। तो फटाफट से जितना भी हमने सीखा अभी तक उसको ब्रश अप कर देते हैं। लास्ट बार बता दो, इंडिया के अंदर अगर सबसे बड़ी अथॉरिटी कोई है तो कौन सी बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने लॉ बनाने की पावर किसको दी? लेजिस्लेटिव ऑर्गन कौन है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन कौन आएगा? लोकसभा, राज्यसभा एंड साथ में कानून चलाने, दैट इज एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। कौन है हमारी? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन आएंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस प्रेसिडेंट एंड फाइनली अगर किसी कानून को इंटरप्रेट करना है तो इंटरप्रेट करने की पावर किसके पास है?
कोर्ट्स, किसी भी कानून के बनने की स्टेजेस कितनी होती है, तीन। बिल कहां का पास होगा, लोकसभा में, राज्यसभा में एंड प्रेसिडेंट, और इन तीनों को हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। ध्यान रखना कोई भी कानून इंडिया में अगर बनना है, एनी एक्ट दैट नीड्स टू बी पास्ड इन इंडिया, कौन पास करेगी, पार्लियामेंट। और ये बात बेटा कहां पर लिखी हुई है, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ही ये बात लिखकर बोलता है। और जी ये बात आपके संविधान के आर्टिकल नंबर 243 में भी लिखी हुई है। तो बेटा आपको एक हैंडआउट मिला होगा, प्लीज आप वो हैंडआउट ओपन करेंगे। जितने भी लाइव स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए, ये हैंडआउट ऑलरेडी आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोडेड है, मैं बार बार बता चुका हूं, वहां से आप देखेंगे। तो बेटा जैसे जब आप कोई एक्ट बनाते हो, एक्ट के काफी सारे टुकड़े किए जाते हैं, और हर टुकड़े को हम क्या बोल देते हैं, सेक्शन। जो हमारा संविधान है उसे भी अलग अलग पैराग्राफ्स एंड टुकड़ों में लिखा हुआ है, बस संविधान के अंदर हम उन्हें सेक्शन ना बोल के क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स। तो इन द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन ना बोलकर उसे बोला जाता है आर्टिकल। और ये है बेटा हमारे संविधान का एक आर्टिकल 245, जो हमें यह बताता है कि हमारे देश में अगर कोई कानून बनाना है, कानून बनाने की पावर किसके पास होगी, क्या लिखा होगा यहां पर, कानून बनाने की पावर किसके पास होती होगी बेटा, पार्लियामेंट। देखते हैं क्या यही बात यहां लिखी है। तो आर्टिकल 245 कह रहे हैं भाई, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट में मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दैट इज भाई अगर संपूर्ण इंडिया या उसके किसी हिस्से के लिए कोई कानून बनाने की बात आएगी, तो वो कानून बनाने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट। पर जी बात यहां पर खत्म नहीं हुई, इस आर्टिकल ने एक बात और बोल दी, और इसने क्या कहा जी, एंड द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट मे मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। तो ध्यान रखना बेटा, हम कहते तो क्या है कि इंडिया में कानून बनाने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट, पर जब हम ये बात बोलते हैं ना, तब हम किस लेवल पर बात कर रहे होते हैं, इंडिया या सेंटर लेवल पर। पर हमारे संविधान ने फेडरल स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट करते हुए क्या कहा कि इंडिया में कानून बनाने की पावर है दो अथॉरिटीज के पास, सेंटर लेवल पर अगर कोई कानून बनाना है तो वो कौन बनाएगी, पार्लियामेंट। पर अगर किसी स्टेट लेवल पर कानून बनाना है तो स्टेट लेवल पर कानून बनाने की पावर किसके पास है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। टू कट शॉर्ट द डिस्कशन, अगर मैं लेजिस्लेटिव ऑर्गन की बात करूं, कानून बनाने की पावर किसके पास है, तो बेटा इंडिया लेवल पर या सेंटर लेवल पर कानून बनाने की पावर किसके पास होती है, पार्लियामेंट। स्टेट लेवल पर कानून बनाने की पावर किसके पास है, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली। कानून एग्जीक्यूट करने की अगर मैं बात करूं, तो सेंटर लेवल पर कानून कौन एग्जीक्यूट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट में टॉप के मिनिस्टर को हम क्या बोल देते हैं, प्राइम मिनिस्टर। टॉप मिनिस्टर को क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर। स्टेट लेवल पर कानूनों को इंप्लीमेंट कौन करती होगी, स्टेट गवर्नमेंट। और जो स्टेट गवर्नमेंट में टॉप पर मिनिस्टर बैठता है उसको हम क्या बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर। और जैसे सेंटर लेवल पर प्रेसिडेंट होते हैं, स्टेट लेवल पर कौन होते हैं, गवर्नर। ध्यान रखना वहां पर चलते हैं, गवर्नर। एंड फाइनली कानूनों को अगर इंटरप्रेट करना हो तो इंटरप्रेट कौन करते हैं, कोर्ट्स। बस यहां ध्यान रखना बेटा, हमारे देश में ना कोर्ट सेंटर और स्टेट के लिए अलग डिवाइडेड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि सेंटर के कोर्ट्स अलग होंगे, स्टेट के कोर्ट्स अलग होंगे, ना। हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट हायरार्की, हाई कोर्ट एंड बाकी सारे कोर्ट्स की हायरार्की है, वही कोर्ट्स सेंट्रल कानूनों की भी सुनवाई करते हैं और वही कोर्ट्स स्टेट कानूनों को भी सुनवाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल लॉस के केस अलग कोर्ट में चलेंगे, स्टेट लॉस के केस अलग कोर्ट में चलेंगे, ना। कोर्ट्स की हायरार्की कॉमन है, तो कोर्ट सेंट्रल लॉस को भी सुनेगी, स्टेट लॉ को भी। तो दिस इज हाउ आवर लीगल स्ट्रक्चर इज वर्क। तो हम कहते जरूर है कि सिर्फ पार्लियामेंट कानून बनाती है, पर ध्यान रखना पार्लियामेंट सेंटर के लिए कानून बनाएगी और स्टेट के लिए कानून कौन बनाता है, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब आज अगर इंडिया लेवल पर कानून बनाना है तो क्या मोदी जी कानून बनवा सकते हैं पार्लियामेंट को बोल के, यस। और अगर स्टेट लेवल पर लेट्स सपोज यूपी में कानून बनाना है तो उसका इनिशिएटिव कौन ले सकते हैं, योगी जी। योगी जी अपने मंत्रियों को बोल के क्या कानून बनवा सकते हैं, यस। पर क्या योगी जी अकेले कानून बना पाएंगे, बाकी सारे एमएलए से कंसेंट लेना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली वो काम कर रही है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ध्यान रखना भाई, इंडिया लेवल पर कानून पार्लियामेंट बनाएगी, स्टेट लेवल पर कानून बनाएगी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, और यह बात हमारे संविधान ने लिख दी। अब बेटा जैसे ही यह बात संविधान ने लिखी, एक दिक्कत आ गई। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मैं इंडिया लेवल पर बात करूं, कोई एक कानून बताना जो इंडिया लेवल पर ऑपरेट करता है, इनकम टैक्स। चलो तो लेट्स सपोज बेटा, हमने एग्जांपल लिया इनकम टैक्स का। अगर आपको आइडिया हो हमारे देश में जो इनकम टैक्स है किसने बना रखा है, क्या स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, सेंट्रल लेवल पर ऑपरेट होता है, तो वो किसने बनाया हुआ, हमारी पार्लियामेंट ने। और ये इनकम टैक्स यूनैनिमसली पूरे इंडिया पर लगता है। और मोटा मोटा अगर मैं कहूं, वैसे तो आप टैक्स निकालना सीखोगे, पर लेट्स प्रिज्यूम आपको अपनी कमाई का 30% सरकार को जनरली टैक्स के फॉर्म में देना पड़ता है। मैं मान रहा हूं सीए बनने के बाद
आप कुछ सालों में 40-50 लाख कमा रहे होंगे, तो आप अपनी कमाई का 30% लगभग सरकार को, लगभग मैं बार बार कह रहा हूं लगभग सरकार को देते हो। मतलब अगर आपने 50 लाख रुपए साल के कमाए हैं, सरकार को आप लगभग 15 लाख रुपए टैक्स के फॉर्म में उसमें से दोगे, तो 15 लाख्स विल गो टू द गवर्नमेंट, रिमेनिंग विल बी ऑब्वियसली विद यू, वो आप अपने लिए इस्तेमाल करोगे। और बढ़िया बात क्या है, 50 लाख कमाओगे, इनकम टैक्स कितना दे दिया 15, बाकी कितना बचा हाथ में 35 को क्या करोगे, कहीं ना कहीं खर्च करोगे, जब जब खर्च करोगे तब तब क्या दोगे जीएसटी, ठीक, तो तब तब जीएसटी भी देना ऑब्वियसली, तो दिस इज आवर नेशन वर्क्स, तो आप हमेशा टैक्स पे करते रहते हैं। पर एनीवेज, तो आज इंडिया में सेंटर लेवल पर इनकम टैक्स बनाया है हमारी पार्लियामेंट ने, और क्या पार्लियामेंट पूरे इंडिया के लिए इनकम टैक्स एक्ट बनाने की पावर रखती है? अरे जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, क्या वो बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है? बिल्कुल, संविधान ने वो पावर दी हुई है। पर बेटा आज क्लास में आने से पहले मुझे मिले योगी जी, योगी जी जानते होगे, योगी जी को, योगी आदित्यनाथ जी, कौन है? अरे नलायक को पता, मैं कहा योगी आदित्यनाथ जी कौन है, कह रहे जेंट्स। क्या बोला? अच्छा गैंगस्टर, मेरे को सुना जेंट्स। चलो तो जी, यूपी के सीएम है, तो यूपी के सीएम हमारे योगी आदित्यनाथ जी। चलो तुम्हारे लिए डिस्कशन आसान कर देता हूं, केजरीवाल जी का एग्जांपल ले लेते हैं, तुम जल्दी कनेक्ट करोगे। केजरीवाल जी को तो जानते ही हो, आपके दिल्ली के सीएम है। तो क्लास में आने से पहले लेट सपोज बेटा मुझे मिले केजरीवाल जी और कह रहे जी अब देखो दिल्ली में तरक्की भी करनी है पर सरकार के पास खर्चा भी बहुत हो रहा है, तो थोड़ा सा तो हमें पैसा ज्यादा चाहिए। और केजरीवाल जी कह रहे जी दिल्ली में तरक्की करने के लिए ना मैं सोच रहा हूं कि मैं दिल्ली के लोगों पर लगा दूं इनकम टैक्स। मैंने कहा केजरीवाल जी कैसे लगाएंगे, क्योंकि इनकम टैक्स तो क्या ऑलरेडी सेंटर ने लगा रखा है। अरे क्या इनकम टैक्स ऑलरेडी सेंटर का है? मोदी जी ऑलरेडी इनकम टैक्स लगा रहे हैं। केजरीवाल जी कह रहे नहीं मैं भी इनकम टैक्स बनाना चाहता हूं, मैं भी इनकम टैक्स का कानून पास करूंगा। मैंने कहा केजरीवाल जी क्या कहना चाह रहे हो, थोड़ा समझाओ ना। उन्होंने कहा देखो जी मोदी जी ने जो इनकम टैक्स बना रखा है जो सेंटर लेवल पर ऑपरेट करता है वो तो लगता है पूरे देश पर, मैं जो इनकम टैक्स बनाना चाहता हूं मेरा इनकम टैक्स लगेगा सिर्फ दिल्ली में। That is, आज मैं कानून पास करना चाह रहा हूं दिल्ली इनकम टैक्स एक्ट 2023, और वो एक एक्ट बनाना चाह रहे हैं, और वो जो इनकम टैक्स एक्ट बनाना चाहते हैं दैट इज वो जो कानून बना रहे हैं वो सिर्फ दिल्ली के लोगों पर लगाना चाहते हैं। जितना बेटा आपने अभी तक पढ़ा है क्या केजरीवाल जी के पास ये पावर है कि वो दिल्ली में अगर अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से ये कानून पास करवा दें, क्योंकि उनकी सरकार है तो मानकर चल रहे हैं असेंबली में उनकी मेजोरिटी है, तो अगर वो ये एक्ट पास करा दे क्या वो दिल्ली के लोगों पर टैक्स लगा पाएंगे? क्यों नहीं लगा पाएंगे, 245 तो कह रहे, 245 ने तो क्या कहा कि जी इंडिया के लिए अगर इनकम टैक्स लगाना है पार्लियामेंट आप कानून बनाओ, और स्टेट के लिए कोई कानून बनाना है तो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली आप बनाओ। अब दिक्कत क्या है, आप अगर लेट से 100 रुपए कमाते हो, मोदी जी कहेंगे 30 रुपए का टैक्स मुझे दे दो, केजरीवाल जी क्या कहेंगे चलो 30 रुपए का टैक्स मुझे दे दो, बचेगा कितना 40, फिर आप कहोगे इस पर जीएसटी भी दे दो, और बाद में तुमसे गलती से रेड लाइट जंप होगी तो चलान वलान तो अलग से चलते रहते हैं। तो दिक्कत क्या है बेटा कि आज हमारे संविधान ने कानून बनाने की पावर पार्लियामेंट को भी दे दी और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को भी दे दी, पर अगर ये दोनों लोग ही हर टॉपिक के ऊपर कानून बनाना स्टार्ट कर दें तो क्या केओस मच जाएगा? Yes. अगर इनकम टैक्स पार्लियामेंट भी बना दे इंडिया के लिए, इनकम टैक्स स्टेट भी बना दे, बड़ी दिक्कत है। लाइकवाइज अगर हर टॉपिक के ऊपर पार्लियामेंट भी कानून बनाने लग जाए और स्टेट भी कानून बनाने लग जाए तो ये देश के अंदर हो जाएगा केओस। पब्लिक किसका कानून फॉलो करे, सेंटर का फॉलो करे, स्टेट का फॉलो करे, किसकी बात को ज्यादा वेटेज दे? तो संविधान को यह बात पता थी, तो संविधान को स्टेट को रिस्पेक्ट तो करना था और उन्होंने स्टेट को कानून बनाने की पावर तो दी, पर जैसे ही ये पावर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को दी गई संविधान ने से अगले आर्टिकल में ही एक बात कर दी क्लैरिफाई। तो अगर आप इसी से अगले आर्टिकल में बेटा एक बार आएंगे, अगला आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 246, और उस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बात को किया क्लैरिफाई, और क्या कहा भाई संविधान ने, संविधान ने आर्टिकल 246 के क्लॉज 1 में एक बात लिखी, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉजेस 2 एंड 3 पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर to make laws with respect to any of the matters enumerated in list 1 in the 7th schedule that is union list, that is jaisi 245 ne kaha
कि पार्लियामेंट आप भी कानून बना सकते हो, स्टेट आप भी कानून बना सकते हो। अगले ही आर्टिकल में उसने क्या कहा, पार्लियामेंट आप कानून बना तो सकते हो, पर आप कानून सिर्फ उन मैटर्स पर बना सकते हो जो मैटर्स कहां पर लिखे हैं, हमारे संविधान के एंड में आता है एक सेवन स्केड्यूल, यानी संविधान के एंड में आपको काफी सारे स्केड्यूल्स देखने को मिलेंगे, उसमें है एक सेवन स्केड्यूल, उसमें आती है एक लिस्ट नंबर वन, जिस लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, यूनियन लिस्ट। तो पार्लियामेंट, संविधान क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है पार्लियामेंट तेरे पास कानून बनाने की पावर तो है, पर तू सिर्फ उन मुद्दों पर कानून बना पाएगी जो कहां पर लिखे हुए हैं आपके, यूनियन लिस्ट में। सुनी थी ये बात बचपन में, यस। तो ध्यान रखना, पार्लियामेंट के पास जो कानून बनाने की पावर है वो सिर्फ कौन से लिस्ट के मैटर्स पर है, यूनियन लिस्ट। तो ये पार्लियामेंट ने कहा ठीक है मैं कानून बनाऊंगी यूनियन लिस्ट, और आपके हिसाब से बेटा इनकम टैक्स वाला मैटर कहां लिखा होगा, यूनियन लिस्ट। इसलिए देश में जो इनकम टैक्स बनाया हुआ है किसने बनाया हुआ है, फिर है केजरीवाल जी। तो जी मैं किस पे कानून बनाऊंगा भाई, पार्लियामेंट कानून बना रही यूनियन लिस्ट पे, मेरे को पावर तो दी है कानून बनाने की, पर मैं कौन से मैटर्स पर कानून बनाऊं। संविधान ने कहा रुको भाई, उसका भी जवाब है तीसरे क्लॉज में, और थर्ड क्लॉज में उसने क्या कहा, सब्जेक्ट टू क्लॉज वन एंड टू द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज फॉर सच स्टेट और एनी पार्ट देयर ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स एनुमरेटेड, बीच में शोर नहीं भाई, एनुमरेटेड इन लिस्ट टू इन द सेवन स्केड्यूल दैट इज स्टेट लिस्ट। तो जी जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो भी कानून बनाने की पावर तो रखती है, पर वो किन किन मुद्दों पे कानून बना सकती है वो बात बेटा कहां पे लिखी हुई है, स्टेट लिस्ट में। तो जोन जोन से मुद्दे स्टेट लिस्ट में है उन पर कानून बनाने की पावर है स्टेट के पास। फॉर एग्जाम्पल बेटा, इंडिया की कॉमन पुलिस है या दिल्ली पुलिस अलग है, यूपी पुलिस अलग है, हरियाणा पुलिस अलग है, अलग अलग क्यों है, क्योंकि पुलिस वाला मैटर लिखा ही कहां पर है, स्टेट लिस्ट में। क्या इंडियन गवर्नमेंट चाहकर अपनी इंडिया के कॉमन पुलिस अपॉइंट कर सकती है, नहीं, उनके पास वो पावर ही नहीं है, क्योंकि वो लिखा हुआ है आपका स्टेट लिस्ट में, तो यूनियन लिस्ट में वो मैटर ही नहीं है। इसलिए देश में हर स्टेट की पुलिस आपको अलग देखने को मिलती है, क्योंकि पुलिस वाला मैटर आपका कहां लिखा हुआ है, स्टेट लिस्ट में। तो जो भी मैटर स्टेट लिस्ट में है उन पर कानून बनाने की पावर है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। तो ध्यान रखना जी, यूनियन लिस्ट के मुद्दों के ऊपर कानून बनाएगी पार्लियामेंट, स्टेट लिस्ट के मुद्दों पर कानून बनाएगी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली। और बचपन में थोड़ा बहुत सीखा होगा, एक और लिस्ट होती थी, कौन सी, कॉनकरेंट लिस्ट, उस पर कानून बेटा कौन बनाता था, दोनों, उसके ऊपर कानून बनाने की पावर दोनों को दी गई थी। और क्या कहा क्लॉज टू ने, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज थ्री पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज वन द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट ऑल्सो हैव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स एनुमरेटेड इन लिस्ट थ्री इन द सेवन स्केड्यूल दैट इज कॉनकरेंट लिस्ट। दैट इज कुछ मैटर्स आपको कॉनकरेंट लिस्ट में देखने को मिलेंगे, जोन जोन से मैटर वहां लिखे हैं उन पर कानून बनाने की पावर है दोनों के पास। और जी अगर दोनों ने कानून बना दिया और क्लैश आ गया तो किसका कानून प्रिवेल करेगा, पार्लियामेंट। वो बात भी संविधान के बाकी आर्टिकल्स में लिखी है। तो ध्यान रखना, कानून दोनों बनाएंगे पर अगर कभी क्लैश आया तो उस केस में पार्लियामेंट का कानून विल प्रिवेल। तो जी अगर इन दोनों आर्टिकल्स को हम सम अप करें बेटा, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कानून बनाने की पावर किस किस को दे रखी है, पार्लियामेंट को भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। पर पार्लियामेंट कौन से मुद्दों पर कानून बनाएगी, यूनियन लिस्ट। स्टेट कौन से मुद्दों पर, स्टेट लिस्ट। और एक और लिस्ट आती है कौन सी, उस पर कौन कानून बनाएंगे, दोनों, पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीवन। एक बार अगर मैं आपको बस ये यूनियन और स्टेट लिस्ट दिखाऊं आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कानून बनाने की पावर्स ड्रिवन है। तो अगर आप ये संविधान में बेटा जाते हैं, क्या हो गया, बस कल दिखा देना, आज नहीं, चलो लास्ट। अरे तो अभी तो मेरे पास लीगली 7 मिनट है, 7 मिनट तो तुम कुछ नहीं कह सकते, 7 मिनट के बाद तो चलो तुम मेरी बात नहीं मानोगे, पर 5:30 तक तो तुम यहीं पे हो। हाँ जी, ब्रेक बहुत बड़ा मिल गया, 12 मिनट का ब्रेक था आज, काफी होता है, कितनी देर का ब्रेक होना चाहिए, अच्छा तुम बताओ, आधे घंटे का ब्रेक होना चाहिए। तो तीनों क्लासेस का मिलाकर तो आधे घंटे का ब्रेक हो गया होगा। चलिए एनीवेज, फटाफट से बस इस चीज को रशअप करते हैं एंड फिनिश करेंगे। तो ध्यान रखना बच्चों, ये आपके संविधान का सेवन स्केड्यूल, जहां पर आती है आपकी यूनियन लिस्ट, दैट इज लिस्ट नंबर वन। यूनियन लिस्ट के मैटर्स पर कौन कानून बनाएगी, पार्लियामेंट। यहां पर अगर आप मैटर्स देखेंगे बेटा, मैटर्स आपको कैसे देखने को मिल जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, लेट मी जस्ट शो यू। फॉर एग्जाम्पल आपकी एंट्री नंबर 82 के अराउंड आपको यूनियन लिस्ट में देखने को मिलेगी,
बस छोटी सी लिस्ट है बेटा, बस ये आगे बेटा आपकी एंट्री नंबर 82। और अगर आप इसको पढ़ोगे तो बेटा यहां पर क्या लिखा हुआ है, टैक्सेस ऑन इनकम। तो अगर इनकम पर टैक्स लगाना है उसकी पावर संविधान ने किसको दे रखी है, पार्लियामेंट। पर बेटा आपने शायद बचपन में एक बात या वैसे कॉमनली कभी सुनी होगी, कितने बच्चों को यह बात पता है, वैसे तो भी टैक्स नहीं पड़ा, पर कितने बच्चों को पता है कि एग्रीकल्चर इनकम पर हमारे देश में टैक्स नहीं लगता, पता सबको पता है बात, क्या बात है। तो जी हमारे देश में एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स क्यों नहीं लगता, क्यों मोदी जी या सेंटर वो टैक्स नहीं लगाते फार्मर्स के बेनिफिट के लिए। रखना जी यहां पर क्या लिखा है, क्या लिखा है, टैक्सेस ऑन इनकम हमारी सरकार चाहकर भी टैक्स लगा ही नहीं सकती, ये उनके औकात से बाहर है। आज अगर मोदी जी ने सेंटर लेवल पर या निर्मला सीतारमन जी ने एक ऐसा कानून पास कर दिया जिसमें अगर ये लिख दिया जाए कि हम फार्मर्स पर इतने रुपए का टैक्स लगा रहे हैं, वो कानून क्या हो जाएगा बेटा, संविधान के अगेंस्ट, दैट कानून विल बी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि संविधान ने ये पावर सेंटर को दी ही नहीं है, तो वो बाउंड है एग्रीकल्चर इनकम को एग्जम्प्ट करने के लिए। और अगर फिर भी वो बच्चों ऐसा कानून बना दें, क्या आप इस कानून को कोर्ट में क्वेश्चन कर पाओगे, क्या आप सरकार को घसीट के कोर्ट में लेकर जा सकते हो, क्या आप कह सकते हो आपने जो कानून बनाया वो संविधान के अगेंस्ट है? यस। और बच्चों वो कानून स्क्रैप होगा ही होगा, क्योंकि ये पावर उनके पास है ही नहीं, क्योंकि यूनियन लिस्ट ये पावर उन्हें देती नहीं, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाना है वो पावर कहां पर लिखी हुई है, स्टेट लिस्ट में, दैट एंट्री इज देयर इन द स्टेट लिस्ट। तो इसलिए एग्रीकल्चर या फार्मर्स को इनकम टैक्स लगाना अगर कोई चाहता है सिर्फ स्टेट लगा सकते हैं, सेंटर वो कर ही नहीं सकती। इसलिए बेटा जो मैं सिखाना चाह रहा था, बस ये सिखाना चाह रहा था, कोई भी कानून जो आपको दिया जाता है वो कानून आपको ब्लाइंडली ऐसे ही फॉलो करना जरूरी नहीं होता, यू हैव दैट अथॉरिटी टू क्वेश्चन द एक्ट इटसेल्फ। आप कानून पर भी सवाल उठा सकते हो, और किसी भी कानून को पढ़ने से पहले जानना बड़ा जरूरी है कि वो कानून सही से बना भी है या नहीं, क्योंकि कई बार हमारी सरकारें एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कानून बना देती हैं, वो ऐसा कानून बना देती है जो संविधान के अगेंस्ट है, हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, और हम उन ग्राउंड्स पर सरकार को कोर्ट में घसीट में लेकर जाते हैं, आए दिन ऐसे केसेस होते हैं। इसलिए किसी भी कानून को पढ़ने से पहले जान लेना कि वो पावर उनके पास है भी या नहीं, क्योंकि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है दैट लॉ विल नेवर स्टैंड। और जो कई बार बहुत यंग अब बच्चे भी ऐसा काम कर जाते हैं, आज से कुछ साल पहले एक 21 साल की लड़की थी श्रेया सिंगल, फैकल्टी ऑफ लॉ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वहां पर वो पढ़ा करती थी, उन्होंने कानून के लिए सरकार को कोर्ट में घसीटा था, शौर्य भी बीच में, उन्होंने कानून के लिए सरकार को कोर्ट में घसीटा था, और उन्होंने बकाया था उस एक्ट को स्क्रैप करवाया था, नेक्स्ट क्लास में डिटेल में उसके बारे में बताऊंगा। पर किसी भी कानून को पढ़ने से पहले यह जानना बड़ा जरूरी है कि वह पावर भी उनके पास है या नहीं। तो एनीवेज ये बेटा आपकी यूनियन लिस्ट, यहां पर टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी आ जाती है आपकी, 97। तो 97 टॉपिक्स पर अगर हमारे देश में कानून बनना है कौन बनाएगी, पार्लियामेंट। इसके बाद आती है स्टेट लिस्ट जिसमें आपकी 66 एंट्रीज, इनके ऊपर अगर कानून बनाना है तो बनाएगी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर आपकी आ जाती है कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें आपकी 47 एंट्रीज, उन पर दोनों ही यहां पर कानून बनाएंगे। बस एक आखिरी सवाल के साथ आज आपको भेजूंगा मैं, आर्टिकल 245 ने बेटा क्या कहा, अरे सवाल के साथ भेज रहा हूं कुछ पढ़ा नहीं रहा, चिंता मत करो। 245 ने बेटा क्या कहा, कानून कौन बनाएगा, पार्लियामेंट एंड स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली। 246 ने क्या कहा, पार्लियामेंट कौन से मुद्दों पर कानून बनाएगी, यूनियन, स्टेट कौन से मुद्दों पर, स्टेट, और दोनों किस पर, और दिल्ली में इनकम टैक्स लगाना कौन चाह रहा था, केजरीवाल। तो केजरीवाल जी ने आकर फिर से एक बात कही, अरे हर्ष सर 246 कह रहे हैं ना कि मैं इनकम टैक्स नहीं लगा सकता, ये बात कहां लिखी है, 246 में, क्योंकि 246 ने क्या कहा, इनकम टैक्स वाली बात है यूनियन लिस्ट में, यूनियन लिस्ट पर कानून कौन बनाएगी, सिर्फ पार्लियामेंट। वो कह रहे जी 246 पढ़ी क्यों रहे हो, आप सिर्फ 245 पढ़ो ना, वो भी तो संविधान का ही पार्ट है, वो भी तो 245 भी तो संविधान में आता है ना, तो why to read 246, you read 245, and क्या as per 245 अगर हम सिर्फ 245 पढ़ें तो क्या केजरीवाल जी अपने स्टेट के लिए कानून बना सकते हैं। वो कह रहे जी 245 ने मेरे को कह रखा है कि मैं अपने स्टेट के लिए कोई भी कानून बनाऊं, 246 कह रहे नहीं नहीं आप सिर्फ इन मुद्दों पर कानून बनाओ। तो वो कह रहे जी मैं 246 पढ़ू ही क्यों, मेरा काम तो सिर्फ 245 से चल जाएगा, तो मेरे को 246 में जाने की जरूरत नहीं है, मैं इसके हिसाब से कानून बना दूंगा। बात में कुछ दम है, दम क्यों नहीं है, चलो दम है या नहीं है मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तभी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। चलेगा, टेक केयर, बाय बाय।
अभिषेक डोंट वरी, ये सब टर्मिनोलॉजीज का डिफरेंस आपको नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा, आज इतना समय हमारे पास नहीं है, अगली क्लास में सीखेंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आई एम हियर, यू कैन आस्क द डाउट। लाइव स्टूडेंट्स, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क। एक सेकंड देना बस। चलिए लाइव स्टूडेंट्स, आपकी कोई भी क्वेरी मेरी स्क्रीन पर नहीं है, कोई क्वेरी अगर आपकी रह जाए तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।